जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में नाउन के सारे जो पांचों टाइप्स थे वो कवर कर लिए थे। अब जो हम लोग करेंगे, मैंने बताया था साथियों आपको, मैं सोल्यूशन करवाऊंगा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जो कि आर के सिन्हा द्वारा क्या है, लिखित बुक है, उसकी मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट कराऊंगा, तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर क्लियर, एक्सरसाइज फर्स्ट में कराऊंगा और मैं क्वेश्चन यहाँ से लिखने की प्रयास करता हूँ और क्वेश्चन सारे लिखते चलूंगा। आप लोग मुझे बताना उसमें नाउन क्या है। देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, क्वेश्चन कल तक टाइप होकर आ जाएंगे साथियों। देखो कह रहा है कि इन सर्कल ऑल द नाउन, इन सर्कल ऑल द नाउन इन दिस सेंटेंस, मतलब जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें से जो नाउन हो उसे घेरा लगाना है। बट सुनो, मैं सिर्फ घेरा लगाने नहीं बताऊंगा, मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कौन सा नाउन है, वो किस पार्ट से आया है, किस कैटेगरी से है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर नाउन के अलावा आपको इसमें पार्सिंग भी सिखा दूंगा। इस वीडियो में पार्सिंग करना, पार्सिंग जब सीख जाओगे तो साथ ही इंग्लिश को मुट्ठी में घुमाओगे। पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना। पहला क्वेश्चन में जो दिया है आपका, तो सोल्व एग्जाम्पल से मैं उठा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल, तो सोल्व एग्जाम्पल है उसमें कहीं पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट ठीक है, द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल। अब आ जाओ साथियों, बुक भी खोल लेना, ठीक है। सभी को अपना अपना बुक खोल के बैठना और आप कमेंट करके मुझे बताओ इसमें से नाउन कौन कौन सा है। जल्दी फटाफट सभी को कमेंट करो, सबकी कमेंट में देख रहा हूँ, फटाफट कमेंट करो। ये जो सेंटेंस है द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, मैंने बताया है कि आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि राम दे देगा और पूछेगा कि राम किस कैटेगरी से, नहीं ऐसे नहीं पूछेगा। आपका जो एग्जाम में आएगा ये सेंटेंस के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा साथियों, सेंटेंस के फॉर्म में आएगा, तो आपको सेंटेंस में से चूज करना होगा। और देखो साथियों, सिर्फ यहाँ पर नाउन नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया, पार्सिंग भी सिखाऊंगा। और ये जो पढ़ोगे ना, पूरे YouTube पर जो मतलब खोज लेना, इस तरह से कहीं नहीं पढ़ाई हुआ होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना नाउन कौन कौन सा है, पहले बताओ मुझे साथियों फटाफट। जब चलोगे यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करोगे तो नाउन आप जब, मुझे पता होगा कुछ बच्चे यहाँ पे रट्टा मार के बैठे होंगे, कहेंगे सर स्टूडेंट नाउन है, ये स्कूल नाउन है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैं मान के चलता हूँ ये जो स्कूल है ये नाउन है, सर स्टूडेंट नाउन है और यहाँ पे स्कूल ये नाउन है। आपके अकॉर्डिंग ये मान के चलता हूँ स्कूल और जो स्टूडेंट है दोनों क्या है, नाउन है। अब मुझे बताना साथियों, ये जो स्टूडेंट है ये आपका क्या बोले आपको सर, ये नाउन है, मैंने मान लिया कि ठीक है साथियों स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब मुझे बताना है नाउन में किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एकदम बढ़िया से कॉपी खोल के बैठना, सारी चीज लिखना, ये पहली बार इस तरह से पढ़ रहे हो, सिर्फ बुकों में या कोचिंगों में गए होगा ना। ऑफलाइन की बात करते हो जहाँ आप 4000-5000 रुपये दे के पढ़ते हो ना, सिर्फ ये मिलवाते हैं, कहा चलो बुआ एक नंबर में स्टूडेंट आपका नाउन है, क्या है एक नंबर में आपका स्टूडेंट नाउन है और स्कूल नाउन है, बस ऐसे। मैंने खुद पढ़ा साथियों, मैं जब पहले पढ़ता था तो ऐसे ही पढ़ाई होता था, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ऐसे मिलवाने जाते थे कि स्टूडेंट नाउन, दसवीं तक की बात बता रहा हूँ, ट्वेल्थ की नहीं। ट्वेल्थ के बाद मैं तो अपना इंस्टीट्यूट ही चेंज कर लिया था, उसके बाद मतलब फिर मैं बड़े तरीके से पढ़ रहा था। तो जो स्टूडेंट और स्कूल ऐसे मिलवा के छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समझना, आपने बोला स्टूडेंट नाउन है, मैं जानना चाहता हूँ नाउन में कौन सा नाउन है, नाउन में किस कैटेगरी का नाउन है। तो आप बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर दिमाग लगाएंगे, सर ये कॉमन नाउन का है, ठीक है साथियों कॉमन नाउन का है, कॉमन नाउन है, ठीक है। बट कॉमन नाउन में सर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, ये क्या है साथियों, प्लूरल फॉर्म में है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो द स्टूडेंट्स यहाँ पे एस लगा हुआ है इसमें, ये प्लूरल फॉर्म में है। और मैंने एक रूल बताया था, लेकिन यहाँ पे मान के चलो जो बुक है, बुक जब लिखा है तो हम लोग नहीं काटेंगे, लेकिन मैंने बताया था आपको रूल, जब कोई प्लूरल नाउन हो जाए, यानी कि उसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन नहीं लगता, लेकिन बुक लगा करके चल रहा है तो मानना पड़ेगा हमें भी। लेकिन प्रैक्टिकल सोचोगे, बड़े बड़े बुक उठा रहे फिर नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ मान के चलो, यहाँ पे इसकी बात कर लो। कह रहे कि स्टूडेंट नाउन है, नाउन में किस कैटेगरी से है, तो कॉमन नाउन है। अब मुझे बताना ये कैसा है, तो प्लूरल काउंटेबल है, इसे गिन सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। ये क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये क्या हो जाएगा, तो प्लूरल क्या लिख सकते हो साथियों, प्लूरल काउंटेबल, साथियों काउंटेबल नाउन,
एकदम धैर्य बना के रखना, एक एक चीज सीख जाओगे, एक दो वर्ड है ये क्या क्या है सारी चीजें बताऊंगा। पहले समझा स्टूडेंट नाउन है, फिर स्टूडेंट इसमें क्या है कॉमन नाउन है, और ये क्या है फिर प्लूरल प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब तो यहाँ तक तो नाउन की बातें जान लिया कि सेंटेंस में पूछा था नाउन है, ठीक है साथी। अब मुझे बताना इस सेंटेंस में ये रोल कैसा कर रहा है, एज एक्ट एज ए रोल कैसा कर रहा है, इस सेंटेंस में इसका रोल क्या है, जल्दी से ना बता दो साथियों। ये जो स्टूडेंट है इस सेंटेंस में इसका रोल क्या है मुझे बताओ जल्दी से। ये जो स्टूडेंट है इस सेंटेंस में रोल कैसा निभा रहा है, एज ए सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, कैसा एज ए सब्जेक्ट। अब कैसे सब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर लगाओ इज के पहले हु लगाओ, क्या लगाओगे हु इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल कौन जा रहा है, तो विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी गण यानी कि जो विद्यार्थी, इसका आंसर जो आता है ना वही सब्जेक्ट होता है। तो हु लगाकर जब वर्ब में क्वेश्चन करते हो, वर्ब में क्वेश्चन करते हो उसका जो आंसर आता है वही सब्जेक्ट होता है, समझ गए। तो जो इसका आंसर क्या आया था द स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ठीक है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जान गए ना कि ये वाला कौन सा पार्ट था, अब आ जाओ दूसरे नाम की तरफ, ये वाला नाम की तरफ आ जाओ और इसी भी समझो। स्कूल क्या है, नाउन है आपके अकॉर्डिंग, नाउन में कैसा नाउन है, तो स्कूल एक क्या है कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है एक जनरल फॉर्म में बोला जाता है, तो स्कूल क्या आपका साथियों कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने सारे टाइप्स बता दिया आपको नाउन के, जितने भी टाइप्स है वो सारी चीज मैंने पढ़ा दिया है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप बढ़िया तरीके से एक एक चीजों को पहचान लें, क्योंकि बुक में डिटेल्स में नहीं मिलेंगे, और जो पढ़ा रहा हूँ ना उसे बारीकी से समझना, फिर इंग्लिश में सेंटेंस देखे कभी घबराओगे नहीं, क्योंकि आप पकड़ लोगे अच्छा नाउन है, नाउन में कॉमन नाउन था, ओहो प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है, अच्छा जी रोल क्या है इसका इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट का रोल है, तो ये पहचानने में आपको दिक्कतें नहीं होगी। आ जाओ यहाँ पे स्कूल, स्कूल क्या नाउन है, नाउन में कैसा नाउन है, ये है आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल है, गिन सकते हैं स्कूल को, एक स्कूल दो स्कूल तीन स्कूल, क्योंकि स्कूल नहीं लगे इसके साथ में, ठीक है। आ जाओ इसके बाद ये क्या कॉमन नाउन का पार्ट है, ठीक है कॉमन नाउन है। अब इस सेंटेंस में इसका रोल क्या है, इस सेंटेंस में जो आया है स्कूल इसका रोल क्या है, ये रोल कैसा निभा रहा है, क्या रोल क्या है सेंटेंस में। देखो जैसे ही हम इज में क्या लगाएंगे व्हाट, क्या जाता है, क्या जाता है, या विच, व्हाट या विच लगाएंगे मतलब किसको जाता है, तो यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे व्हाट और विच से क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन करते हो, जब आंसर नहीं आता है तो वो जो आंसर नहीं आता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं साथियों कॉम्प्लीमेंट। अगर आंसर आ जाए, अगर आंसर आ जाए तो उसे बोलते हैं हम साथियों ऑब्जेक्ट, समझने के प्रयास करना। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना साथियों तो मुँह आधार करने लगोगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट सब पहचानना सिखा दूंगा, लेकिन सब्र करो। यहाँ पे समझो कि ये स्कूल क्या आपका साथियों कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ बताओ ऐसे कभी कहीं पढ़े थे मुझे बताना साथियों कमेंट करके, ईमानदारी से दिल पे हाथ धर के, यहाँ दिल होता है ना साथियों, यहाँ पे इस साइड यहाँ पे दिल है, यहाँ से बताना ईमानदारी से क्या अभी तक ऐसे कहीं पढ़े थे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कहीं भी नहीं पढ़े होगे कि नाउन के बारे में इतनी डिटेल दिया जाता हो कहीं पे भी, कि नाउन ये पार्ट है, फिर नाउन में ये है तो फिर उसके अंदर वाला पार्ट भी, फिर उसके अंदर भी जाने, हम लोगों ने ऐसे डिटेल में कहीं नहीं पढ़े। लेकिन आपको काम क्या करना होगा साथ मेरे साथ, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता, अपने हजारों वीडियो देखे होगे नाउन के, हजार जगह पढ़े होगे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन नोट डाउन करना, इससे फिर से अपना यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करना, क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन रख के फिर से बनाने के प्रयास करना, और कमेंट में अपना जो डाउट भी हो पूछ सकते हो। ये समझ में आ गया नाउन वाला पार्ट, अब आ जाओ नाउन के अलावा इसमें और क्या मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे कुछ एक और वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको साथियों द, अब मुझे बताओ अब ऐसे आप अगर मैं चला जाऊं बता कर तो सिर्फ नाउन सेंटेंस कैसे समझोगे, कि सेंटेंस एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो ये द है ये द क्या है, आर्टिकल है साथियों, क्या है द क्या है आर्टिकल है। सिर्फ साथियों मिलवाऊंगा नहीं आंसर, यहाँ पे सिर्फ बोला इनसर्कल कर देना है, लेकिन मैं इनसर्कल नहीं सारे चीज बता दूंगा आपको, टाइम लगेंगे मुझे भी पता है, मुझे भी टाइम लगेंगे क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे लगते हैं टाइम, ठीक है साथियों ये बातों को समझना है। ये आर्टिकल है क्या है, द आर्टिकल है, और ये कैसा आर्टिकल है, ये कैसा आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि लड़की की जो बात करी वो डेफिनेट, उसके बारे में वो जानता है पहले से,
जो लड़का है लड़की स्कूल जाते हैं इसके बारे में, उसके बारे में क्या है ऑलरेडी इसको नॉलेज है, कहाँ ये लड़का वही लड़का है जो स्कूल जाते हैं, इसको पता है। ये जो आर्टिकल द है ये कैसा आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। साथ ही में सब कुछ सीखते चलो, कैसा आर्टिकल है तो डेफिनेट आर्टिकल है, समझ गए कैसा आर्टिकल है डेफिनेट। और देखो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट में आपका क्या आता है ए एन आता है, ठीक है, नॉन भी आता है, ये सिखाऊंगा कैसे आता है, एनी भी आता है, लेकिन दो समझ के चलो ए एन और द। डेफिनिट में द, इनडेफिनिट में ए एन, देखो साथ ही आर्टिकल भी सीख गए ना नाउन में ही। ये सारे चीज इसे बोलते हैं पार्सिंग, एक एक वर्ड को बारे में जानना सेंटेंस के, जो सेंटेंस हो उसके एक एक वर्ड के बारे में जानना पार्सिंग कहलाता है, समझ गए ना। आ जाओ अब यहाँ पे जो ये एज दिखाई दे रहा है, क्योंकि एज ही सारे चीज का खेला करवा रहा था, ये जो एज दिखाई दे रहा है यहाँ पे बताओ अब एज यहाँ पे क्या कर रहा है, एज एक्ट एज यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्जिलरी वर्ब का काम कर रहा है। एज तो आपका वर्ब है क्या साथियों, वर्ब है, लेकिन रोल कैसा निभा रहा है, एक्जिलरी वर्ब का निभा रहा है रोल। और ये वर्ब में कैसा वर्ब है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, कैसा हो जाएगा साथियों, इनट्रांजिटिव वे में काम कर रहा है। जब ये ट्रांजिटिव होता, सॉरी यहाँ पे जब ये ट्रांजिटिव होता तो ऑब्जेक्ट होता, जब यहाँ पे ये वाला वर्ब, ये जब वर्ब ये क्या होता ट्रांजिटिव होता तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो जो वर्ब होता वो इनट्रांजिटिव होता है, समझ गए। इज हम लोग डॉग के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट के बारे में जानेंगे, इज के बारे में जानेंगे, अब बच रहा है गोइंग, गोइंग के बारे में भी जान ले थोड़ा। देखो ये जो गोइंग है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या साथियों, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बताया था ना बेटा वन बेटा टू नहीं बोलना है, लेकिन आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टू है, ये टू कैसा काम कर रहा है, एज ए प्रीपोजिशन है, यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है। अब देखो यहाँ पे एक रूल आया होगा, रूल समझ लो, बहुत कुछ सीख जाओगे, एक क्वेश्चन से हजारों चीज बनते जाते, हजार रूल बन जाते हैं, बस समझना पड़ेगा। देखो रूल ये बन गया, जब ये टू क्या है प्रीपोजिशन है, क्या साथियों प्रीपोजिशन है। अब देखो जब प्रीपोजिशन के बाद क्या साथियों, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है साथियों नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या है नाउन, लेकिन प्रीपोजिशन के जस्ट पहले क्या क्या आ सकता है, एक तो आपका साथियों वर्ब आ सकता है प्रीपोजिशन के पहले, वर्ब आएगा कितने परसेंट आने के चांस है 33.3%, फिर इसके बाद नाउन भी आ सकता है, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, सब के सब कितने परसेंट चांसेस होते हैं एडजेक्टिव नाउन वर्ब इसके पहले प्रीपोजिशन के पहले, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा नाउन ही आता है, ये बात दिमाग में एक रूल सीख गए ना, प्रीपोजिशन के पहले नाउन एडजेक्टिव वर्ब आ सकते हैं लेकिन प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएंगे। ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गए साथियों, एक सेंटेंस से देखो क्या क्या सीख गए, स्टूडेंट के बारे में पूरा डिटेल, स्कूल के बारे में पूरा डिटेल, टू के बारे में भी जान गए, इज क्या ये भी जान गए, द भी जान गए, लेकिन बुक में सिर्फ बोला था इन सर्कल करना है। ये साथियों सबको समझ में आ गया, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, बस थोड़ा टाइम लगेंगे लेकिन अच्छे कंसेप्ट सीखोगे, ऐसा पेड कोर्स में भी कहीं नहीं सिखाया जाता है, ठीक है साथियों, इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी करो, हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है उसमें चलेंगे, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो साथियों। चलो मैं आशा करता हूँ साथियों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं रद्द करता हूँ, ठीक है। और साथियों आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है साथियों, जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप उतने ही फ्लुएंट होते चले जाओगे इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जो आपको हर चीज में माहिर बनाने में आपको साथ देती है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस देखो, क्योंकि आप जब शुरुआत में अगर साइकिल चलाते हो तो क्या एक ही दिन में सीख जाते हो, क्या सीख जाते हो, नहीं सीख पाते हो साथियों, क्या करते हो आप डेली गिरते हो फिर उठते हो फिर गिरते हो, धीरे 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 करते करते सीख जाते हो, वैसे इंग्लिश है, सीख जाओगे एक दिन, लेकिन एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन सीख जाओगे, ये मैं गारंटी करता हूँ, तुम अगर प्रॉपर सीक्वेंस से फॉलो करोगे, ठीक है साथियों। तो आज हम अपने एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, मैं लिखने की प्रयास करता हूँ और आप लोग इसे समझने की प्रयास कर रहे हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का वो था एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत विस्तार से बताना था मुझे। आज एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कह रहा है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे
नाउन कौन कौन सा है पहले बता दो मुझे, कमेंट करके, सबके कमेंट में देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दो साथियों, इसमें नाउन कौन कौन सा है, जल्दी बताओ मुझे साथियों, सबके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ, इसमें बताओ नाउन कौन कौन सा है जल्दी, क्योंकि फिर इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे तो फिर इसमें 3-4 मिनट लग जाएंगे, जल्दी बताओ कमेंट करो सभी को फटाफट। आज मैं बताता हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं की बातें हैं। यहाँ पे देखो नाउन देखा जाए तो एक तो आपका न्यू दिल्ली एक ही है, ठीक है, न्यू अलग नहीं है, न्यू दिल्ली अपने आप में नाम है, ठीक है। एक और यहाँ पे हो जाएगा इंडिया, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर ये कैपिटल क्या है, तो साथ ही मैं बताऊँ कैपिटल भी नाउन है, मैंने इसके जस्ट पहले अभी एक रूल बताया था कि ऑफ के पहले नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी पहले ऑफ के पहले यानी कि प्रीपोजिशन के पहले ऑफ भी हो सकता है, सॉरी नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के जस्ट बाद देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके जस्ट बाद इंडिया, इंडिया के नाउन है, तो यहाँ पे ये नाउन भी है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब बताओ इसके डिटेल से बता दिया जाए, सभी को बता फटाफट इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो, चलो बताता हूँ। ये जो न्यू दिल्ली है, आपने बोला सर कि नाउन है तो मैंने मान लिया, ठीक है साथियों ये नाउन है, मैं मान लिया आपकी बात है, ये नाउन है। अब मुझे बताना नाउन के अलावा ये क्या है, नाउन में कैसा है ये, तो न्यू दिल्ली किसी जगह का पार्टिकुलर नेम है। अच्छा बताना न्यू दिल्ली जैसा कोई और शहर है, इसके जैसा कोई और चीज है, नहीं है, तो न्यू दिल्ली अपने आप में यूनिक है, जो अपने आप में यूनिक होता है उसे हमने क्या बताया साथियों, प्रॉपर नाउन होता है। तो बताओ न्यू दिल्ली कैसा नाउन हो जाएगा साथियों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा ना सबको, प्रॉपर आज मैं थोड़ा डार्क वाला सा लिखूं, ये थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इसके आउट डिटेल्स के बारे में बात करें, ठीक है, ये नाउन में प्रॉपर नाउन है, और मैंने बताया था जिसे गिनती करने की जरूरत पड़े उसी को हम लोग काउंटेबल कहते हैं, जिसे जरूरत ना पड़े उसे अनकाउंटेबल रखते हैं, लेकिन आपके आर के सिन्हा के बुक में जाओगे तो इसे काउंटेबल में रखा है, लेकिन हम उसके ही फॉलो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में मैंने बताया तो प्रैक्टिकल बात याद रखनी है, लेकिन बुक के अनुसार, बुक के अनुसार मानोगे ये काउंटेबल है, लेकिन रूल के अनुसार मानोगे तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो मान सकते हो कैसा ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या साथियों अनकाउंटेबल नाउन है, समझ गए, चलो ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये कैसा इस सेंटेंस में कैसा रोल है इसका, इस सेंटेंस में रोल क्या निभा रहा है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है हर जगह पे, जैसे अभी मेरा रोल क्या है, एक पढ़ाने वाला रोल है, मैं कहीं और चला जाऊंगा तो वहां, जैसे मैं दुकानदार के पास चला जाऊंगा तो मैं एक खरीदार जो खरीदता है सामान वैसा रोल एक्ट करूंगा, तो हर समय के अनुसार सिचुएशन के अनुसार उसका क्या होता है, जो उसका रोल होता है वो बदलते रहता है। यहाँ भी इसका रोल क्या है, अभी एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कैसा काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट की तरह, समझ गए, इसके बारे में हम लोग चार चीज जान गए, ये नाउन है, ठीक है सर, नाउन में कैसा प्रॉपर नाउन है, और ये क्या अनकाउंटेबल, लेकिन बहुत सारे बुकों में काउंटेबल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के देखोगे तो ये अनकाउंटेबल है, आने वाला कुछ समय में इसे भी अनकाउंटेबल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल के बारे में, इस वाले के बारे में बात कर ले, आ जाओ कर लेते हैं, ये क्या है, नाउन है, नाउन में कैसा नाउन है मुझे बताओ साथियों, नाउन में कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, बहुत अच्छे जवाब, क्या साथियों, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के अलावा ये क्या है, ये गिन सकते हैं साथियों कैपिटल को, काउंटेबल है, ये कॉमन नाउन होते काउंटेबल होगा ना, ये काउंटेबल है, और इसका रोल क्या है, सेंटेंस में रोल क्या निभा रहा साथियों मुझे बताओ। अब देखो बच्चे को दिमाग बहुत कंफ्यूज जाएंगे, सर यहाँ भी कैपिटल है यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट होगा कंप्लीमेंट होगा, और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बताता हूँ समझो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा अपनाना है, जो ये इज है, क्या है साथियों, जो ये इज है, अगर उससे आप क्या करते हो क्वेश्चन, क्या न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने इसे क्वेश्चन किया विच, जैसे मैंने इसे क्वेश्चन किया विच किसका, तो भारत का, और फिर भारत क्या है मतलब राजधानी है, भारत क्या है, एंड जैसे मैंने वर्ड लगाया, जैसे मैंने क्या लगा वर्ड,
तो क्या है, तो राजधानी है। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट मिल रहे, एक वर्ड से आंसर आ रहे, एक विच से आंसर आ रहे, तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या साथियों, ये कैसा काम कर रहा है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है साथियों, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब लेकिन अब मुझे आपको, आप मुझे ये बताना कि जो ये कैपिटल है, कहाँ गया कैपिटल है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, मुझे बताओ साथियों फटाफट। तो ये कैपिटल है, कैसा ऑब्जेक्ट है, मैं बता दूं साथियों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जल्दी ही आ जाता है। एक लॉजिक है लेकिन सब जगह काम नहीं करता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सब जल्दी ही आ जाता है, समझना यहाँ पे। जो व्हाट से आंसर आए, जो व्हाट से आंसर आए मतलब क्या है, न्यू दिल्ली भारत का क्या है, न्यू दिल्ली भारत का क्या है, तो राजधानी है। जो आंसर व्हाट से आया उसे डायरेक्ट कहेंगे, और जो आंसर विच से आता है इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो इंडिया है आपका, ये कैसा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या साथियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि विच किसका राजधानी है, न्यू दिल्ली किसका राजधानी है, तो भारत का। विच लगाया, विच मतलब किसका, तो भारत का, तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। और इंडिया क्या है, नाउन है। नाउन में कैसा नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और सब्जेक्ट में काम कैसे करता पता चल गया। और ये क्या है, अनकाउंटेबल नामी कैटेगरी में भी रखा जाएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। न्यू दिल्ली नाउन है, ऐसा नाउन में किस कैटेगरी से है, तो प्रॉपर नाउन, फिर अनकाउंटेबल भी काउंट होगा, मतलब होगा, और एज ए सब्जेक्ट का तरह रोल करता है। यहाँ तक कैपिटल नाउन है, कॉमन नाउन की तरह भी, कॉमन नाउन से बिलोंग करता है, काउंटेबल है, और ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंडिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, इंडिया, प्रॉपर है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अब देखो छोटा थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के प्रयास कर दे रहा, ऊपर में समझ जाना। ये जो इज है, इज है इस सेंटेंस में एज एक एज ए मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब आप यूज ऑफ इज एम आर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे साथियों, यूज ऑफ इज एम आर पढ़ोगे तो समझोगे, इसके पीछे एक कहानी है, समझना। जब आप घर पे रहते हो, घर पे सबको रहते हो ना, घर में आपके दादा भी रहते हैं, पापा जी भी रहते हैं, और आप रहते हो, ठीक है, समझना। जब आपके दादाजी मान लीजिए खेत में चले गए, पापा जी ऑफिस चले गए, बचते आप हो, क्या बचते हो आप। तब आपके घर में कोई मेहमान आ गया, या पोस्ट ऑफिस से कोई डाकिया आ गया, ठीक है, तो वो आपके पूछता है ना कि आपके दादाजी कहाँ हैं, तो कहते हैं कि नहीं है। फिर पूछते हैं कि पापा जी कहाँ हैं, आप बोलते हो कि नहीं, दोनों में से दोनों लोग नहीं है। फिर आप उनसे क्वेश्चन करते हो ना कि हाँ बोलिए क्या काम है, शायद मैं उस जगह पे काम कर दूँ। तो वही काम यहाँ पे जो इज है, देखो इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, इसे पता है कि मैं एक्जिलरी वर्ब हूँ, लेकिन जब यहाँ मेन वर्ब नहीं था ना, तो वो कहता है कि बताइए क्या काम है, मैं कर दूंगा। ऐसे आप कहते क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। उस समय आप कैसा रोल करते हो, अपने दादाजी के, अपने पापा जी के रोल एक्ट करते हो उस समय, कहाँ बताइए कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कहाँ पे क्या करना है, मैं कर दे रहा हूँ उनके जगह पे, क्योंकि मैं उनका फैमिली से हूँ, उन्हीं के मतलब जो बोलते हैं ना कोरिलेट मतलब है, ठीक है। तो वैसे इज के वर्ब का पार्ट है, तो ये जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो ये जाकर के कहता है चलो मैं मेन वर्ब का काम कर देता हूँ, कुछ मतलब कब के लिए, इस सेंटेंस के लिए, हमेशा मेन वर्ब नहीं होगा। जब तक ये सेंटेंस है तब तक इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज होगा, ये इज अपने आप में जो पहले से ये बेटा का रोल निभा रहा, जैसे हम लोग घर पे निभाते, वैसा ये इज एक्जिलरी वर्ब का रोल निभाने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलो ठीक है। यहाँ पे इज अभी क्या काम कर रहा है, एज एक्ट एज मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, एक्जिलरी वर्ब है। वास्तव में क्या है, एक्जिलरी वर्ब है, लेकिन रोल निभा रहा है मेन वर्ब का। द के बारे में बता ही दिया इसके पिछले सेंटेंस में, द क्या होता है, क्या होता है साथियों, डिफिनिट आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है, आर्टिकल में कैसा डिफिनिट आर्टिकल। ऑफ के बारे में बता ही दिया, तो ऑफ की प्रीपोजिशन है, और ऑफ के पहले नाउन आता है, और क्या आता है साथियों, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है। लेकिन ऑफ के बाद यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा 99% लिख के रख लो कहीं भी कॉपी में, जब भी आएगा नाउन आएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। ऑफ के बाद जब भी आएगा नाउन आएगा, या कहीं भी आए नाउन ही आएगा। चलो ये दो नंबर भी क्वेश्चन हो गए साथियों, फटाफट नोट डाउन, एक नंबर क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी करो साथियों। चलो हो गए होंगे, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करने के प्रयास करेंगे, और आप क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे, कौन सा पार्ट है,
तो ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ठीक है। कमेंट की ओर बाद में ध्यान देंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। के बाद जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मैं कमेंट की पूरी बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे, क्योंकि अभी आपको मैं बेस मजबूत करना चाह रहा हूँ कि आप समझो एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि सिर्फ बटवाना नहीं है और सिर्फ मिलवाना नहीं है, आपको सिखाना भी है। कहीं भी जाओ तो आपको गर्दा उड़ा करके आओ वहाँ से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और इसे प्रैक्टिस करना चाहती हो अपने से क्वेश्चन, कोई भी बुक हो, लूसेंट का भी बुक उठा सकते हो, या बहुत सारे प्रकाशन का बुक आता है तो उठा करके क्वेश्चन लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेहरू जी वॉज, आ जाओ लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेहरू जी वॉज ए ग्रेट, नेहरू जी ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। आ जाओ देखो, कह रहा है कि नेहरू जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अब बताना, मैंने अभी बता दिया यहाँ पे नेहरू जी भी क्या है आपका नाउन है, ठीक है। हमने अभी जस्ट बताया कि ऑफ के बाद आंख मुद के क्या होता है, नाउन आता है। ये आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता है, ऑफ जब भी बात आएगा तो नाउन ही आएगा। तीन जगह अभी सीध हो चुका है कि नाउन आया कि नहीं, तीन सेंटेंसेस अभी तक देखिए कि एग्जांपल वाला दो सोल्यूशन वाला, ऑफ के बाद हमेशा क्या रहा, नाउन ही आ रहा है। तो समझ रहे हो ना कि कंसेप्ट मैंने जो बताया गलत नहीं बताया, सही है। रूल आपके सामने एक्ट करेगा यार, सामने सब पता चल जाएगा, सीधे चला जाएगा। ऑफ के जस्ट पहले क्या है, लीडर, लीडर भी क्या है, नाउन है। अब देखो यहाँ पे ग्रेट क्या है साथियों, ये नाउन है, ये भी नाउन है, नेहरू जी भी क्या नाउन है। ये देखो ग्रेट, समझना ग्रेट को, ग्रेट क्या साथियों एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव है। ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल में बताऊंगा क्या वॉज क्या है यहाँ पे बताना। जब घर में महान लोग बड़े लोग नहीं रहते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वही एज ए कैसा काम करते हैं, मेन वर्ब का। लेकिन वास्तव में क्या है, ये एक्जिलरी वर्ब है, लेकिन एक्ट कैसा कर रहा है, मेन वर्ब का एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्जिलरी वर्ब काम कर रहा है मेन वर्ब का, समझ गए। चलो जो नेहरू जी है कैसा ने, मतलब कौन सा नाउन का पार्ट है, तो प्रॉपर नाउन है। क्योंकि बहुत सारा लिखूंगा तो फिर मैं जल्दी क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, और मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाओगे, ठीक है। और ग्रेट क्या एडजेक्टिव पता चल गया, लीडर क्या कॉमन नाउन है, इंडिया क्या प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऐसी चीजें मैं बता दिया हूँ, अपने से क्वेश्चन लगाना और फिर सबको बनाते चलते रहना, ठीक है। क्योंकि टाइम में ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता हूँ, और जब इसे बना लेना, कहीं कंफ्यूजन हो आप मुझे क्वेश्चन कराना, मैं बताने की प्रयास करूंगा, ठीक है। और वॉज आपको बता ही दिया क्या है, नेहरू जी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, आज क्या काम करेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट का काम करेगा। आज और तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द काउ हैज, द काउ हैज, द काउ हैज टू आईज, टू आईज, टू आईज एंड ए टेल, क्या है एंड ए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो गाय के पास क्या होते हैं, दो आंख एक पूछ होती है। अब देखो जो बच्चे गाय पे लेख लिखते होंगे ना, उनके लिए देखो आसान हो गया, एक फॉर्मेट बन गया ना, एक फॉर्मेट याद हो रहा है, द काउ हैज टू आईज एंड ए टेल। देखो अब एक चीज समझना, जब भी लेख लिखते हो ना, बहुत सारे बुकों में अक्सर गलतियां हो जाते हैं, क्या होते समझना। जब भी किसी भी लेख, किसी भी चीज पे लिखना, या तो किसी भी चीज हो, गाय हो, भैंस, मतलब कुछ भी हो, वट एवर, जब भी स्टार्टिंग करना तो आर्टिकल द का यूज नहीं करना स्टार्टिंग पीरियड में। क्यों? किसी भी चीज के बारे में जब लिखते हो आप, तो उस समय उस चीज के बारे में आप अनजान होते हो, लेकिन उसके बारे में जैसे एक चीज लिखते हो, एक सेंटेंस फॉर्मेट करते हो, तो उस चीज के बारे में आपको पास जानकारी हो जाता है। और जब जिस चीज के बारे में जानकारी हो जाता है, तो उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगाया गया था, द काउ हैज टू आईज एंड ए टेल, गाय के पास दो पूछ, एक दो आंख एक पूछ होते हैं। लेकिन उसके पहले क्या लिखा गया होगा, द काउ इज, सॉरी ए काउ इज ए पेट एनिमल, समझ रहे हो ना, वैसे चीज लिखा हो गया। और यहाँ पे जैसे वो उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाता है, तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब समझना यहाँ पे नाउन कौन कौन सा है, नाउन आपका एक काउ है, आइज भी है और टेल भी है, पूछो कैसे। देखो ये जो एंड है ना, समझना यहाँ भी लॉजिक है, ये 80% काम करता है, ठीक है, ये 80% लॉजिक काम करता है, समझना। ये जो एंड है 80% केस में, जो एंड के साथ जुड़ते हैं,
उसके लेफ्ट साइड में भी नाउन होता है और राइट साइड में भी क्या होता है, नाउन ही आता है। किस कितने परसेंट, ये 80% काम करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं ये काम नहीं करता 20% केस में, लेकिन मोस्टली देखा गया 80% में इसके जस्ट पीछे भी नाउन होता है, जस्ट बाद में भी नाउन होता है। नाउन याद करने की आपकी झंझट ही खत्म कर दे रहा हूँ। नाउन आसानी से सेंटेंस में पहचान सकते हो, और बाकी चीजें आपको बताएं कि उनकी कैसे पहचान होगा, कौन सा कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन कौन है, कलेक्टिव कौन है, मटेरियल कौन है। तो ये आइज भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और काउ भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन में कैसा ये नाउन है, कलेक्टिव है, सॉरी कॉमन नाउन है। आइज कैसा है, क्योंकि आइज का हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन ही होगा। और टेल, टेल को भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों बताओ, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। ये जो टू है, क्योंकि जब नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, इसकी फॉर्मेट समझने के प्रयास करना। जब कोई नाउन हो उसके पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, पहला फॉर्मेट यहाँ पर समझना, फर्स्ट फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट समझो, जब कोई यहाँ पे क्या हो नाउन रहेगा उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन रहेगा एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल आएगा, नाउन रहेगा एडजेक्टिव रहेगा आर्टिकल रहेगा। देखो यहाँ पे क्या था, नाउन था एडजेक्टिव था, ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टू लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। कहीं सेंटेंस आपको दिखा दे, ये देखो यहाँ पे नाउन था एडजेक्टिव था आर्टिकल था, ये सेंटेंस फॉर्मेट कर रहा, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, ये सेंटेंस का फॉर्मेट होता है कुछ, जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे आपको रूल भी सिखाते चलेंगे हर जगह, जहाँ जहाँ मुझे दिखाई देगा वो चीज़ आपको समझ में समझाना चाहिए, ताकि आप कहीं एरर ना करें, वो चीज़ें तो मैं बताते ही रहूँगा, ठीक है। काउ क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और हैज क्या है, यूज ऑफ, जब पढ़ोगे हैज है, ठीक है, तो ये हैज क्या, एज ए मान लो एक्जिलरी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है, एज ए, ठीक है, यहाँ समझ गए सारी चीज़ें, तो आपको बताएं भी हम क्या है, आर्टिकल है, ठीक, फटाफट इसे नोट डाउन करो साथियों, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम, चलो नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम लोग चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है साथियों, सबको नोट डाउन करना है, और इसमें क्या करना है आपको, वो छाट करके बताना है कि कौन कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, क्योंकि मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखवाऊंगा तो फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा करेगा तो आप थोड़ा सा क्या महसूस करेंगे, थोड़ा बोरिंग फील महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सर इतना क्यों बता रहे हो आप, ठीक है। लेकिन मुझे रूबरू कराना था आपको कि ये सब भी होते हैं, ठीक है, ये सब भी मुझे पढ़ने होते हैं, क्योंकि मैं रूबरू नहीं कराता आपको, उससे मतलब पहचान नहीं कराता, ये सब भी चीज़ें पढ़ने हमें, आप शायद कभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज आप चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए स्नेक इन द व्हील, कह रहा है कि देयर इज ए स्नेक इन द व्हील। आ जाओ जल्दी बताओ यहाँ पे कौन सा नाउन है, कौन कौन सा नाउन है, देखो मैं बता दूं, जल्दी जल्दी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो स्नेक है ये भी नाउन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया है जस्ट प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो नाउन होता है, तो विल भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, और ये द क्या है आपका, आर्टिकल है, तो ये नाउन हो जाएगा। और मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का ठीक पहले वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। ये डियर क्या है, डियर यहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना कुछ भी है, कुछ क्यों है, क्योंकि डियर एक जो डियर है ना ये नकली सब्जेक्ट है, ये पढ़ाऊंगा आपको, ये क्या है, नकली सब्जेक्ट है, डियर का कोई मतलब नहीं होता, डियर मतलब वहाँ भी होता है, डियर मतलब सब्जेक्ट का भी काम करता है, डियर के यहाँ पे कुछ मतलब नहीं होता, ये नकली सब्जेक्ट है, इसे डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इसकी यूज सिखाऊंगा तो, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो, जैसे डियर लिखा मैंने और यहाँ पे आर लगा दिया, देयर आर टू बॉयज, देखो यहाँ पे जो बॉयज था ना इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किए थे, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते थे, इसका मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा, यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है, इसलिए जो देयर है डमी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है साथियों, समझ गए ये कंसेप्ट। चलो आज अब चौथे नंबर भी समझ गए, अब आते हैं पांचवें नंबर की तरफ, पांचवें नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, आ जाओ। देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका साथियों, कह रहे थे द बॉयज एंड द गर्ल्स
द बॉयज एंड द गर्ल्स, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर रीडिंग books in the class. अब जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया है जो क्या हो, एंड से जब जुड़ जाए कोई चीज वर्ड, देखो यहाँ पे एंड है और मैंने बताया कि 80% केस में काम करती है, जो एंड से पहले वाला जो वर्ड आता है वो भी नाउन होता है और एंड से जो बाद में आने वाला वर्ड होता है वो भी नाउन ही होता है 80% केस में. तो यहाँ पे ये रूल क्या है, अप्लीकेबल है, तो जो बॉयज है आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. यहाँ पे जो गर्ल्स है ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. लेकिन कैसा नाउन है, प्लूरल में, प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि बहुवचन फॉर्म में है. ये भी क्या है, बहुवचन फॉर्म में. आ जाओ अब देखो यहाँ पे क्या है, इन, इन क्या है साथियों, प्रीपोजिशन है और मैंने बताया है प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन, नाउन हो सकता है, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा. तो प्रीपोजिशन के पहले क्या है, यहाँ पे बुक्स है, ये भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा. और जस्ट प्रीपोजिशन के बाद में आओ, यहाँ पे क्लास दिखाई दे रहा है तो क्लास भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा. साथियों बताओ नाउन पहचानने में कहीं दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि सारा चीज मैंने बता दिया, इसके पहले जो होगा वो भी नाउन होगा. अब तो रटवाने वाली बात नहीं रहना कि इसे प्रॉपर याद करो, इसे कॉमन, नाउन को कैसे पता ना, उतनी याद करने के इतना छोड़ दो. आप दो तीन चीज ठीक देखो, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला हमेशा नाउन ही होता है, एंड से जुड़ा होगा जो दो वर्ड वो नाउन ही होता है. ये छोटे मोटे कंसेप्ट से आप नाउन को, कंसेप्ट को क्लियर ही कर दोगे, ठीक है, ये बातों को समझना. आज जो छठे नंबर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद नोट डाउन करते चलना, ठीक है साथियों, और इसे प्रैक्टिस करना अपने से, ठीक है, इसमें क्वेश्चन चेंज कर करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे ना ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपका कंसेप्ट, नहीं तो फिर ये कॉपी में लिखे के लिखे रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वही रह जाएगी, फिर कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, फिर आप हमेशा अटकते रहेंगे इस चैप्टर में जो नाउन नाम है इसका, ठीक है. नाउन इतना आसान नहीं है, देखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत ये मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है. आज आप छठे नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू मुंबई, इज गोइंग टू मुंबई, ठीक है, ये बड़ा होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है. चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन सा नाउन है, जल्दी जल्दी बताओ. देखो आपके जो कंसेप्ट मैंने बताया है यहाँ पे क्या दिखाई दिया, टू क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाला कौन जो होगा वो नाउन होगा. आंख मूंद करके काम कर दो पहला काम. यहाँ भी ऑफ है, ऑफ के जस्ट बाद जो वर्ड आता है वो नाउन ही होता है, ऐसा नहीं कब आर्टिकल यहाँ पे लगा हो तो उसे बोला बता देना, इसके बाद जो वर्ड आता है वो नाउन होता है, ठीक है. इसके बाद जो एक वर्ड आया प्लेयर, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. अब देखो इस प्रीपोजिशन के पहले क्या है, मैंने बताया था कि वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है. इस जस्ट टू के पहले क्या आया है, वर्ब आया है, क्या साथियों, वर्ब. ये इसके बारे में पता होगा, इससे बातें नहीं करेंगे अभी, कंसेप्ट क्लियर करने सोच रहे. ये जो यहाँ पे ऑफ के जस्ट ठीक पहले टीम, टीम पर क्या होता है साथियों, कलेक्टिव नाउन का पार्ट होता है. तो बताओ यहाँ टीम भी नाउन है, प्लेयर भी नाउन है, गोइंग, गोइंग तो वर्ब है, मुंबई भी नाउन है. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों, जल्दी जल्दी थम्स अप उठाओ अगर क्लियर हो रहा है, सभी को अच्छे अच्छे इमोजी भेजो, सभी को एक कालिया बताओ, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट अभी तक पढ़े ही नहीं होंगे, मत रो ना, इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया, कोचिंग में भी नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है, क्योंकि कोचिंग में किस तरह से पढ़ाया जाते हैं, किस तरह से आपके ऊपर पॉलिश किए जाते हैं अच्छी तरीके से पता है. आज हम सातवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सातवें नंबर क्वेश्चन भी करवा दूँ, इसे भी नोट डाउन कर लेना. देयर इज ए गैंग ऑफ थीप्स, कह रहा है गैंग ऑफ थीप्स, देयर इज ए गैंग ऑफ थीप्स इन दिस, इन द हाउस, इन. अब देखो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, इन दिखाई दिया, इन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो वर्ड होता है, जस्ट उसके बाद जो हम यूज करते हैं वो नाउन होता है. अभी से द को मत बना था, द आपको ऑलरेडी पता है कि ये आर्टिकल है, ये जो हाउस हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है. इसके जस्ट इनके पहले आओ, एक वर्ड चेक करो, तो थीप्स प्लूरल फॉर्म बनाया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा, ठीक है. अब आ जाओ यहाँ भी ऑफ था,
ऑफ के बाद भी आता तो यहाँ से भी चेक करते तो वही बात था, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का जो बाद वाला वर्ड होता है वो नाउन ही होता है, तो यहाँ नाउन ही होता है किसी ना किसी तरह से। अब इसके जस्ट पहले वर्ड आओ, जस्ट पहले तो गैंग, गैंग भी क्या हो जाए आपका साथी, वो नाउन हो जाए। ये जो डियर है मैंने बता ही दिया कि डियर क्या होता साथी, वो डमी सब्जेक्ट होता है। डियर क्या होता साथी, वो डमी सब्जेक्ट होता है। जिस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका भी हो जाएगा, कैसे, जब आप इस पे काम करेंगे, जब इस पे वर्क करेंगे। मुझे भी नहीं आता था, आज से 4 साल पहले चले जाओ, मैं अपनी बात बताऊं, 2016-17 की बात बताऊं, मुझे भी नहीं आता था साथियों। मुझे तो नाउन की अच्छी तरीके से मुझे डिफिनीशन भी नहीं आता थे, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया 3-4 सालों में, फिर जाकर मैंने इस लेवल पर पहुंचा हूं कि मैं कहीं से भी आपको जो हो ना कंसेप्ट मेरे क्लियर है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो आएगा, मैं बता सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तो आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, बस बसरते आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं मेहनत करके आपको बता रहा हूँ, आप इस पर वर्क करें, डेफिनेटली यू विल एबल टू जस्ट फाइंड, मतलब नाउन को आसानी से फाइंड कर सकते हो। व्हेन आई डू देन व्हाई यू नॉट डू, तब आप क्यों नहीं कर सकते भाई, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो बस अपने काम पे यहाँ पे देखना है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज़ों को, तो आपको भी वैसे ही करना, ठीक है। चलो साथियों, कंड सूख रहे हैं कोई ना, क्योंकि आपको सिखाना वो सब छोटी मोटी बातें, क्योंकि बड़ी चीज़ों करने के लिए छोटी मोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। मैंने सीखा है कहीं, मेरे गुरुजी बताते थे कि देखो जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ करोगे ना, छोटी मोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। वैसे ही जब आप ये चीज़ सीखने की चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जो खेल कूद करते हो ना उसे त्याग करना पड़ेगा और इस पर फोकस करना पड़ेगा। इजी एकदम हलवा, जो इंग्लिश है ना हलवा हो जाएगा जब इस पर फोकस कर दोगे। आज जब 7वें नंबर हो गया, 8वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8वें नंबर कह रहा है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, वाव क्या मजा आ गया, कह रहा है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मैंने इसके बारे में कल बताया था, क्योंकि किताब वाले भी जान रहे थे लॉजिक कहीं ना कहीं वो चीज़ है, और मैंने बोला था ना कि ऐसे आएंगे एग्जाम्पल, देखो आएंगे जो तो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, कंसेप्ट जो पढ़ोगे वही कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे यहाँ पे। कुछ तो लिख लो, 7वां नंबर क्वेश्चन, द रिंग इज मेड, द रिंग इज मेड, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड। अब देखो ये जो गोल्ड गोल्ड होगा, अब मटेरियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे रिंग बनाया गया है, इस चीज से क्या है रिंग बना हुआ है, तो ये मटेरियल होगा। लेकिन ये रहता है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तब गोल्ड प्रॉपर होता है। ये मैंने चीज निकाले और कल मैंने आप सबको बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, यानी कि ठीक है यहाँ पर समझना प्रीपोजिशन है। अब मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन ही होता है, हो जाएगा नाउन। मैंने बताया था प्रीपोजिशन के जस्ट पहले जो आएगा वो क्या क्या हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेड, मेक का क्या है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि बना बना है, ये सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी होगा। तो यहाँ पे ये मेड क्या है, वर्ब है, ठीक है। रिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे समझो जो आर्टिकल दो आते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट समझो, जो आर्टिकल दो आते हैं, ये जब आर्टिकल जब भी आएंगे तो किसी ना किसी नाउन को लेके आएंगे। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, अगर आर्टिकल है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। अब बताओ ये जो भर्ब है, भर्ब के पहले कोई होगा ना चीज़ जो आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ साथी सबको, रिंग क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। चलो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, प्रीपोजिशन के बाद आएगा नाउन, इसके पहले आएगा तो वर्ब एडजेक्टिव नाउन, तीनों में से कोई हो सकता है, 33-34% चांसेस होते हैं। ये आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद जब भी आएगा तो नाउन आएगा, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन, नहीं, जब भी आर्टिकल होगा तो वो नाउन वहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, नाउन के लिए आर्टिकल आते हैं, ऐसा नहीं कि नाउन के बाद आर्टिकल के बाद नाउन ही आएंगे, नहीं, आर्टिकल कहीं बीच में आ सकता है, लेकिन आएगा जब भी तो नाउन के लिए आएगा। समझिए कंसेप्ट क्लियर हुआ, आ जाओ 9वीं नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 8वीं नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 8वें नंबर क्वेश्चन से कर लेना, ये 8वें नंबर था। अब हम लोग 9वीं नंबर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग के सारे के कमेंट हम देखेंगे इसके बाद वाला सेशन से, जो कि साइड 2 करेंगे, और वहाँ पे सारे आपके डाउट्स ही क्लियर करेंगे, ठीक है साथियों, क्योंकि अभी आप सीख लो कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपके
आप जो जो भी क्वेश्चन करेंगे सारे चीज हम आपको बताते चलेंगे। आठवें नंबर हो गए थे ना, नौवीं नंबर मार देखो। नाइन नंबर क्वेश्चन कर रहा है द कॉफी इज कोल्ड, लिख रहा है द कॉफी इज कोल्ड बट द टी इज हॉट, बट द टी इज हॉट। अब देखो ये सेंटेंस बताओ किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जल्दी बताओ। सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था ना, देखो एक चीज पीछे चीज भी रिवीजन कर लो, पीछे वाली बात भी आनी चाहिए ना। ये जो मैंने पढ़ाया था आपको किस कैटेगरी में पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे ना साथियों, इसका भी अपना मीनिंग है, इसका भी अपना मीनिंग है। और मैंने बताया था जब दो ऐसा मेन क्लॉज होना चाहिए, एक मेन क्लॉज होना मतलब ऐसा मेन क्लॉज, दो मेन क्लॉज होना चाहिए जिसका अपना अपना मीनिंग हो, उसे कंपाउंड कहते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों को मिला करके एक बोतल में डाल करके और उसे निकाल करके पिए उसका मीनिंग एक ही हो। जैसे मैंने चाय वाला एग्जाम्पल दिया था, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कंपाउंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, ठीक है, समझ गए। फैन बॉय से जुड़े हुए साथियों, जब कोई वर्ड फैन बॉय से जुड़ा हो तो फैन बॉय में क्या था, एफ ए एन बी ओ वाइस, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी फैन बॉयज, बी मतलब बट, क्योंकि यहाँ पर बट लगा हुआ है, बट से जब दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं उसे ही तो कंपाउंड कहते हैं। ये चीज भी क्लियर हो गया ना आपको, जो पिछले सेशन में जो पढ़े थे तो वो सारी चीजें भी कंसेप्ट को क्लियर करते रहे ना। अब देखो यहाँ पे जो कॉफी है, देखो इज है और यहाँ पे कॉफी है, जो आर्टिकल द है तो यहाँ पे नाउन आएगी, तो ये कॉफी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इज कोल्ड, चलो इसके बारे में बातें करेंगे। अब देखो टी क्या है, नाउन है, ये हॉट क्या है, समझना हॉट क्या है और कोल्ड क्या है, समझने का प्रयास करना। कॉफी ठंडा है, तो कॉफी को जो कॉफी के बारे में जो डिटेल शो करता है ना, मैंने बताया है आपको जब मैंने स्टार्टिंग किया होगा सेशन तो मैंने बताया था जो एडजेक्टिव वर्ड होता है ना वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल को शो करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को शो करता है। बताओ यहाँ पे जो कोल्ड है कॉफी की विशेषता ही नहीं बतला रहा है कि जो कॉफी है अभी ठंडी है, कॉफी ठंडा है, यही तो विशेषता ही तो बतला रहा है ना। ये जो कोल्ड वर्ड है, यहाँ पे कोल्ड है, ये जो कोल्ड वर्ड है कॉफी का विशेषता ही बतला रहा है ना, समझ रहे हो ना। ये जो हॉट है ये टी की विशेषता बतला रहा है, ये जो हॉट और कोल्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नाउन कौन कौन सा होता है, कॉफी नाउन हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, क्योंकि समझो यहाँ पे कंसेप्ट है आर्टिकल है ना साथियों, आर्टिकल के बाद नाउन ही, ठीक है, आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, नाउन ही होंगे। आ जाओ हम लोग इसके बाद नौवीं नंबर हो गया ना, दसवीं नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, दस नंबर क्वेश्चन, इसके बाद चार क्वेश्चन और बच जाएंगे दस नंबर के बाद। कह रहे हैं कि संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, और कैसे है संडे, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक। अब देखो यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, संडे क्या है, प्रॉपर नाउन, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल को यूज नहीं हुआ। चलो अब देखो ऑफ आ गया, ऑफ के बाद मैंने सिखाया क्या आएगा, नाउन, तो वीक क्या हो जाएगा आपके साथ, नाउन, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑफ के जस्ट पहले क्या है, डे, डे भी क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि ये ना वर्ब है ना एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले आता है, तो यहाँ पे इसके पहले नाउन होना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट है ये एडजेक्टिव है, क्या लास्ट क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट दिन यानी कि अंतिम दिन, दिन के बारे में विशेषता बतला रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संडे, संडे क्या आपका नाउन है, क्योंकि किसी क्या है संडे, किसी वीक का पर्टिकुलर नेम है, इंडिविजुअल नेम है संडे, संडे नाउन है, डे भी नाउन है, वीक भी नाउन है, बाकी चीजें आपको पता है, सारा चीज मैंने बता दी है। चलो अब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझने की प्रयास करें। और ये काम आपको करना होगा साथियों, इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है साथियों, आज थोड़ा टाइपिंग नहीं कर पाए हैं, मतलब टाइपिंग वाला काम नहीं हो पाया है साथियों, तो कल आपको टाइपिंग करवा के दे दिए जाएंगे इसके पीडीएफ, ठीक है। और इस पीडीएफ से आप क्या करना, आपकी प्रैक्टिस करना घर पे, और इसके बाद भी जितने क्लासेस आएंगे सारे पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन लगेंगे और इसके नीचे आंसर बताया जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाते हैं लिखने और मतलब रद्द करने में, ठीक है। एज ए रिगार्डिंग नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, रिगार्डिंग नंबर क्वेश्चन कह रहा है देयर वॉज ए ग्रेट फ्रेंडशिप,
Here was the great friend. There was a great friendship between Ram and Shyam. ये कहानी तो बहुत बार सुनी होंगे हम लोग. Between Ram and Shyam. देखो अभी मैंने आपको बताया है कि जब दो नाउन, दो चीजें, दो वर्ड एंड से जुड़ जाए वो नाउन होता है. तो आंख मूंद करके आपको क्या बोल सकते हो कि सर यहाँ पे राम, देखिए यहाँ पे एंड है और एंड के ठीक पर राम है और एंड के ठीक पर श्याम है, ये दोनों की आवश्यकता साथ ही नाउन हो सकता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं. ये बिटवीन क्या है साथ ही? प्रीपोजिशन है. ठीक है, बिटवीन क्या है साथ ही? आपका प्रीपोजिशन. ये बात याद रखना. फ्रेंडशिप, और देखो प्रीपोजिशन का पहले जो वर्ड होता है वो भी नाउन ही होता है या वर्ब होता है. फ्रेंडशिप आपने वैश्विक नाउन पढ़ा होगा, वैश्विक नाउन में बताया था मैंने. फ्रेंडशिप भी क्या हो जाएगा साथ ही? नाउन हो जाएगा. देखो क्यों नाउन होगा, इसके पहले भी समझो. ग्रेट, ग्रेट क्या होता है साथियों? आपका एडजेक्टिव होता है. क्या होता है साथियों? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना अनिवार्य है. तो इस तरह भी फैक्ट, फैक्ट को पकड़ना सीखो. चारों बगल से क्वेश्चन को पकड़ो, एक रूल दो रूल याद करके कुछ नहीं होगा. फैक्ट को पकड़ना सीखो. ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए. तो नाउन होना जरूरी है. ठीक है, आ जाओ उसके बाद समझो. यहाँ पे देयर, देयर क्या है? डमी सब्जेक्ट. ये चीजें तो मैं कितनी बार बता दी आपको सेंटेंस में. आ जाओ 12 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 12 नंबर के क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा. बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छा है. कह रहा है माई फादर सीम, माई फादर सेज, माई फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ. ठीक है, मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है. ये बहुत बार सुने होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ. मेरे पिता कहते हैं क्या? वे हेल्थ इज वेल्थ. मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य ही धन. अब बताना यहाँ पे माय फादर, एक बात याद रखना, जो माय वर्ड है ना, माय, आवर, हर, हिज, समझ रहे हो ना, ये जो वर्ड होते हैं उसके जो बाद वर्ड आता है ना, उसके जो बाद वाला वर्ड होता है वो नाउन ही होता है. ये सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, एक ही वीडियो में सीख जाओ, और इसके बाद ही बताऊंगा. लेकिन शुरुआत में सीख जाओगे ना, तो इसके बाद जब मैं बताऊंगा ना तब तो कंफ्यूजन नहीं होगा. समझो माई के बाद जब भी आएगा, माई, हिज, हर, समझ रहे हो ना, मैंने अभी बता दिया. जो भी उसके बाद जो वर्ड आते हैं ना वो नाउन होते हैं. यहाँ पे जो फादर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाउन. और दूसरे तरीके से देखोगे सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही होता. तो फादर नाउन होता, दूसरे तरीके से भी देखते. तो अब हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य. और मैंने बताया था ये किस में आता है? क्वालिटी वाला में आता है. ठीक है, स्वास्थ्य वाला ये क्या हो जाएगा आपके साथ? नाउन हो जाएगा. और वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ भी क्या हो जाएगा? व्हाट के आंसर आ रहा है, तो व्हाट का जो आंसर है तो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन ही हो जाएगा. तो ये भी नाउन, ये भी नाउन. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. आ जाओ इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और इसके बाद एक और दो क्वेश्चन और बच जाएंगे, उसको भी कर लेंगे. ठीक है साथियों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फटाफट आप लोग कमेंट करना, और जिसमें भी डाउट हो, लगे कि डाउट हो तो वो कमेंट करना. लेकिन देखो मैं एक बात बताता हूँ, कुछ ज्ञानी लोग होंगे तो उन्हें लगता होगा कि ये जो लड़का है क्यों इतने सारे बता रहा है, वो भाई बेकार टाइप से कमेंट करेंगे. तो आप लोग उन पर ध्यान नहीं देना, आप लोग पढ़ने पर ध्यान देना. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे बैठे होंगे ज्ञानी, मुझे पता है, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी टाइप के लोग आएंगे और अपनी अपनी अलग अलग तरह की क्या देने की प्रयास करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे नहीं कि ट्वेल्व में हम बता क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, वो अपने अपने ज्ञान रखेंगे. ठीक है, तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट में कहीं भी एरर देखे फिर हमें आके बताना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है. मैंने जो 80% बता रहा हूँ उसको बातों को समझना, 80% क्यों बताया, जो कुछ भी 19% बता रहा हूँ 90% क्यों बता रहा हूँ वो बातों भी याद रखना है. ऐसा नहीं कि हाँ सर आपने बताया ऐसा क्यों नहीं बोला, 20% बच रहे साथियों, 20% में कहीं कहीं वो कुछ होगा, इसीलिए मैं 80% कह रहा हूँ. क्योंकि कुछ ज्ञानी बैठे होंगे साथियों, मुझे पता है ना. आ जाओ 13 नंबर में, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर कि माय टीचर टॉट अस, माय टीचर टॉट अस माय टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स पूरा लिख लेना एंड केमिस्ट्री. ठीक है, यहाँ पूरा अच्छे से लिख लेना. ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया.
कि मेरे जो शिक्षक है क्या पढ़ाते हैं, हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, जब भी माई हील्स हर्ड, ठीक है, इस सब जो वर्ड होते हैं, पोसेसिव वाला वर्ड होते हैं, उनके बाद जो आते हैं क्या आते साथियों, नाउन ही आते हैं। क्या आते साथियों, नाउन आते हैं, ठीक है। ये टीचर क्या हो जाएगा साथियों, आपका नाउन हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये अब स्ट्रिक्ट नाउन में आते हैं। और मैंने बताया होगा शायद कि साइंस के नाम भी जो होते हैं, ये फिजिक्स क्या साइंस का नाम है, और केमिस्ट्री भी क्या साइंस के नाम है। आर्ट्स के भी नाम को नाउन में रखा जाता है, और कलाई के भी नाम को, जो कला होता है यानी कि जो आपके वो चीज़ होते हैं, उसके भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं। और जो बीमारी के भी नाम होता है उसको भी हम लोग, जैसे कालरा ये सब जो भी चीज़ होता है, कैंसर वैंसर, ये सब भी क्या होता है, नाउन ही होते हैं। ये चीज़ मैंने बताया था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी क्या हो जाएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी क्या हो जाएंगे साथियों, आपका नाउन ही होंगे। और देखो दूसरा तरीका क्यों, कैसे पकड़ोगे, क्योंकि इसके बीच में एंड लगा हुआ है, इसके बीच में इस तरह एंड नहीं लगा हुआ है, लिख करके लगा हुआ है एंड। और मैंने बताया कि एंड के पहले भी नाउन होता है और एंड के बाद में भी नाउन होता है, कितने परसेंट में, 80% केस में, ठीक है। चलो इसके बाद दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, जल्दी से प्रयास करना इसे करने की। चलो इसे भी करवा देता हूँ। 14 नंबर देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखने के प्रयास करेंगे। कह रहा है कि आई लिव एट नया टोला, वाओ, आई लिव एट नया टोला, नया टोला इन पटना, इन पटना बिहार, पटना आ जाओ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ समझ रहे हो साथियों, यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये एट यहाँ पे क्यों लगा है? देखो किसी शहर की जब बात हो ना, कहीं पे शहर की बात हो तो वहां पे आप इन लगाओगे, जैसे थोड़ा सा वो डेवलप हो, वो जो एरिया हो क्या हो, डेवलप हो, तो वहां पे इन लगाना। जब वो डेवलप नहीं हो, छोटे मोटे इलाके की बात करें, जैसे नया टोला क्या वहाँ की छोटा सा इलाका है, जब पटना बचाओगे तो नया टोला क्या छोटा सा इलाका है। जब तो छोटे चीजों की बात होती है तो वहाँ पे ऐड का प्रयोग करते हैं, और जो बड़े चीजों की बात होती है वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, आ जाओ इसके बाद आते हैं आई। यहाँ पे प्रोनाउन है तो नाउन होगा ही नहीं। इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन। तो मैंने बताया प्रीपोजिशन का बाद जो होता है वो क्या होता है, वो नाउन ही होता है। और बिहार पता है किसी राज्य के खास नाम है, ये भी नाउन ही होगा, ठीक है, आ जाओ। प्रीपोजिशन के जस्ट पहले चलते हैं हम लोग, तो क्या है नया टोला, क्या है नया टोला, क्या हो जाएगा नाउन। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देखो ऐड भी क्या आपके साथ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का जस्ट बाद जो हमेशा होता है 100% केस में होता है वो क्या होता है, नाउन ही होता है। तो इस तरह से भी ये नाउन होगा। और इसके जस्ट पहले लिव क्या है, वर्ब है। मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के पहले वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। 33, 33, 33, ठीक है, 33.3% कह सकते हो, समझ गए। आ जाओ इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। 15 ही क्वेश्चन है इसमें, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस सेशन का। कह रहा है कि देयर इज नो वाटर इन द रिवर, आ जाओ। देयर इज नो वाटर, नदी में पानी नहीं है। यहाँ पे देयर का मतलब ये नहीं समझना कि देयर मतलब वहां होता है, नहीं। मैंने शुरुआत में बताया देयर क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है, नकली है, इसका कुछ मतलब नहीं है। सजावट के लिए इसे रख दिया, जैसे होता है ना, जैसे नकली चीजें हम लोग बना के रखते हैं। पहले के जमाने में हम लोग जो ऐसे थे ना, जब हम लोग का युद्ध होता था तो नकली वाले चीज, समझते ना, बंडुपिया, वो चीज एक्चुअल में नहीं था, लेकिन नकली चीजें वहां पर प्रेजेंट किया जाता था। वैसे जो यहाँ पे देयर है ना, देयर नकली है, इसका कुछ रोल नहीं होता, इसके अनुसार इज का प्रयोग नहीं करते। सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके अकॉर्डिंग वर्ब नाचता है। क्या होता है वर्ब, जब किसी के पास पावर है तो किसी चीज को नचा सकता है ना। जैसे चुंबक, चुंबक कब तक चुंबक कहलाएगा, जब तक उसके पास मैग्नेटिक पावर है। जब उसके पास मैग्नेटिक पावर ही नहीं रहेगा तो नहीं वो चुंबक कहलाएगा, मुझे बताना चुंबक कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब उसके पास मैग्नेटिक पावर होगा ना, तो वो किसी भी बॉडी को ऐसे मन ऐसे नचा सकता है, ऐसे मन ऐसे घुमा सकता है, और जब दो चुंबक को लोगे तो उसे रिपेयर भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके पास पावर देना चाहिए। इसी तरह बियर के पास कुछ भी पावर नहीं है, नकली है, ऐसे ही है। तो ये वर्ब लगता है ना, इसके अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। इसके बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है, ये बात समझ गए। अब देखो इन, इन क्या है साथियों, आपका प्रीपोजिशन है। और मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है साथियों, नाउन होता है। तो रिवर क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन में पहले वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। बहुत बार बता चुका हूँ, ये जो वाटर है यहाँ पे नाउन। साथियों किसी को यहाँ तक दिक्कत हो
तो मुझे फटाफट कमेंट कर दो, अदरवाइज नहीं है तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो और मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। ठीक है साथियों, तो पहले एक्सरसाइज कवर किया था जो कि आर के सिन्हा द्वारा लिखित बुक है, ठीक है, जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं पहला एक्सरसाइज मैंने करवा दिया था, सभी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा और वहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो ये आज एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे साथियों, टू करेंगे। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? टू। तो बढ़िया से बने रहो और एक्सरसाइज टू करने की हम लोग कोशिश करते हैं और इसमें कंसेप्ट भी सीखना है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रॉपर नाउन को छाटना है आपको इस सेंटेंस से, कॉमन को भी छाटना है, कलेक्टिव को भी छाटना है, मटेरियल को भी और एब्स्ट्रैक्ट को भी। ठीक है, क्या क्या छाटना है इसमें? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। समझ गए? आ जाओ, पहला जो सेंटेंस आपका है बुक में दिया होगा, आप लोग सभी को बुक खोल कर बैठ जाना, अदरवाइज यहाँ पे लिखूंगा वो भी देख लेना। ठीक है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि सोहन हैज ए रेड कार, कह रहा है सोहन हैज ए रेड कार। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंटेंस साथियों देखने यहाँ पे लिख दिया है कि सोहन हैज ए रेड कार, अब बताओ यहाँ पे नाउन कौन सा है? पहले तो नाउन छाटो, क्योंकि जब आपको नाउन पता होगा तो आप उसकी कैटेगरी यानी कि जो उसके टाइप्स क्या है इसकी मतलब रंग रूप भी पहचान लोगे, क्योंकि पहले तो पहचानो कि वो आदमी है कि जानवर है, मतलब ये तो पहचानना पड़ेगा ना, फिर तो उसके बाद उसकी क्वालिटी को बता सकते हो। पहले यहाँ पे नाउन छाटो, नाउन कौन कौन से हैं, और मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है नाउन होता है या तो सिंगल टू नाउन होता है। सिंगल टू नाउन कहने का मतलब है कि कहीं कहीं प्रोनाउन भी आता है, ऐसा नहीं है। प्रोनाउन क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ नाउन होते हैं, यानी कि नाउन के बदले मुझसे भी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से वो नाउन ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे सोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, यानी किसी पर्सन का नाम है सोहन। सोहन किसी व्यक्ति के ही नाम हो सकता है ना, लिविंग थिंग का। तो सोहन मुझे लग रहा है कि यह नाउन है। क्या है सोहन? मुझे भी लग रहा है यहाँ पे नाउन है। अब आ जाओ, मैंने बताया था एक और कंसेप्ट, क्योंकि मैं उसमें रटवाना नहीं चाह रहा था, कंसेप्ट एक और बताया था आपको साथियों। जब भी आर्टिकल हो, आर्टिकल के बाद नाउन होना अनिवार्य है, नाउन होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं कि आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया इसके जस्ट बगल में, नहीं, जो आर्टिकल आता है नाउन के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पे रेड क्या है? रेड यानी कि जैसे बोले लाल, रेड का हिंदी क्या होता है? लाल। तो लाल क्या करता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अभी एक शर्ट पहना हो, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लैक टाइप से हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ये क्या है? थोड़ा सा है, ये क्या है? इसकी रंग बता, रंग यानी कि क्वालिटी को बता रहा। देखो यहाँ पे ये कलर, देखो ये कलर क्या है? रेड। रेड यानी कि लाल। ये क्या है? इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि रेड कलर की है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो रेड है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमने बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, हमने रेड को चेक किया तो रेड क्या निकल गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। फिर नाउन कौन होगा? तो कार। यहाँ पे नाउन कौन हो जाएगा फिर? कार, क्योंकि एडजेक्टिव ये जो रेड है एडजेक्टिव हो गया, तो हमें तो नाउन होना चाहिए तभी यहाँ पे ये लगेगा, अदरवाइज सेंटेंस तो गलत हो जाएगा ना। फिर एरर के माध्यम से देखें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल लगाए हैं तो हमें कहीं ना कहीं नाउन चाहिए, तो जो नाउन था हमारा यहाँ पे कार मिला। अब लेकिन ये एक्सरसाइज कह रहा है, एक्सरसाइज टू कह रहा है, जो चैप्टर एक्सरसाइज टू है वो कह रहा है कि हमें प्रॉपर चाहिए सर जी, हमें कॉमन चाहिए, हमें कलेक्टिव चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, हमें नाउन से मतलब नहीं, हमें इन कैटेगरी में से बताओ। आ जाओ समझने के प्रयास करो। सोहन लिखा हुआ है ना पे, सोहन क्या है? अपने आप में यूनिक है ना। आपको मैंने डिफिनेशन लिखवाया है, साथियों बताया भी होगा कि जो दुनिया में अपने आप में यूनिक हो, जैसे मैं लड़का हूँ, मैं और मेरा नाम क्या है? शशि। तो जो ऐसा चीज़ दुनिया में यूनिक हो, तो दुनिया में उसके जैसा ऑथेंटिक कोई और चीज़ नहीं हो, ऑथेंटिक हो 100% उसके जैसा कोई और ना मैच करे, ठीक है, तो उसे प्रॉपर कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि प्रॉपर नाम रखते हैं। बताओ किसी व्यक्ति का नाम है सोहन, और सोहन जो होगा अपने आप में यूनिक होगा कि नहीं? क्योंकि आपके यहाँ तक साथ डीएनए जो आपके जो फिंगरप्रिंट भी होता है ना, किसी से मैच नहीं कर सकती। फिर उनकी क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें होती है जो किसी से मैच नहीं करती है। ये जो सोहन हो जाएगा आपका साथियों क्या हो जाएगा साथियों? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलो अब देखो एक बच गया कार, क्या है? कार। अब बताओ कार कौन सा नाउन होगा? जल्दी बताओ फटाफट साथियों, बताओ कार कौन सा नाउन होगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा ये कार? उनको साथियों पूरे बारीकी से समझना, और बारीकी से समझ जाओगे ना फिर साथियों आपको नाउन जो होते हैं ना, नाउन
कभी दिक्कत नहीं करेंगे, आपको कभी परेशान ही नहीं करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसे समझने के प्रयास करोगे तब, अदरवाइज ये तो आपको खा ही जाएंगे, समझ लो ना। तो सोहन आपका प्रॉपर हो गया, कार को बता दो कार कौन सा हो जाएंगे। तो साथियों कार, कार क्या है, एक वस्तु की चीज कैटेगरी में आता है, किसी वस्तु का जनरल नेम है। लेकिन कार में ये कहते हैं मारुति, मारुति प्रॉपर हो जाता है, उसकी खास नाम को शो करते। लेकिन सिंपल बोला मैंने कार, आई हैव बॉट ए कार, मतलब मुझे कार खरीदना है, ठीक है, जैसे आई बॉट ए कार, मैंने कार खरीदा, तो कार वहाँ पे जनरल फॉर्म में बोला गया। कार कैसा भी हो सकता है, वो इंडिगो का हो सकता है, मारुति सुजुकी का हो सकता है, टाटा का हो सकता है, नैनो का, बट तो कार की कैटेगरी में आ गया। तो कार जो बोला जाए वो जनरल सेंस में उसे कॉल किया गया, जो कार है ये वर्ड है वो जनरल वे में कॉल किया गया। तो जो कार हो जाएगा आपको साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन दिखाई दे रहा ना आपको, कॉमन नाम हो जाएगा। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ, यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ, फटाफट कमेंट करके साथियों बताओ, फटाफट जल्दी फटाफट कमेंट करो, सबकी कमेंट देख रहा हूँ मैं साथियों, की कमेंट देख रहा हूँ मैं, खोल रहा हूँ थोड़ा, जल्दी जल्दी कमेंट कर लो साथियों। आप सभी देखो, कॉमन पहचानने का तरीका बताता हूँ, कॉमन कैसे पहचानोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कॉमन पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है। कॉमन समझ लो, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम शशि हो गया, आप भी जो देख रहे हो आपका नाम मोहन है, कोई गर्ल्स में जैसे नाम सोनाली है, जैसे मैं पूजा, इन जैसे मैं लड़कियों को समूह कर ले, लड़कियों को ले लो, जैसे पूजा, सीता, रीता, नीता, हेना, सीमा, ये सारे जब ये मिलकर एक जगह आ जाएंगे और इनकी हमको नाम पता नहीं होगा, जैसे सीता, जैसे देखो यहाँ पर समझो एग्जाम्पल देखो, जैसे रीता, सॉरी सॉरी आ रहा है, रीता, सीता, नीता, रानी, पूजा। अब मान लो इन ये कहीं एक जगह पे खा रहा है, कहाँ पे, कहीं पे खा रहा है, बस स्टैंड पे, ठीक है, बस स्टैंड पे खा रहा है, और इनकी नाम, ये जो खा रहा है मैं जान रहा हूँ इनकी नाम, लेकिन किसी अगला व्यक्ति को इनकी नाम पता नहीं होगा। जैसे ये सब खा रहा है, इनकी नाम पता नहीं, जैसे आप हो, मैं इनकी नाम जानता हूँ, इनका नाम रीता है, सीता है, गीता है, ठीक, लेकिन आप नहीं जानते हो, तो उस समय आप इन्हें क्या बुलाओगे, कहोगे ना गर्ल, देर आ रहा है लॉट ऑफ द गर्ल, मतलब गर्ल बोलोगे इनको, गर्ल्स कैटेगरी में कॉल करोगे, क्योंकि गर्ल एक जनरल फॉर्म होता है, यानी कि इनकी नाम नहीं जानते हो तो गर्ल बोल सकते। उसी तरह यहाँ पे रहता है रोहन, सोहन, मोहन, शशि, दीपक, बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं। तो इन सबको अगर नाम नहीं जानता मैं, तो वहाँ पर बोल सकते हो ना बोय, जैसे एज इनकी बड़ी होती, जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां में काम करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि देयर इज ए लॉट ऑफ द पीपल हु स्मोकिंग, स्मोक कर रहे, मतलब ऐसा होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जिसके बारे में हमें कि नाम पता नहीं हो, प्रॉपर नाम पता नहीं हो, तब उस कैटेगरी में हम उस चीज़ को जो नाम देते हैं उसे कॉमन नाम रखते हैं। ये समझ में आया, अब यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉमन पहचान में, ठीक है। आ जाओ अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप क्लास चले उसी वक्त कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलो। आज जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई ब्रदर इज, सॉरी, चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। आ जाओ, वाओ, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी कह रहा है चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। आ जाओ अब मुझे बताओ यहाँ पे चिल्ड्रन कौन सा कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और मिल्क, क्योंकि यहाँ पे दो ही नाम है, चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो मुझे बताओ चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे दो नाउन है, मैंने आपको आसान कर दिया, यहाँ पे चिल्ड्रन भी आपका नाउन है और मिल्क भी आपका नाउन है, बट बताओ यहाँ पे किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है, चिल्ड्रन और मिल्क, अब मुझे बताना। जो यहाँ पे चिल्ड्रन है, जब यहाँ पे चिल्ड्रन है और मैंने बताया है कि उसके बारे में छोटा छोटा बच्चा होगा, वहाँ पर चार पांच घर में दो तीन बच्चे होंगे और उनकी जानकारी ही ना हो कि उनके नाम क्या है, जब उनके नाम नहीं पता है तो जब छोटे होंगे और ये छह महीने से ले लो दो साल तक, उन्हें बच्चे ही ना कॉल करोगे, ऐसे थोड़ा उन्हें लड़के बुलाओगे, लड़के कब हो जाते हैं, जब वो आठ साल से सात साल से ज़्यादा हो जाते हैं, दस बारह तेरह चौदह साल के, तब उन्हें लड़के में कॉल करते हैं, क्योंकि स्कूल जाने लगते हैं, कहते हैं ना आपका लड़का बिगड़ चुका है। अब बताना छः महीने का बच्चा जो होगा बिगड़ सकता है, नहीं, छः महीने का बच्चा बच्चा कहलाता है, और जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब स्कूल के पीरियड में हो जाता है, ट्यूशन पढ़ने लगता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल उसकी बढ़ जाता है, तब उसे लड़का की कैटेगरी में कॉल करते हैं।
चिल्ड्रन हुआ, ये भी तो कॉमन नाउन होगा ना साथियों, चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे मिल्क, अब देखो मिल्क समझना, जब मिल्क ऐसा थोड़ी कच्ची पी जाते होगे, ऐसा तो है नहीं, मिल्क को ऐसा थोड़ी ना कि आप लिए मिल्क पी जाते हो कच्चे, जनरल फॉर्म देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो दूध पहले पी लेते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दूध को क्या करते हो आप उबालते हो, यानी कि उसमें कुछ एक्टिविटी कराते हो, यानी कि केमिकल रिएक्शन कुछ कराते हो, यानी कि जो पहले से था उसमें कुछ चेंजिंग करवाते हो, यानी कि उससे एक नए पदार्थ में परिवर्तन करते हो। और मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन, जब तक मटेरियल नाउन नहीं होगा जब तक उससे कोई चीज़ और ना बना दे। अब जब दूध बनाते हो तो दूध के साथ में छाली भी तो आ जाती है, एक्स्ट्रा छाली आती है ना, मतलब वो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं छाली बोलते हैं हमारे तरफ, तो जो दूध के ऊपर में आ जाते हैं ना, जो बाद में जब दूध गर्म करने के बाद में जो बच जाते हैं ऊपर आ जाते हैं, उसे छाली में बोलते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ में परिवर्तन हुआ, यानी कि मिल्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये जो मिल्क होगा आपका साथियों, मिल्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैटेरियल हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि जब उसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ऐसा थोड़ी है मिल्क में बहुत सारे बच्चे चीनी डाल के पीते हैं। अच्छा अच्छा सुनो, वो सुनो, मिल्क पीते हो ना, तो मिल्क में साथ बहुत सारे बच्चे हॉर्लिक्स डाल के पीते हैं, यानी कि उनसे कुछ चीज़ों को चेंजिंग करना। अब ऐसे भी होते हैं कि पाउडर का दूध होता है, ठीक है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने का 7 महीने का, वो पाउडर का दूध पीते हैं, नेस्टल के आता है, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते, यानी कि वो एक पहले का सूखा वाला पाउडर था, यानी कि वो पाउडर फॉर्म में था और उसे हमने पानी में डाला और फिर घोला उसे और उसे लिक्विड बना दिया, यानी कि मिल्क बना दिया। तो उसने कुछ ना कुछ रिएक्शंस कराया मैंने और उसे उसके एक नया फॉर्म तैयार किया, उसी को हम मटेरियल नाम में रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचना और प्रैक्टिकली से फटाफट नोट डाउन करो, सभी को नोट डाउन करो, मैं इधर खड़ा हूँ, जल्दी नोट डाउन करो और प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना कि हाँ समझ में आ रहा है सर और इंजॉय कर पा रहा हूँ इस सेशन को, ठीक है। बोरिंग सा कोई भी क्लास नहीं करना है, तो क्लास में इंटरेस्ट लेकर के एक एक चीज़ ही बारीकी से सीखना है, देन ही मिल सब समझोगे कि हाँ इंग्लिश सीख रहा हूँ। फटाफट सभी को नोट डाउन करो, कहीं भी दिक्कत हो बताना। ये जो सेंटेंस था ना, स्वान हैज अ रेड कार, ये जब यूज ऑफ हैज हैव करोगे ना, वहाँ पे है सेंटेंस का पोसेशन वाला है, यानी कि अधिकार दिखाने वाला सेंटेंस होना। कहते ना आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, यानी कि मेरे इस पर अधिकार है इस कलम पे, उस केस में इसको हैज और हैव यूज कर, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। चलो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, चलो ठीक है, ओके। आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जब साथियों क्वेश्चन हम लोग टाइप होकर आ जाएंगे ना, तब तो उसके बाद मैं इसके और भी डिटेल्स पार्ट बताते चलूँगा कि सोहन है तो प्रॉपर है, फिर इससे क्या है, फिर इसमें क्या है, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया। लेकिन टाइमिंग आपके भी होते हैं, पीरियड ऑफ एक लिमिटेड टाइम है, वैसे मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम होती है, तो इसी में सारे कुछ हम लोग को करना है और इसमें बहुत कुछ अच्छे से सीख के चलना है, ठीक है। क्योंकि आप सीखोगे तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि मेरा काम ही आपको सिखाना, रटवाना नहीं, ठीक है। आज और तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ टीम, वाओ। कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ, कह रहा है माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम, माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। अब बताओ, मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर दूं, आ जाओ छोटा, अब दिख रहे हैं ना, आ जाओ यहाँ पे देखो, माई ब्रदर, मैं बता दूँ आपको, आसान कर दे रहा हूँ, ब्रदर आपका यहाँ पे नाउन है, बट आपको छटना कौन सा कौन नाउन है, कैप्टन भी नाउन है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल था, ये चीज़ आपको पता है, पहले क्लास देखे होगा ना, जो मेरे विद्यार्थी प्यारे गण है, वो अगर पहला क्लास नहीं देखे, वो पहले जा करके पहला वाला क्लास, यानी कि जो लेक्चर नंबर 8 था उसे देखो, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 8 था ना उससे पहले देखो, क्योंकि वहाँ पे सारे कंसेप्ट बताए थे कैसे कोई भी नाउन कैसे हो सकता है, इधर हो उधर हो, तो नाउन पहचान लोगे, फिर उसकी कैटेगरी पहचान लोगे ना, तो पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि वो वीडियो देखोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ सर ये नाउन हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑफ था, इसकी वजह से यहाँ पे टीम जो होगा नाउन ही होगा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि यहाँ पे टीम भी नाउन है, कैप्टन भी नाउन है और ब्रदर भी नाउन है, तो कौन कौन से कैटेगरी से है,
ये बताना होगा, ठीक है। अब आ जाओ एक कंसेप्ट सीखो। जब किसी सगे संबंधी रिलेशन वाले जानने वाले पहचानने वाले का आपका उनका नाम पता नहीं होता है, तो उस सेंस में जो उन्हें आप बुलाते हैं रिलेशन लगा करके, जैसे चाचा बोलते हो, पापा बोलते हो, भैया बोलते हो, काका बोलते हो, नाना बोलते हो, नानी बोलती हो, बहन बोलते हो, भाई बोलते हो, तो उस रिलेशन को जैसे भाई बहन चाचा चाचा दादा दादी काका काकी ये सब बोल रहे हो ना, उनके नाम नहीं पता, नाम नहीं ले सकते, तो उस सेंस में जो वर्ड का यूज करते हो ना वो कॉमन नाउन में आते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का? इस तरह से कंसेप्ट नहीं सीखे होंगे साथियों, मुझे पता है। मैं मतलब एक अलग टाइप से आपको सिखाने के प्रयास करता हूँ कि इससे आपके माइंड में क्या हो, पकड़ ले, हो जा करके सीख जाओ। तो ये जो ब्रोदर था मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन होगा ना, क्योंकि ये रिलेशन था सारा ना, और इसकी नाम नहीं लिया। अगर यही कहता माई ब्रोदर श्याम, यहाँ पे श्याम होता नाम तो वो भी मतलब समझना प्रॉपर हो जाता, लेकिन सिर्फ ब्रोदर की बात किया, उसकी नामों की बात नहीं किया है, नाम नहीं जान रहा है, जनरल फॉर्म में बात की कि मेरा भाई। तो यहाँ पे ब्रोदर क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, एक कॉमन नाउन हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे कैप्टन। अब एक चीज समझना, एक और लॉजिक समझ, कैप्टन ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में ही सिर्फ कैप्टन होंगे, ऐसा तो है नहीं। कैप्टन श्रीलंका का भी होगा, ऑस्ट्रेलिया का भी होगा, न्यूजीलैंड भी खेलता, हाँ न्यूजीलैंड का भी होगा, श्रीलंका की भी हो जाएगा। अभी जो एक T20 पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मैं तो मैच उतना दिखता नहीं हूँ, अभी हो रहा है चेन्नई पता नहीं कहाँ कहाँ से, वहाँ भी कैप्टन होगा। तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन एक ही होते हैं, कैप्टन एक होता तो वो प्रॉपर होता, लेकिन कैप्टन हर जगह, यानी कि वो सारी जगह अवेलेबल है, जनरल फॉर्म में कैप्टन बुलाते हैं, पर कैप्टन के नाम की बात करें तो प्रॉपर हो जाएगा। यानी कहने का मेरा पर्पस ये है, वो जनरल है, यहाँ भी कैप्टन, वहाँ भी सारे जगह वही बोले जाते हैं, कैप्टन कैप्टन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन फॉर्म्स, कॉमन नाउन का ये भी पार्ट है, तो कैप्टन हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। देखो साथियों, हर बार अलग अलग तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ से आप नहीं समझ पाओगे, अलग अलग एंगल से जब सोचोगे ना, जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ को अलग अलग एंगल से सोचोगे आपको आइडिया लग पाएगा, हाँ इस एंगल से नहीं निकल रहा ना इसका सोल्यूशन, तो इस एंगल से निकाल लेंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं किया तो इस फॉर्मूला पर काम कर लेंगे, तो अलग अलग एंगल से भी सोचना चाहिए। चलिए आज ये टीम, एक टीम कौन सा नाउन का पार्ट है, मतलब नाउन का कौन सा पार्ट है समझ लेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे बॉय, समझना बारीकी से, मैथ की तरह है, बॉय 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 और बॉय, ठीक है, चलो बॉय नहीं, यहाँ पे गर्ल भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे गर्ल भी कर दो, कोई इशू नहीं है, और डॉट 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 को मिला करके हम इसको एक क्या करते हैं, स्कूल के, स्कूल में जा करके इन सबको भेज देते हैं, इन सबको पैक करके मैं स्कूल में जा करके क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, और जब ये स्कूल में चले जाएंगे तो इनका कुछ नाम पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा क्या, स्टूडेंट, क्या पड़ जाएगा नाम, स्टूडेंट। जब ये स्टूडेंट हो गए तो ये सारे जो थे, चलो इन सबको मैं कहीं जा करके छोड़ो, ये छोड़ो, ये आ जाओ यहाँ पर, ये बॉय बॉय गर्ल को किसी जा करके मैं क्या किया, कमरे में रख दिया, और जो कमरा को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं साथियों, क्लास, क्या बोलते हैं साथियों, क्लास, क्लास यानी कि वर्ग, किसी वर्ग में इन सबको जाकर छोड़ दिए, यानी कि क्लास क्या हुआ, इन सबकी क्या हुआ, कभी इसका भी क्या था, एक समूह था, और समूह को जहाँ रिप्रेजेंट कर दिया हम, वो क्लास कहलाता। जैसे हम लोग ऐसा थोड़ी है, फाइव में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हो, सिर्फ राम ही नाम का लड़का पढ़ता हो, नहीं, वहाँ पर हजारों किस्म के लड़के होंगे, लाखों किस्म के लड़के होंगे क्लास फाइव में, तो उन सबको एक जगह जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनके जो कलेक्शन को दर्शाता है, जो उनके संग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसी को तो कलेक्टिव कहते हैं। वैसे यहाँ पे क्या था, प्लेयर होगा, फिर प्लेयर होगा, यहाँ पर होगा प्लेयर होगा, यानी कि 5, 7, 8, 10, 11 प्लेयर मिल करके एक टीम का निर्माण किया होगा, समझ लो ना, यहाँ पे कुछ प्लेयर मिल करके टीम का निर्माण किया होगा। यहाँ पे जो टीम आपका वर्ड है, बताना ईमानदारी से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो आपका वर्ड टीम, यहाँ पे जो वर्ड टीम है, आपने बताना आप लोग ईमानदारी से आपका क्या होगा, कलेक्टिव होगा ना, क्योंकि ये प्लेयर का क्या है, प्लेयर का यहाँ पे कलेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड साथ थोड़ा सा समय दे दूँ, क्योंकि आपको समझाना हमारी फर्ज है, आप समझ गए तो सारे मेरा पार्ट बेरा पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा, समझ गए, ये बात समझ में आ गई सभी को, सभी को समझ में आया कि नहीं बताओ, कलेक्टिव होगा ना, चलो ये समझ में आ गया, बड़ोदर कॉमन, कैप्टन कॉमन, टीम कलेक्टिव, ओके।
आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसे भी बारीकी से समझना, ठीक है। 20 क्वेश्चन है और सब में दो दो मिनट लगेंगे तो 40 मिनट लग ही जाएंगे, एक क्वेश्चन में 2 मिनट मैक्सिमम मिनिमम तो लगता ही है, ठीक है। बढ़िया समझाया जाता है, एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाते हैं साथ अगर बढ़िया तरीके से बताया जाए तो। चलो सभी का कमेंट देख रहा था, आ जाओ हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इस सेंटेंस को बात है। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। एक चीज पता है ना, पटना पी कैपिटल क्यों लिखे और यहाँ भी बी था सेंटेंस के बीच में, फिर भी हम इसके कैपिटल में लिखे, क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन की मैंने रूल कंसेप्ट पढ़ा था, फैक्ट बताया था, प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस क्यों लिखा जाए, जब भी लिखा जाएगा बड़ा अक्षर में यानी कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कैपिटल है, सॉरी यहाँ पे पटना भी आपका नाउन है, कैपिटल भी नाउन है और बिहार भी नाउन है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा कैटेगरी से, यानी कि कौन सा या टाइप से। देखो ये पटना किसी जगह की किसी शहर की खास नाम की बात कर रहा है। मुझे बताओ ना, पटना जैसा फिर कोई और दुनिया में शहर ऐसा है पटना जैसा मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं। अपने आप में यूनिक है पटना, पटना अपने आप में यूनिक है भाई। पटना आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, पटना प्रॉपर हो जाएगा। आ जाओ कैपिटल, कैपिटल क्या है भाई? दिल्ली की भी कैपिटल होती है, बिहार के भी कैपिटल, सॉरी इंडिया के भी कैपिटल होती है, बिहार के भी होती है, यूपी की भी होती है, हरियाणा की भी कैपिटल है। यानी कैपिटल जनरल वर्ड है, कैपिटल क्या है, एक जनरल वर्ड है, और जनरल जो वर्ड हो तो इसका किस कैटेगरी में रखते हैं उसे हम कॉमन नाउन के फॉर्म में रखते हैं। ये क्या हो जाएगा साथियों आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। आ जाओ बिहार क्या है, किसी राज्य की खास नाम है। बिहार जैसा फिर दूसरा में यूनिक कोई नहीं है, बिहार अपने आप में यूनिक है, बिहार जैसा से बताना कोई राज्य है नहीं, उसके जैसा काम कर सकता है, उसके जैसा एक्ट कर सकता है, बिहार जैसा नहीं बन सकता। जैसे यूपी है तो यूपी जैसा कोई नहीं बन सकता, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली जैसा नहीं बन सकता, उसके जैसा काम कर सकता है लेकिन दिल्ली सेम टू सेम नहीं बन सकता। बिहार भी अपने आप में यूनिक है, लेकिन यह कहलाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा साथियों प्रॉपर, जहाँ तक सारे के कंसेप्ट क्लियर होगा, सबके कंसेप्ट क्लियर हुए जल्दी से कमेंट कर दो साथियों, सबके कंसेप्ट क्लियर हुए ना। और सेंटेंस को हर एंगल से समझने का प्रयास करना, क्योंकि एक एंगल से किसी भी चीज़ को देखेगा ना, पहलू देखो, किसी भी वर्ड का 2 पहलू होती है, आपने सुना होगा, जैसे आप 6 लिखते हो ना उसके 2 पहलू होते हैं, एक साइड से 9 दिखाए देते हैं, एक साइड से क्या 6 दिखाए देते हैं, तो आपको दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, देन आप अच्छे से सीख पाओगे। तो उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको हर पहलू, हर वाला जो अजमाइश मैंने जो हर इसकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर करके देखना है, क्योंकि अप्लाई करोगे तो फिर सीख पाओगे, ठीक है। आ जाओ पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, पाँचवा नंबर ही बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि द कैट हैज 2 आईज। वाओ क्या क्वेश्चन है, द कैट हैज 2 आईज दिखाई दे रहा सबको, द कैट हैज 2 आईज। अब मुझे बताओ यहाँ पे, देखो मैं आसान कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे कैट भी आपका नाउन है और आइज भी आपका नाउन है, ठीक है। अब मुझे बताओ आइज कौन सा नाउन है, कैट कौन सा है, चलो जल्दी बताओ। अब देखो वहाँ पे जो मैंने लॉजिक बताया था इसके पहले वाले सवाल में, जैसे लड़के हो यहाँ पे, मैं और वो सब सभी खड़े हो और नाम नहीं पता, वैसे बिल्ली क्या है, एक जनरल फॉर्म का नाम है, लेकिन इसी का कुछ नाम रख दिया जाए तो प्रॉपर हो जाता है। और जिसके बारे में हम बिल्ली सबको ही बोलता है, ऐसा थोड़ी है तुम्हारे लिए अलग नाम होगा इसका, नहीं जनरल बात में कहते तो बिल्ली बिल्ली होती है, बिल्ली को ऐसा थोड़ी कोई आकर ऐसा बोले शेर, भाई शेर की तरह वो दिखती है लेकिन शेर नहीं हो सकती वास्तव में, बिल्ली बिल्ली है अपने आप में, वो कॉमन नाम है। कैसे है, जैसे लड़का हूँ मैं, लड़का जैसा हूँ ऐसा थोड़ी मैं लड़की हो जाऊँगा भाई, थोड़े देर के लिए हो सकता हूँ, अगर मैं नृत्य करूँ, मैं अगर मैं क्या बोलता हूँ गर्ल्स के ड्रेसेस पहन लूँ, तब मैं उस समय के उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए उस कुछ समय के लिए हूँ, लेकिन जो वास्तव में मैं लड़का हूँ लड़की नहीं हो सकता। वैसे ही कैट कैट है और एक कॉमन नाउन है, समझ गए कैसे है।
जनरल फॉर्म है सर, सब कोई कैट ही बोलता है क्योंकि जनरल बातें हैं, सामान्य है, कुछ चीज़ों आपको वैसे याद भी करने पड़ेंगे। तो कैट क्या जनरल फॉर्म वर्ड है, ऐसा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है बताने वाला। तो ये कैट क्या आपका कॉमन नाउन है। आईज, आईज बताना के पास भी है, सब कोई आई जी कॉल इसे करता है, यानी कि ये जनरल वर्ड है। जनरल सब यानी कि जो आईज है आपका, सब कोई आई जी से बोलता है, ऐसा नहीं है आईज को कोई माउथ बोलता होगा, कहीं ऐसा कोई ऐसा देश नहीं होगा, यानी कि जो ऐसा वर्ड ऑथेंटिक वर्ड हो सबके लिए समान हो, ऐसा थोड़ी कि इससे कोई दूसरा कुछ बोलाता होगा, मारकनी सब कोई बोलता हो ना। हाँ, भले संस्कृत में कुछ और बोले, हिंदी में कुछ और बोले, पेन को इंग्लिश में पेन बोलेंगे, हिंदी में कलम बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब जो निकलता है दोनों को जोड़ने के बाद वही हो, यानी कि जनरल फॉर्म हो। तो जनरल फॉर्म में आइज भी क्या आपका कॉमन नाउन है, तो कैट और ये आइज क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, दो नाउन थे यहाँ पे, कैट और आइज, और दोनों ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। क्योंकि हर एंगल से समझने की प्रयास करो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, फटाफट इसे नोट डाउन करो साथियों, जल्दी कर लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर। और पता है साथियों, अब करना क्या, आपको ना इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक बार मैंने सिखा दिया, आप इसे करोगे क्या, इसमें जैसे कुछ वर्ड को चेंज करोगे, ऐसा नहीं कुछ भी चेंज कर दो, अब भर भी चेंज कर दो, वहाँ पर नाम लगा दो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन आपको करना ये होगा कि आप किसी और दूसरे प्रकाशन का वर्क उठाना, वहाँ पर आप नाउन फाइंड करने की कोशिश करना और उनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करने की प्रयास करना। ठीक है, क्योंकि आपको उससे पता लग पाएगा हाँ वास्तव में मैं जो पढ़ रहा हूँ कोई ऐसा चीज़ तो नहीं ना जो मुझसे छूट रहा हो, वो चीज़ मुझसे नहीं बन पा रहा हो, वो चीज़ों को आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है साथियों, चलो आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा जल्दी जल्दी करने के प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। चलो इसे जल्दी जल्दी बताओ साथियों, यहाँ पे जो गांधी जी हैं ये भी नाउन है, मैं आपको आसान कर देता हूँ और फटाफट कमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी आपका नाउन है, लीडर भी नाउन है और इंडिया भी नाउन है। देखो गांधी जी क्या है, किसी पर्सन की खास नाम है, किसी व्यक्ति का खास नाम, उसे हम प्रॉपर नाम रखते हैं, वो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, उनके जैसा कोई और नहीं था, बस उनके रूलों को फॉलो करने वाला बहुत सा था, उनके काम जो करिए थे, एक्टिविटी करने वाला बहुत सा था, लेकिन जो इनके अंदर जो एबिलिटी थी अपने आप में यूनिक थे, तो जो गांधी जी क्या थे, प्रॉपर नाम है। आ जाओ, गांधी जी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम। अब देखो लीडर, लीडर बहुत सारे रखते हैं भाई, लीडर मुझे भी बोल सकता हूँ, मुझे यहाँ पर मैनेज करने के लिए दे दिया जाए तो मैं भी लीडर हो सकता हूँ ना। यहाँ का कंपनियों में लीडर भी होते हैं, लीडर एक कॉमन वर्ड है, सबको लीडर यूज करता है, स्कूल में भी लीडर होते हैं, चलो का लीडर नहीं होता है जो उन्हें गाइड करता है साथियों। लीडर क्या होता है, गाइड करता है, उनको चीज़ों को मैनेज करके रखता है, जैसे उनके अंदर में जो काम करते छोटे छोटे बंदे उनको मैनेज करता है, जैसे टीम वर्क में तो टीम में एक लीडर होता है, वही जो मैनेज करता है, उनकी मीटिंग लेता है, सारी चीज़ करता है अटेंड, उन्हीं को लीडर बोलते हैं। लीडर एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, और लीडर का कुछ खास नाम हो, जैसे लीडर में ले लो हमारे तरफ है लालू यादव, नीतीश कुमार, पप्पू यादव। ठीक है, वो सब हमारे क्या लीडर हैं। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें चुने हैं हम लोगों ने, और लीडर एक कॉमन वर्ड होता है, कॉमन इससे भी क्या इसमें रखेंगे हम लोग, कॉमन नाम रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें बताते रहो साथ, तो बहुत टाइम लग जाएंगे, तो लीडर क्या कॉमन हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करना और इसके बाद सवाल को करते चलना। इंडिया के अपने अपने खास है, यूनिक है, तुम कुछ बताना नहीं है साथियों, इंडिया क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर हो जाएगा, समझ गए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 7वें नंबर, गंगा द गंगेज इज ए होली रिवर। आ जाओ 7वें नंबर, द गंगेज इज द गंगेज इज द सॉरी इज ए कह रहा हूँ कुछ होली रिवर। अब देखो मैंने एक चीज़ बताया था, यहाँ पे कंसेप्ट समझना, मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाम के साथ जनरली आर्टिकल नहीं लगते, लेकिन आप आर्टिकल क्यों लगा, आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए, तो समझो जब किसी रिवर, जब किसी माउंटेन, माउंटेन इसमें तो ना पर्वत वर्त बात होता है, और भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जब किसी उस चीज़ को लिखा जाता है तो उसका आर्टिकल द्वारा लग जाता है। ठीक है, सब जगह नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं वहाँ पर लगते हैं। तो रिवर गंगा क्या किसी रिवर की नाम है, किसी रिवर की नाम है, इसलिए आर्टिकल द्वारा लगाए हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन होते भी आर्टिकल द्वारा, क्योंकि माउंटेन रिवर सॉरी
रिवर और क्या ले सकते हो किसी सी यानी कि समुद्र और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसके पहले आर्टिकल दो लगते हैं, सारी चीज़ वो चीज़ बता देंगे आर्टिकल दो चक्कर। लेकिन समझो इसके पहले आर्टिकल क्यों लगा था, ये कंसेप्ट क्लियर करना था। यहाँ पे आपका गंगा भी नाउन है, रिवर भी नाउन है। गंगा क्या है, किसी नदी का खास नाम है, नदी का नाम है। देखो नदी है बहुत सारा, नदी कॉमन फॉर्म में बहुत सारा नदी है, लेकिन उसमें से नदी उन नदियों में से एक नदी कौन है, गंगा। नदी तो बहुत सारी लेकिन नदियों में एक नदी है गंगा। नदी तो ऐसे बोल सकते, देखो बहुत सारे जो भी बहते हैं उनको नदी बोल सकते हैं ना, कॉमन वर्ड में सबको नदी बोल सकते हैं, लेकिन उनमें जो गंगा उसका नाम एक नदी का गंगा है, यानी कि जो एक नाम है एक नदी का उसका नाम गंगा है। उसका नाम हो यानी कि खास नाम हो किसी चीज़ का, उससे भी तो प्रॉपर नाम कह सकते हैं। और बाय द वे सेकंड फॉर्म में आओगे जो दुनिया में यूनिक हो, मुझे बताना गंगा जैसा कोई चीज़ और है, गंगा जैसा पवित्र नदी और कोई है, नहीं है। गंगा अपने आप में यूनिक है, यमुना की बात अलग है, सरस्वती की बात अलग है, वो अलग फॉर्म हो गए, लेकिन गंगा अपने आप में यूनिक है। उसका जैसा जो उसका रूट होगा, जो उसका बहाव का स्पीड होगा, जो उसके अंदर क्वालिटी होगा, सब में नहीं आ सकता। तो गंगा अपने आप में क्या है, सुपर है। और रिवर का कॉमन ही होगा, अब इसमें कुछ बताना पड़ेगा, लॉजिक थोड़ी है साथियों, क्यों कॉमन है, सबको इसे रिवर ही बहुत जो भी बहते होंगे पानी से रिवर ही तो बोलते साथियों। अब जो समुद्र है वो समुद्र ही ना बोलेंगे उससे, अब समुद्र का नाम अलग अलग है वो अलग बात है, उसके नाम को हम लोग प्रॉपर में रखेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म में रिवर पे क्या रखेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो कंसेप्ट, जैसे मेरा नाम शशि है, यहाँ पे हम बॉय हैं, नाम नहीं जानते तो बॉय बोलोगे, अगर जैसे ही मेरा नाम जान गए शशि बोलोगे, जब बॉय बोल रहे थे तो हम कॉमन नाउन में थे, और जब शशि बोल रहे थे तो प्रॉपर में थे। जैसे रिवर, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, रिवर में क्या था, आपका गंगा ले लो, यहाँ पे छोटा जी नहीं होगा बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे जी एन जी है, ठीक है, यहाँ पर गंगा जैसे रिवर है, अब रिवर में कुछ खास नाम होगा गंगा, इसी तरह ले लो जैसे कि गर्ल में ले लो गर्ल, अब गर्ल का कुछ खास नाम होगा उस गर्ल का सीता। तो ऐसे ही साथियों क्या होता है, बॉय आपका कमल है तो बॉय का कुछ नाम होगा, इस लड़के का कुछ खास नाम होगा ना, अपनी अपनी यूनिक होगा कि लड़का इसका नाम शशि था, जैसे मेरा नाम शशि है, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। जैसे रिवर, रिवर का कुछ खास नाम होगा उस नदी का, तो नदी क्या हो जाएगा गंगा, गंगा भी हो सकता है, यमुना भी हो सकता है, बहुत सारा है। जैसे गर्ल, अब वहाँ पर गर्ल जैसे बैठे हो, वहाँ पर गर्ल का कुछ नाम होगा ना सीता, सीता अपने आप का क्या है, यूनिक है। समझ रहे हो साथी ये सब बातें, आ जाओ आप कॉमन नाम में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो फिर साथियों आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो समझने में, मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो। कॉमन नाम में कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सारे उसके तरीके मैंने आपको बता दिया। आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और आप करना क्या साथियों पता है, आपको ना टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी इनके प्रैक्टिस वाले। अरे मैं बता रहा हूँ साथियों ना, आपको ये तक कराऊंगा बुक का सोल्यूशन, इसका टॉप लेवल को जो मैं क्वेश्चन एक्सेप्टेड, मैं मतलब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कुछ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, दो तीन चार बोर्ड एग्जाम होते हैं, बिहार यूपी एमपी और सीबीएसई बोर्ड वाले भी कुछ क्वेश्चन उठा लूंगा जो कि नाउन से हो, और नाउन का बुम बुम क्लासेस लाऊंगा, ठीक है, ऐसा क्लासेस जो कि सब में लड़े, ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो बार बार यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गत साल में जो पूछे गए होते हैं पिछले साल में, वो क्वेश्चन का लाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएंगे, हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और इनके बोर्ड एग्जाम के नाम भी लिखे रहेंगे कि बिहार से यूपी में पूछे गए थे एमपी में, लेकिन चैप्टर नाउन ही रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको भी लग जाएगा आइडिया का, अच्छा अरे में इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, यूपी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में इस लेवल का, तो आपको आइडिया लगेंगे और उसी अकॉर्डिंग आप काम करना भी चालू करोगे नाउन पे, ठीक है। चलो आठवें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि देयर इज ए कैप ऑन हिज हैंड, हेड हेड कह रहे आठवें नंबर क्वेश्चन कि देयर इज ए कैप ऑन, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, हिज हेड, ये हेड मतलब समझते हो ना, हेड 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 इसे बोलते हैं, ठीक है, तो देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। अब बताओ यहाँ पे नाउन देखो, मैं बताऊँ दो नाउन है, एक तो आपका कैप है, दूसरा आपका हेड है, अब मुझे बताओ हेड हेड क्या है, सबको हेड ही इसे बुलाता है साथ ही, कॉमन वर्ड है, सबको हेड ही कहता है। अब ऐसा थोड़ा इसे भाई, देखो हिंदी में कपार भी लोग बोलता है, जो आती जो स्लैंग हो उसमें से लोग सर भी बोलते हैं, सिर भी बोलते हैं इसे बहुत सारे लोग, ये वर्ड है तो उसे जनरल फॉर्म में इसे वही बोलेंगे ना, मतलब सबका वही निकलता है,
यानी जनरल वर्ड हुआ, ठीक है। जनरल से जनरल फॉर्म में जिस चीज़ को भी बुलाते हैं, मतलब कहने का मतलब कुछ भी चीज़ का नाम जनरल फॉर्म में बुला है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कॉमन नाउन से। तो हेड क्या हो जाएगा साथियों का, कॉमन नाउन हो जाएगा। कैप क्या हो जाएगा, कैप का अगर नाम होता पूमा तो प्रॉपर होता, कैप का नाम होता अगर नाइक तो प्रॉपर होता, ठीक है। दो ही कंपनी का जानता हूँ मैं, ताकि आप कंपनी देख लेना। ये कैप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कैप सबको यूज करता है, कैप को कैप ही बोलते हैं, जनरल वर्ड है। ऐसा तो नहीं कि आप दुकान पर जाते होंगे तो कहते होंगे भाई पहनने वाला दे दो, नहीं, आप वहाँ पर कैप ही बोलते हैं, यानी जनरल वर्ड बोलते हैं। तो कैप क्या हो जाएगा कुछ साथी, कॉमन नाउन, क्योंकि पहनने वाला बोलोगे तो चश्मा भी हो सकता है, गर्दन का माला भी हो सकता है, शर्ट भी पहनते, तो वहाँ पे बोलते कैप दे दो, ऐसा नहीं कि पहनने वाला दे दो, ठीक है। चलो आप कहोगे सर सर में पहनने वाला दे दो, आपकी दिमाग और भी वहाँ तक जा सकती है लेवल पे। साथियों हैंडबैंड भी पहना जाता है सर में, समझ रहे हो ना, ये सब बातों की समझना होगा। चलिए आ जाइए नौवीं नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई पॉलिस्टी। गोल्ड गोल्ड के बाद क्या है, सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई पॉलिस्टी। यहाँ पे समझना, ये जो लिखे है ना वर्ड, ऑनेस्टी नहीं पढ़ते, ऑनेस्टी, ओके, ऑनेस्टी पढ़ते, इसको आ की तरह लाते हैं। देखो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो गोल्ड सिल्वर होता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप किसी भी बड़े बड़े जो होंगे राइटर की बुक उठा लेना, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की जब बात होती है साथियों, जब तक उससे कोई चीज़ का निर्माण नहीं होता, जब तक वो मेटेरियल नहीं होता, लेकिन बुक को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, इस बुक का जो मांग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर ये आपके साथी क्या हो जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड भी नाउन है सिल्वर भी नाउन है, दोनों क्या कौन सा नाउन हो जाएंगे, यहाँ सबका मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। बुक के आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन बाई द वे प्रॉपर होंगे, क्योंकि इससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया गया ना साथियों, इससे जब तक कोई चीज़ बनेगा नहीं, जब तक ये मटेरियल होगा ही नहीं, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग मान के चलेंगे कि ये मटेरियल है, ठीक है। अब देखो मनी, मनी को समझना पड़ेगा साथियों को, मनी के लिए आपको समझना ये पड़ेगा, और ध्यान से दोनों बात, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 20, लड़के के पास 20 है, 20 रुपये है, किसी के पास 1000 रुपये है, ठीक है, किसी के पास 10K है, यानी 10,000 है। अब मुझे बताओ जिसके पास 20 रुपये होगा क्या वो नहीं बोल सकता कि आई हैव ए मनी, वो बोल सकता है कि नहीं साथियों, मुझे बताना कमेंट करके, आई हैव ए मनी बोलेगा कि नहीं। उसके पास 10K यानी कि 10,000 रुपये होगा वो भी बोलेगा आई हैव ए मनी, उसके पास 1000 रुपये होगा वो भी बोलेगा आई हैव ए मनी, जिसके पास डॉलर में पैसा होगा वो भी बोलेगा मुझे पास आई हैव ए मनी, यानी मनी का आकार नहीं होता, जो सिर्फ हम लोग फील करते हैं। तो मनी को हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा चेंज होता है, वेरिएबल है ना भाई, कॉन्स्टेंट तो है नहीं, हम वेरिएबल है, तो यहाँ पे मनी होगा ना आपके साथ ही, वो हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे ऑनेस्टी, ईमानदारी को आप खरीद, ईमानदारी को छू सकते हो नहीं, ईमानदारी हमारे अपने अंदर जो होता है ना, हम लोग का अंदर क्या झलकती है ईमानदारी, ईमानदारी को देख नहीं सकते, वो हमें महसूस होती है, हाँ ये जो बंदा है ना ट्रस्ट ट्रस्ट के लायक है, ये बंदा सही काम कर रहा है, मुझे लगता है हाँ वो बंदा ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी ऑनेस्टी को हम सिर्फ अनुभव करते हैं, एक सोच के चलते हैं हाँ डैट गाइज यू वॉक ऑनेस्टली, वो काम अपना ऑनेस्टली से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, यहाँ पर ऑनेस्टी भी क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी बताओ, ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही जाएगा, मुझे बताना यहाँ पे मनी भी अब्स्ट्रैक्ट हो गया और अनेस्टी भी अब्स्ट्रैक्ट हो गया, समझ रहे हो ना साथियों, समझ रहे हो तो अच्छी बात है, समझना आपको समझना तो पड़ेगा ही साथियों, अगर इसको आप सीखना है तो बेहतर तरीके से आ जाइए इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन होगा, और सभी को फटाफट इसे नोट डाउन नहीं करते रहना, ठीक है, क्योंकि इससे नोट डाउन नहीं करोगे ना साथियों फिर आप सीख नहीं पाओगे, और जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे कदापि, कितनी भी कोचिंग पढ़ लो साथियों मैं ये बेट ला के बोल सकता हूँ साथियों, प्रैक्टिस तो बोलते हैं ना उसे, यानी कि अभ्यास, अभ्यास एक ऐसी कुंजी है साथियों, किसी भी चीज़ को सिखाते कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपको नहीं आएंगे। अब मैं ही सिर्फ मैथ ना पढ़ूँ मुझे मैथ आ जाएंगे, नहीं आएंगे साथियों, जब तक उसके क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा अलग अलग लेवल का,
मुझे कैसे आ सकते, नहीं आ सकते साथ में, समझ रहे हो ना? ये बातों को समझना आपको और इस पर मेहनत करना आपको, क्योंकि साथियों आपको पता होगा जब तक बॉल को हम लोग नीचे नहीं गिराएंगे तब वो उछाल नहीं मारेगा। उसी तरह आदमी को जब तक हार्डवर्क नहीं करेगा तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएगा। अब हार्डवर्क ऐसा मतलब नहीं कब सक्सेस हो जाएगा, हाँ उस काम में सक्सेस हो जाओगे। आपके सक्सेस का डिफिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन काम वो जो काम करोगे वो सीख जाओगे। तो मैं बताना, जैसे इंग्लिश के ऊपर काम करोगे इंग्लिश सीख जाओगे, मैथ के ऊपर काम करोगे मैथ सीख जाओगे। ये बात है, ऐसा नहीं कोई टीचर आपको घोल के पिला देगा, नहीं, वो जो ऑथेंटिक चीज़ें होगी वो आपके सामने पेशकश करेगा। अब सामने मार्केट में अगर जलेबी रखा होगा, अब जलेबी वाला जलेबी तो रख सकता है ना, अब खरीदना आपको, खाना आपके ऊपर है, आप किस तरह से खा रहे हो। अब जलेबी मीठा होता है आपको, वो तीखा है, तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो मीठापन था, आप इसे किस तरह ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला अच्छा, अच्छा एक इसका टोन अलग था, तो वो डिपेंड करता आपके ऊपर, आप कितना इस पर काम करते हो, किस तरह सीखने के प्रयास करते हो, ठीक है। आ जाइए इसी के बाद 10 नंबर क्वेश्चन से, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहा है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर, द टीचर टॉट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, द टीचर taught me physics and chemistry, physics and chemistry, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग नोट डाउन कर लेना वहाँ। अब बताना यहाँ भी, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। जो टीचर होगा ना, एक चीज़ याद रखना, जितने भी प्रोफेशन नाम होते हैं, प्रोफेशन तो डॉक्टर, टीचर, जज, और क्या हो सकता है, हेडमास्टर, तो एक प्रोफेशन हो, कोई भी चीज़ का प्रोफेशन हो, तो सारे जो आते हैं ना वो कॉमन नाम नहीं होते, 80-90% ले सकते हो। 90% केस में देखा जाए तो जो भी प्रोफेशन वाली बात होती है वो कॉमन नाम में आते हैं, ये बात याद रखना सर। चलो तो ये क्या हो जाएगा साथ, आपको कॉमन नाम है। अब यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो होते हैं ना, साइंस के जो नाम होते हैं ना, केमिस्ट्री जो साइंस के नाम होते उन्हें भी अवस्थेक नाउन में रखा जाता है, ठीक है। तो जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थी ये भी क्या हो जाएंगे साथ, फैक्ट हो जाएंगे। आज ये इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, आ जाओ, मंडे इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब कह रहे ना कि जो मंडे होता है सप्ताह का पहला दिन होता है, सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, या मंडे सप्ताह का पहला दिन, ठीक है, सोच लो ना। अब देखो कि जो वर्ड मंडे है ये भी नाउन है, वीक भी क्या आपके साथियों नाउन है, और आपका डे भी क्या आ जाती है नाउन है। पढ़ने के प्रयास, जो मंडे है किसी वीक का नाम भी हो सकता है, किसी दिन का खास नाम भी हो सकता है। अब बताना मंडे क्या वीक में नहीं आता, एक सप्ताह में आता है, ट्यूजडे भी आता है, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे, ठीक है, ये को साधन करते हैं, वेंसडे होता है, अरे गुरु जी बताए। तो यहाँ पे मंडे, ठीक है, ये मंडे किसी दिन का यूनिक नाम बता रहा हूँ, सोमवार जैसा ऐसा कोई दिन है बता, सोमवार अपने आप में खास होता था, सोमवार अपने आप में खास होता है, सोमवार जैसा कोई और दिन नहीं होता है, रविवार जैसा कोई दिन नहीं होता है, यानी कि सोमवार यानी कि किसी दिन का खास नाम है ये। ये भी क्या जगह प्रॉपर मिल जाएगा साथियों, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, टाइम बहुत, आ जाओ। यहाँ पर डे क्या है, जनरल है, सोमवार को वाले भी दिन होते हैं, मंगलवार वाला भी दिन होते हैं, बुधवार को भी दिन ही होते हैं, तो यानी कि ये जो डे वर्ड है ना ये कॉमन है। और एक बात याद रखना साथियों, दुनिया में जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो सारे के सारे कॉमन ही होते हैं शुरुआत में, अब कॉमन को मिला दोगे तो कलेक्टिव हो जाएंगे। कॉमन को भूख लगेगी खाने के लिए तो मटेरियल चीज़ों को लेगा, और कॉमन का अंदर जो कुछ भी फीलिंग आता है वो वस्ट्रिक नाउन होते, ये चीज़ कंसिडर होता है किसी पास में, बहुत डेंजर तरीका है इसका,
वो नाउन कलेक्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम बता देंगे। आ जाओ वीक, वीक क्या होता है, वीक भी आपका कॉमन है क्योंकि महीने में चार सप्ताह होते हैं, ठीक है, महीने में चार सप्ताह होते हैं, एक वीक, दो वीक, तीन वीक, चार वीक, वीक एक कॉमन कॉमन फॉर्म है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ डाउट, अच्छा है कमेंट कर लो क्या, ठीक है। चलो आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और देखो मैं बताऊंगा ना साथियों कि आप जितने भी चीज़ों में पढ़ा रहा हूँ ये अपने से नोट डाउन करना, क्योंकि जो खुद का नोट्स होता है ना साथियों वो दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है, बात पता चल समझ लो ना, क्योंकि मैं आज खुद से नोट्स नहीं बनाया होता, खुद से प्रैक्टिस नहीं किया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूँ पहली बार, तो इसलिए आप भी अपना खुद से खुद का नोट्स बनाइए। PDF एक तो है इंटरनल आपकी सहायता के लिए टेम्प्रोरली, लेकिन जो खुद का नोट्स होता है तो आप वहाँ पर समझ समझ के लिखते हैं, तो जो PDF बनाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, हाँ चलो ये चीज़ पॉइंट देना चाहिए, लेकिन जो आपको नहीं आता मैं कैसे जानता हूँ PDF में वो चीज़ इंक्लूड करना, तो वो चीज़ें आप सुन सुन के लिखते हो, PDF में सारी चीज़ भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो ना, समझ रहे हो ना, PDF में सिर्फ लिख के जाती है, एक्सप्रेस नहीं हो सकते भावना, वो चीज़ बात होती है PDF में, तो PDF तो लेना अच्छी बात है लेकिन साथ साथ अपने से नोट्स बनाना उस PDF से भी और लेक्चर को भी देख करके वो एक अलग बात होती है, कुछ ज़्यादा सीख पा, ठीक है। आज ये 12 नंबर कह रहा है ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड, वाओ ही हैज बीन ए गुड सिंगर, 12 नंबर को कह रहा है ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड, कह रहा है ना कि वह बचपन से क्या है एक अच्छा सिंगर है, ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वो एक अच्छा सिंगर है। अब मुझे बताना यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा चाइल्ड, बचपन को कोई देखता नहीं, ये सिर्फ महसूस होता है हाँ ये बच्चा बचपना है, इसके अंदर बचपना मेरे अंदर भी हो सकता है, बचपना का कोई एज की लिमिट होता है, मैं हरकतें वैसे करने लगूंगा मुझे भी कोई कह सकता इसके अंदर ये बचपना है, यही बचपन जैसा हरकत करता है, ठीक है। बचपना जो वर्ड है ना ये अभिष्टेक्ट माता है, किसमें आएगा चाइल्डहुड अभिष्टेक्ट हो जाए, ठीक है। सिंगर, सिंगर क्या है किसी प्रोफेशन का नाम है, सिंगर एक प्रोफेशन होता है ना साथी, देखो दूसरे सिंगर को समझो, सिंगर क्या होता है प्रोफेशन होता है, टीचर। अब देखो इसके पीछे एक और वर्ड आता है जिसके अंत में ओ आर ई आर लगाओ तो कॉमन अनुमति, लेकिन वो शब्द का रूल काम नहीं करता, लेकिन जो प्रोफेशन वालों में बता रहा हूँ तरीका ये हर जगह काम करते 80% केस में, सिंगर डॉक्टर एक्टर लॉयर ये सारे जो वर्ड होते हैं कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में आएंगे, समझ गए। आ जाओ अब इसके बाद दो ही नाउन थे यहाँ पे, शायद सिंगर होंगे और एक आपका चाइल्डहुड होंगे, दो ही नाउन होंगे, समझ गए। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आ गया 13 नंबर क्वेश्चन 11, फ्रेंडशिप इज ए बून, वाओ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, फ्रेंडशिप इज ए बून, इज ए बून, अब मुझे बताओ बून क्या हिंदी क्या होता है, ये जो वर्ड मैंने लिखा बून, वरदान, जो फ्रेंडशिप होता है वरदान होता है भाई, एक एक ऐसे फ्रेंडशिप होती है ना भाई आपके लिए एवरीथिंग, कुछ भी कर सकता है साथियों, ऐसा ऐसा फ्रेंडशिप भी होता है, फ्रेंडशिप एक वरदान है साथियों, ठीक है। फ्रेंडशिप को आप तोड़ नहीं सकते हो किसी पैसे से, फ्रेंडशिप नेवर कैन बी नेवर बाई, मतलब फ्रेंडशिप कभी खरीद ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना, फ्रेंडशिप की आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि फ्रेंडशिप की जो उसकी मूल्य हो कोई अदा कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी अदा नहीं कर सकते फ्रेंडशिप का, ऐसा चीज़ है। इसलिए लिखा गया फ्रेंडशिप इज बुन, फ्रेंडशिप एक वरदान है, दोस्ती, समझ रहे हो ना, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंडशिप वर्ड है तो मुझे बताना ये कौन सा नाम से होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप को देखते नहीं है, महसूस करते हैं कि हम और इसके बीच में दोस्ती है, ऐसा थोड़ी कि फ्रेंडशिप को जाकर पकड़ लेते, नहीं आप अपने फ्रेंड को पकड़ते हो, दोस्ताना को नहीं पकड़ते हो, दोस्ती को नहीं पकड़ते, अपने दोस्त को पकड़ते हो, समझ गए। तो जो फ्रेंडशिप हो जाएंगे आप काम ये क्या हो जाएंगे साथ, जो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बून भी क्या होते हैं, वरदान, भाई वरदान को तो मेरे हिसाब से अभी देखते नहीं है,
भगवान वरदान देते, थोड़ी देर देखते वो तो देख लिए कि इमेजिन होता है, हाँ भगवान ने हमें वरदान दे दिया। हम लोग महसूस करते दिमागों में केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, तो बुन भी आपका क्या हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट हेल्थ हियर इज नो हेल्थ। वाओ, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि बिना स्वास्थ्य का किसी नहीं है, यानी कि बोल सकते हेल्थ इज वेल्थ। अगर कहने का मतलब इसका यही है कि हेल्थ इज वेल्थ, देखा जाए इस सेंटेंस का मतलब मतलब वही है। 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विदाउट हेल्थ, डाउट हेल्थ, डाउट हेल्थ देर इज नो हेल्पनेस, योर इज हैप्पीनेस। अब देखो हैप्पीनेस, काइंडनेस, ठीक है, स्ट्राइडनेस, क्राइनेस, ये जो नेस वर्ड होते हैं ना वो अभिष्टेक नॉर्मल एक छोटा सा टेक लगा जिसके अंदर में नेस लगाओ, इनमें नीस एंड ए डबल एस लगा होता है ना वो अभिष्टेक नॉर्मल आते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अब आ जाओ हेल्थ, और मुझे बताना हेल्थ को कभी अपने टच किया है, स्वास्थ्य को अपनी बॉडी को टच करते हैं हम लोग, कहते हैं हेल्थ खराब है यार, अंदर से महसूस होता है, यानी कि मुझे अंदर से लग रहा है कि आई एम नॉट फिट, मतलब अंदर से फिट महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो हेल्थ भी क्या होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात क्लियर हुआ सबको, आ जाओ 15 नंबर में। 15 नंबर जो क्वेश्चन किया जाए कि ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रैप्स, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें लड़के बहुत फंसते हैं, क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जामों में देखा मैंने, कह रहा कि ये गेव मी, मैंने मॉडल पेपर देखा तो है ये कहीं नहीं, गेव मी ए बंच ऑफ ग्रैप्स, ए बंच ऑफ ग्रैप्स आयो, कह रहा कि उसने मुझे अंगूर की एक गुच्छा दी, गेव सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि पास्ट की बात कर, आ जाओ बंच, बंच यानी कि गुच्छा यानी कि संग्रह, ये जो बंच वर्ड है यानी कि किसी के संग्रह की बात करे तो वो अंगूर की संग्रह की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो बंच हो जाएगा सब किधर हो जाता, जो बंच हो जाएंगे क्या हो जाएगा सब कलेक्टिव हो जाएगा, ग्रैप्स, ग्रैप्स क्या है मुझे बताओ, किसी फ्रूट का सामान्य नाम है, जैसे टमाटर, सॉरी टमाटर भी फ्रूट्स में आता है, जनरली दिखा देते, गाजर हो गए, मूली हो गए, आम हो गए, मैंगो बोलते उसे, और क्या क्या हो जाएंगे, सलगम हो गए, बहुत सारा बनाना बनाना सब कुछ जो भी, कोकोनट, कुकम्बर, कुकुम्बर बोलते हो सर उसे, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ब्रांच और क्या भी हो सकता है, पोमेग्रेनेट, ये सारे जो होते हैं ना फल का सामान्य नाम है, तो ग्रैप्स भी सामान्य नाम है फल का, और ये ग्रैप्स जब सामान्य नाम है तो आपका साथियों क्या हो सकता है मुझे बताना, ये भी साथियों को कॉमन नाउन हो जाएगा ना, ये तो कॉमन नाउन हो जाएगा ना, आप मुझे बताना, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आइए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर से, क्योंकि सारी चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि समझोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और सुनो साथियों इसकी टेस्ट भी होगी, ठीक है, कि मैं जब पूरी चीज़ पर हार दूंगा तो मैं टेस्ट भी लूंगा आपसे, क्योंकि मुझे तो आइडिया लगना चाहिए ना कहाँ आप किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इसकी टेस्ट भी होगी, और टेस्ट में सभी बच्चों को मैं कमेंट देखूंगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना कि कौन बच्चा किस लेवल पे मेहनत कर रहा है, सभी का नाम भी लिया जाएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे सभी को अच्छे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज ये 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम इट्स बेग मैंगोज एंड शुगर, पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम इट्स ब्रेड मैंगोज एंड शुगर। आ जाओ अब देखो, कह रहा है कि राम खाता है क्या चीज, ब्रेड मैंगो एंड शुगर, राम रोटी आम और शुगर खाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक समझो, ब्रेड के साथ एस क्यों नहीं लगा, सर यहाँ पे मैंगो के साथ आप शुगर बनाए हैं लेकिन ब्रेड के साथ क्यों नहीं बनाए। देखो ब्रेड एक मटेरियल नाउन है, आटा से बना हुआ है,
अब ब्रेड को हम लोग पीस के अनुसार लेते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेड एक एक ब्रेड दो नहीं, पीस वो ब्रेड बोलेंगे वहाँ पे, ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे शुगर होता तो कहें ये नहीं कहेंगे एक शुगर दे दो, नहीं 1 kg शुगर बोलेंगे, यानी कि उसके किलो को रिप्रेजेंट करेंगे किलो में। वैसे ही ब्रेड को हम लोग 2 piece 3 piece इसकी प्लूरल नहीं बनती है, हमेशा सिंगल होते हैं। लेकिन इसको प्लूरल दिखाने के लिए आप पीस ऑफ यूज कर सकते हो, 2 piece of bread 5 piece of bread। तो ये चीज़ों के बाद आपको समझनी होंगे। आ जाइए, हम लोग नाम की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे जो नाम राम है, राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ब्रेड मटेरियल हो जाएगा, मैंगो जो अभी बताया है फल का सामान्य नाम है, कॉमन हो जाएगा। गलती नहीं करना साथियों, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे कि सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैंगो मटेरियल होना चाहिए। देखो अगर मटेरियल कब होता है इसके समझो बात, जब आप आम को उस वक्त खरीद रहे होते, उस वक्त सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते, तब वो आम क्या होता है, मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे जनरल वे में बात किया गया है कि आम खा रहा है, ऐसा नहीं कि वो खरीद रहा है। खरीदने की बात है ना, तो वो फसल होना शुगर आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है भाई, नहीं है, अच्छी बात है। आ जाओ इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, चलो बढ़ते हैं। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। देख लो रिंग की बात किया था ना, सिल्वर गोल्ड की, भाई क्वेश्चन देंगे ना भाई, वो फैक्ट है। अब फैक्ट आकर के रहती है, फैक्ट रुकने वाली नहीं है, फैक्ट कभी नहीं रुकती है साथियों, ये बात याद रखना। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, द रिंग इज मेड, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। बहुत सारे बच्चे होंगे सिल्वर का हिंदी नहीं पता होगा, सिल्वर मतलब साथियों होता है चांदी, क्या होता है साथियों, चांदी। आ जाओ कह रहा है जो ये रिंग है, जो अंगूठी है, अंगूठी पहनते हो ना, ये सिल्वर है, रिंग है, ये क्या चीज से बना हुआ है, चांदी से बना। मैंने बताया कि जब भी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनियम स्टील, जब तक उससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता तब तक मटेरियल नहीं होता, तो यहाँ पर जो सिल्वर हो जाएगा ये मटेरियल होगा, इससे मैं सहमत हूँ। अब ये जो रिंग है ना, ये कॉमन होगा, क्योंकि रिंग एक कॉमन नाम है, किसी भी पदार्थ का सामान्य नाम है, सिमेटर का सामान्य नाम है, किसी वस्तु का सामान्य, वस्तु मानोगे ना ये, इसको रिंग को सामान्य नाम है। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, प्यार से प्यारा छोटा सा क्वेश्चन से, कह रहा है कि देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड, क्राउड ऑन द रोड, देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सेशन पे इन करेंगे, लेकिन समझना यहाँ पे कह रहा है देयर क्राउड, वर्ड क्या दिखाई दे रहा है, क्राउड, और एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपके साथ ये रोड, ये रोड जो होगा आपका कॉमन होगा, क्योंकि किसी पथ पथ जो चलते हैं, किसी चलने वाले जगह की समान है ना मैं रोड। अब रोड में होता जैसे हाईवे, पटना का हाईवे, तो पटना का हाईवे जो होता है वो प्रॉपर होता है, लेकिन रोड है सामान्य नाम है, पुल सामान्य नाम है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्राउड। क्राउड क्योंकि हम क्राउड को बोलते हैं भीड़, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्राउड क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को, अब ये तो फटाफट नोट डाउन करो, और इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, क्योंकि जल्दी से हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको सेशंस को क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। 2 क्वेश्चंस समाप्त करने की प्रयास करें। आ जाओ अभी कोई नोट डाउन की हो ना कॉपी में, फटाफट कमेंट कर दो अपने अपने, एक वो बोलते हैं ना यूट्यूब में एक इमोजी होती लाल पीले चेहरे वाले छोटे, वो वाला भेज दो, ताकि मैं समझ जाऊँ सभी को नोट डाउन की हो। और जिसको जिसको भाई समझ में आ रहा है, वो थम्सअप का ऐसा एक चिन्ह होता है, उसे फटाफट सेंड करो, थम्सअप का चिन्ह कभी कोई सेंड करो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर और 20 नंबर, 2 क्वेश्चन बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, I have long for my friend. I have love for my friend. My
मेरे अपने दोस्त के लिए, मेरे पास मेरे दोस्त के लिए प्यार है, समझ लो ना, यहाँ पर आई का मतलब मैं नहीं है, मेरे पास मेरे दोस्त के लिए प्यार है। देखो जो लव है ये भी नाउन है, क्योंकि फोर आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले यहाँ पर ऑलरेडी हैव है, ये नाउन है, ठीक है, समझना है कैसे नाउन है। और फ्रेंड, क्योंकि प्यार करने की बात किया है, प्यार है, ठीक है, यहाँ फ्रेंड भी नाउन है। देखो फ्रेंड आपका एक कॉमन नाउन हो जाए, क्योंकि जैसे फ्रेंड, ब्रदर, मदर, सिस्टर कैटेगरी में बता, तो उसमें लव आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा अबस्ट्रैक्ट नाउन। और जो इसी के बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, द जूस, द जूस हैज नो, हैज नो फिटनेस, ठीक है। अब देखो जूस, जूस क्या होता होगा ना, जूस को आप जब भी उसको मिलाते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेरिएंट्स उसको जूस, जैसे देखो केले का जूस, जैसे मान लो आम का जूस, तो आम का वो क्या होता है, पार्ट होता है, उसको हम लोगों ने मिक्सर करके एक नया फॉर्म ग्लास में उसे देते हैं, यानी कि उसके नया वेरिएंट तैयार करते हैं। तो नया वेरिएंट तैयार करते हैं तो जब ये जूस बन जाता है तो ये क्या कहलाता है, जैसे देख लो ईख, ईख को क्या करते हैं पीस, उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग वो मशीन में कुछ में डालते हैं, फिर उससे कुछ एक्टिविटी होती है और वो दूसरे फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में तैयार होकर मेरे पास आ जाती है, तो जूस जो होगी मेटेरियल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वीटनेस, भाई इसको तो हम लोग इमेजिन नहीं करें, स्वीटनेस को पकड़ नहीं सकते हैं, स्वीटनेस जो आपकी हो जाएगी एक नॉर्मल। और लोग एक्सरसाइज 3 देखने वाले हैं, ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चन को करेंगे, और आप सभी फटाफट कमेंट कर दो, सभी को इस सेशन को शेयर करो, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, आकाश जी जुड़ चुके हैं लाइव में, सभी को इसको कमेंट करो, क्योंकि साथियों आप शेयर भी करो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कौन कौन सा विद्यार्थी अभी लाइव में जुड़ चुके हैं, ठीक है। और सभी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये एक्सरसाइज 3 है, ठीक है, इसके पहले 1 और 2 हो चुका है, तो उसको भी आपने, मुझे आशा है कि आपने देखा होगा सभी कोई। चलिए आपके सामने जो क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, देखिए पहले क्वेश्चंस पढ़ के सुना दो, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पिक आउट द नाउन द बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन फ्रॉम रेस्ट। जो यहाँ पे नाउन दिए गए हैं ना, इनमें से डिफरेंट को छाटना है साथियों, ये जो नाउन दिए गए हैं आपके, इनमें से आपको डिफरेंट वालों को छाटना है, क्या है आपको डिफरेंट वालों को छाटना है, ये बात तो आपको क्लियर करना है, इसमें से आपको क्या करना है, डिफरेंट वालों को छाटना है, इसमें से आपको डिफरेंट वालों को छाटना है। चलिए हम लोग एक एक करके सीखेंगे, देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है चेयर बॉय वॉच वुड रिवर। अब देखो सभी को क्या मैंने बताया था साथियों, टाइप्स ऑफ नाउन सबको बताया था मैंने, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अबस्ट्रैक्ट। सभी कोई कमेंट करो, सेशन को शेयर करो साथियों, यहाँ पे 50 लड़के से काम नहीं चलेंगे, हमें 150+ लड़के चाहिए, 150+, सभी कोई फटाफट इस सेशन को शेयर करो साथियों, तभी तो एनर्जी मिलेंगे, एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी आए मज़ा नहीं आएगा। और सारे वो चीज़ सिखा दूंगा, कंसेप्ट सिखा दूंगा, कि आप अभी भी कोई भी देख रहा, नया लड़का भी जुड़ा होगा ना, तो नाउन को यूँ बना देगा, नाउन को यूँ सोल्यूशन करेगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था साथियों कि नाउन में कितने प्रकार के होते हैं, 5, अभी इसके और भी टाइप्स पढ़ाएंगे एडवांस लेवल, जब आप धीरे धीरे सीख जाओ तब, लेकिन नाउन में पढ़ाया था मैंने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट, ये 5 आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, 5 नाउन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें क्वेश्चंस में पहला लिखा हुआ है हियर बॉय वॉच विद रिवर। अब मुझे बताना, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बच्चे सब जुड़ चुके हैं, सब कमेंट कर रहे हैं, जी सर जी, जी सर जी, बिल्कुल राइट। देखो यहाँ पर जो चेयर दिखाई दे रहा है, चेयर दिखाई दे रहा है साथियों, कुछ चेयर, देखो चेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बॉय भी दिखाई दे रहा है, वॉच भी दिखाई दे रहा है साथियों आपको, और वुड और रिवर, बताओ चेयर कौन सा पार्ट्स का है, चेयर, चेयर बताना क्या है, किसी चीज से बनाया गया है, चेयर क्या है, किसी चीज से निर्माण किया गया है, और जब किसी चीज से किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो उस वालों को मटेरियल कहते हैं, लेकिन जो चीज़ उससे बनता है, जो चीज़ उससे बनता है, जैसे लकड़ी से बनाते हो कुर्सी, टेबल, ठीक है, जैसे इसमें कुछ जो इसका फॉर्म होगा क्या बोलते हैं, PVC से बना होगा इसका खोल, तो वो PVC क्या था, मटेरियल था, लेकिन ये जब बन के आया तो कॉमन हो गया, यानी कि जो चेयर आपका है, एक तो कॉमन नाउन के तरह कॉमन नेम भी है, तो चेयर ही बोलोगे ना साथियों, इसको पेन ही बोलोगे ना, सब कुछ कॉमन बुलाता है, तो चेयर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। वाय क्या है, वाय क्या है मुझे बताओ, जब मेरा नाम नहीं जानते होगे, मेरा नाम जैसे शशि है, अगर आप
मेरा नाम नहीं जानते, अगर मैं आपको कहीं मार्केट में मिल जाते तो कहते ना कि दिस इज द बॉय हु टीच, जो पढ़ाता है, या वही लड़का है जो पढ़ाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे को बॉय बनते, क्योंकि मेरा उस टाइम आप नाम नहीं जान रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम आप मेरा नाम नहीं जानते, यानी कि कहने का मतलब हुआ कॉमन नाउन कहीं ना कहीं अननोन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन जो होता है अननोन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसे कॉमन में रखते हैं, ठीक है। चेयर भी आपको देखो, मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर साथियों चेयर, चेयर हो गया, चेयर भी आपका क्या हो गया साथियों, कॉमन हो गया, ठीक है। वाई भी आपका क्या हो गया, कॉमन। इसके बाद देखो एक वर्ड है आपका वॉच, अभी क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको देखना है। देखो इसके बाद एक वर्ड है बॉय, यहाँ पे देखो बॉय दिखाई दे रहा हुआ, ये बॉय जो है ना ये भी कॉमन हो गया। अब देखो इसके बाद बॉय के बाद आया वॉच, अब देखो वॉच बहुत सारे हैं, दीवार वालों को भी वॉच ही कहेंगे, जो हाथ में पहनते उसे भी वॉच ही कहेंगे, भाई जो घंटे की तरह हिलते उसे भी वॉच ही कहेंगे, यानी कि वॉच एक आपका कॉमन कॉमन वर्ड में बोला जाता है, कॉमन जनरली वर्ड है, जनरल वर्ड है, सबको इसी को वॉच ही बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन का एक पार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है वाय के बाद जो वॉच भी है ना आपका, जो वॉच ये भी कॉमन नाउन में ही आ जाएगा, और ठीक है। इसके बाद उड बच रहा है, उड उड को देखो इस बुक के अनुसार चले, बाय द वे देखो ग्रामर रूल ये कहता है कि मेटेरियल नाउन जब तक मेटेरियल नाउन नहीं होगा जब तक उससे हम कोई चीज़ के निर्माण ना कर दे, जैसे जैसे ले लो गोल्ड, गोल्ड इससे गोल्ड तब तक मेटेरियल नहीं है जब तक उससे हम या अंगूठी या सिकरी या गर्दन में को जो कुछ भी पहनते हो या नाक या कान में कुछ भी पहनते हो उससे किसी चीज़ का निर्माण ना हो जाए तब तक वो मेटेरियल नहीं है, ये ग्रामर के रूप कहता है। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे तो यहाँ पर जो बुक कह रहा है तो यहाँ पर जो बुक बोलता है कि वुड जो है आपका वुड वो हम यहाँ पर इसको मेटेरियल नाउन में मान करके चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक बच गया रिवर, तो देखो रिवर क्या है, रिवर का खास नाम जैसे ले लो रिवर में गंगा, तो क्या है रिवर एक जनरल है, तो एक रिवर है नदी, नदी में छोटा भी हो तब भी नदी ही बोलेंगे, बड़ा वाला भी हो तो नदी ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो नदी वर्ड है, जो आपका नदी वर्ड दिखाई दे रहा है कॉमन है। अब देखो मैं कह रहा हूँ ना सभी को एकदम इस सेशन को शेयर कर दो गर्दा की तरह, और देखो यहाँ से आप सीखने के मिलेंगे, क्या यहाँ से सीखने के मिलेंगे, आप सीखो कैसे सिखा रहे हो। देखो शेयर एक कॉमन नेम था, जनरल नेम था, तो कॉमन हो गया। बॉय भी किया था, भाई मेरा नाम नहीं जान रहे होगे तो बॉय बोलोगे ना मुझे, जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्चा अंजलि है, अब मान लो अंजलि का आप नाम नहीं जानते, वह कहीं मिल जाते हैं, तो मान लो यहाँ पे अंजलि का नाम सोनी कर रहा होता तो आप बोलते ना कि दिस गर्ल टू मच चैटिंग, ये बहुत ज़्यादा चैटिंग कर रही है। तो यहाँ पे जो गर्ल आता वो अननोन है, मतलब उसे जनरल फॉर्म में ये बोल सकते हैं, यहाँ बॉय भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन का पार्ट्स हो जाएगा। वॉच मैंने बता दिया, वॉच का भी, रिवर को भी बता दिया, तो ये जो थे ना रिवर वॉच बॉय चेयर ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज जो थ्री देखो यहाँ पे एक्सरसाइज जो थ्री दिखाई दे रहा है साथियों, इसका आंसर क्या होगा आपके दिमाग में खटकना चाहिए, सर इसका आंसर क्या होगा। देखो आंसर ये होगा कि ये रहा है क्वेश्चन में जो अलग डिफरेंट हो, तो इनमें से डिफरेंट आपको कौन लग रहा है, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, ये जो वुड बच गया ये वुड जो है ना डिफरेंट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वुड हो जाएगा। अभी कोई फटाफट इस सेशन को शेयर करो और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों वुड। मज़ा आ रहा है ना आपको साथियों, आपको अगर लग रहा होगा कि हाँ इज इट मतलब यूजफुल फॉर मी, देन यू हैव टू शेयर दिस सेशन। आपको इस शेयर को अगर लगता होगा कि हाँ ये मेरे लिए उपयोगी है, आपको इस सेशन को एकदम धुआंधार मतलब पूरे इंडिया में शेयर कर दो, सभी को ही सीखना चाहिए, एक ही घर का बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई चार्जेज अभी नहीं लग रहे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ इस तरह से कोई डिटेल से बताया ही नहीं, आप पूरे यूट्यूब पर कह रहे हो साथियों चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आज तारीख नोट डाउन कर लेना, इसके पहले किसी ने इतने डिटेल्स में नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब सर्च मार लेना ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर लिख करके, ठीक है, किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है, ये बात को याद रखना। आज सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करो, पहले सभी को नोट डाउन करो और उसके बाद मुझे बताना सबको नोट डाउन कर लिया कि नहीं, सबकी कमेंट देख रहा हूँ। देखो एक क्या नाम है सूरज, सूरज नाम का लड़का कमेंट कर रहा है, यस सर मैं समझ गया, शेयर करो इसे सभी को, शेयर करो, यहाँ पे भाई सेल लड़के से काम नहीं फ्री आएंगे, सेल लड़के से काम नहीं चलेगा, इसको शेयर करो। चलो सभी को नोट कर लिए ना, नोट कर लिए ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा साथी वुड, क्योंकि बाकी सब एक ही फैमिली के थे। अब देखो इसको समझो, जब घर में सारे एक फैमिली के होता है और एक अलग फैमिली से आता है, थोड़ा उसको अलग मतलब थोड़ा इज्जत करते हो ना, मान लो जैसे घर का मेम्बर हो,
आप अगर घर का मेंबर हो तो घर की तरह ट्रीट करेंगे ना, लेकिन वहीं घर पे मेहमान आ जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मेहमान साहब थे, इनको इज्जत करना पड़ेगा ना, इसीलिए ये उड़ क्या था, डिफरेंट पार्ट था, अलग था, इनमें से इन पांचों में से उड़ क्या था, अलग था, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, उड़ हो जाएगा। समझ गए साथियों, समझ गए, आ जाओ इससे मैं अब हटाता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लगा होगा आपके स्क्रीन पे, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो साथियों, कह रहा है गोल्ड, देखो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, फिर रिंग, आयरन, ब्रास। देखो गोल्ड मतलब होता है सोना, सिल्वर मतलब होता है क्या चीज़, बताओ जल्दी से साथियों, सभी को कमेंट करो सिल्वर मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ आपकी कॉमन, जो आपकी कॉमन सेंस है, मैं देखता हूँ कहाँ तक आप लगा सकते हो सिल्वर। भाई सबको सिल्वर बचपन में सिल्वर का चीज़ पहने होंगे, उसे क्या बोलते थे घर के, वो ममहर से मिलता है बेरा, सिल्वर को सबको पहना होगा, सिल्वर मतलब होता है चांदी। आयरन, रिंग, रिंग समझते हो ना, रिंग वो जो सेरेमनी में देते हो, बहुत सारे शादियों में सेरेमनी में दिया जाता है रिंग, अंगूठी, ठीक है। ब्रास की बातें समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसमें से डिफरेंट पार्ट को छाटो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ सबकी कमेंट, कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे जवाब दिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज मैं बताता हूँ, देखो गोल्ड इस बुक के हिसाब से, लेकिन कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, शुरू वाला भी वीडियो जा करके देखना, कंसेप्ट ये बताया था मैंने, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि मेटेरियल नाउन तब तक मेटेरियल नाउन नहीं होगा जब तक उससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया जाएगा। या आप जा करके कहीं भी सर्च मार देना, विकिपीडिया, देखो गूगल के चक्कर में नहीं पड़ना, विकिपीडिया पर मारना, विकिपीडिया एक वेरीफाइड, ठीक है, गूगल पर होता है कि हम जैसे कोई होता है वो चीज़ अपलोड करता है, लेकिन विकिपीडिया पर जाओगे तो विकिपीडिया पर आपको सारी चीज़ें कलेक्ट मिलेंगे, तो वहाँ पर जाकर सर्च मार, ठीक है। तो मेटेरियल नाउन बताएगा आपको, पूरा डिटेल्स में होगा, इंग्लिश में लिखा होता है लेकिन आपको हिंदी में समझना पड़ेगा उसे ट्रांसलेट करके। तो मेटेरियल नाउन जब तक तब तक मेटेरियल नाउन नहीं होगा जब तक उससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर दिए। जैसे देखो आटा मेटेरियल नाउन होता है ना, आटा, आटा से क्या करते हो आप, आटा से क्या करते हो, रोटी पकाते हो ना साथियों, उससे तो मेटेरियल नाउन कहलाएगा भाई। सुनो गोल्ड होता है ना, गोल्ड से क्या बनाते हो आप, रिंग बनाते हो, कान में के बनाते हो, नाक में के, गर्दन में के, पैर में के, पैर में भी बहुत सारे पहनते तो नहीं सोंगे, वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब जैसे देख लो लोहा, लोहा को आयरन को मानोगे मेटेरियल, आयरन से साथियों गाड़ी बनते हैं ना, अब कहोगे साथ ही स्टील का बनता है, तो मान के चलो यहाँ पे आयरन के जो पाइप होते हैं ना, आयरन क्या होता है, एक आयरन से पाइप बनाए जाते हैं, फिर एक बहुत सारी चीज़ बनाए जाते हैं यार, स्टूल भी आयरन का आता है, लोहे का, तो वो चीज़ उससे किसी चीज़ का निर्माण कर दिया जाए तब वो मेटेरियल नाउन होता है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि जो अभी छोटे छोटे अभी लेवल पे आप हो, छोटे लेवल से हम समझने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो गोल्ड दिखाई दे रहा था, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, पता ना, गोल्ड को आप तौल के बेचते हो, ठीक है, सिल्वर को भी तौल के बेचते हो, आयरन को भी बेचते हो तौल करके, ब्रास को भी बेचते हो तौल करके, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, इस अकॉर्डिंग टू जिसे मैं जिसे तौल के बेचते हैं उसे मैं अकॉर्डिंग से सोचूँ ये मटेरियल में आएंगे। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, ये किन में जाएंगे, मेटेरियल में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि आपको इनमें से डिफरेंट छाटना। अब बताओ रिंग, रिंग क्या है, सोने का भी रिंग हो सकता है, चांदी का भी रिंग हो सकता है भाई, स्टील का भी रिंग हो सकता है, जो वो क्या बोलते हैं लिखो फिको रिंग जो वो मेले में बेचते हैं, वो रिंग 10 रुपये में देते हैं, वो भी रिंग ही कहलाएगा। तो रिंग एक आपका क्या जनरल वर्ड है, तो रिंग इसमें जो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, तो आपका डिफरेंट जो हो जाएगा आयरन हो जाएगा, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कह रहा है कि देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि इनमें से आपको पिक आउट करना है जो तो डिफरेंट हो इनमें से। गोल्ड एक ही था, सिल्वर भी उसी कैटेगरी का था, और जो ये आयरन था ना उसी कैटेगरी का था, और ब्रास भी था उसी कैटेगरी का था, लेकिन एक जो जो यहाँ पर रिंग, रिंग जो था ना साथियों, सॉरी यहाँ पर रिंग होगा, जो रिंग था ये अलग कैटेगरी का था। क्यों? क्योंकि रिंग को हम लोग जनरल वे में भाई सब कुछ को रिंग बोल सकते हैं, सोने वालों को भी रिंग ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसको अलग चीज़ बोलते हैं, रिंग ही तो बोलते हैं, भैया मुझे रिंग दे दो, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं ना कि वो अलग जाए कहता होगा कि मुझे पहनने के लिए दे दो। देखो पहनने के लिए शॉर्ट भी होता है, ये माला भी पहनते हो हाथ में, ये जो पहनते हो ना, वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रंगदार वो मतलब जो होंगे उस टाइप के वो भी जुड़े होंगे, तो वो पहनने के लिए हो जाता है, लेकिन आप उसे रिंग बोलते हो, तो रिंग क्या कोई जनरल फॉर्म में हो गया। चलिए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए सर, आ जाइए, देखिए आपके स्क्रीन पर थर्ड नंबर क्वेश्चन लग गए होंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बॉय चाइल्डहुड, यहाँ पर बॉय नहीं होता है, देखना जब प्रचार उचार देखना लाइव बॉय के प्रचार, लाइव बॉय बोलते हैं, लाइव बॉय नहीं बोलता है, बॉय कुछ दूसरा मतलब हो जाता है, ठीक है, बॉय बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई से यह होता है ना बॉय। देखो यहाँ पर बॉय चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डॉटर, आर को हक की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है,
यहाँ पे तो अब बताना मुझे डिफरेंट कौन सा है। वाई वाई अभी मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया था, सब फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन था ये क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते हो, अननोन हो, वो क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन के में आ जाएगा। गर्ल वही बात आ गया, मैंने बताया था ना नाम का, नाम नहीं जानते होगे, अगर मिल गई तो उन्हें कैसे बुलाओगे, गर्ल ही बोलोगे ना अगर नाम नहीं जानते हो तो। ठीक है, सन, सन क्या होता है, किसी रिलेशन का, किसी सगे संबंधी का जो सामान्य नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लो आप अपने जैसे फुआ के पास गए और फुआ के बगल की जो गोतनी होगी आपके नाम नहीं जानते होंगे, आप भी तो उनके भतीजे ही लोगोगे ना उस कंडीशन में। आप साथियों हम बता रहे थे आपको कि जैसे आप रिलेशन में जाते हो, कहीं भी रिलेशन में जाते हो साथियों, तो आप क्या करते हो बताओ, जाते होगे तो मान लो आपके फुआ जी होंगे, वो तो आपके नाम को जानते हैं, लेकिन जो फुआ के गोतनी होते, समझ रहे ना, उनके जो बगल वाले, तो उनके बगल वाले जो गोतनी होते वो तो आपके नाम नहीं जानते हैं। तब तो वो कहेंगे ना कि बेटा इधर सुनो, आपके पापा जी कैसे हैं। तो वहाँ पर जब वो बेटे बुलाती है, यानी कि रिलेशन, रिलेशनशिप में ऐसा नाम जो जनरल हो, यानी कि जो कोई भी उसे बुला सकता है, उसे हम कॉमन नाम रखते हैं। तो बताओ यहाँ पे जो आपका सन दिखाई दे रहा है, जो ये सन, सन यहाँ पे देखिए, सन सन दिखाई दे रहा है ना, ये जो सन है ये आपका कॉमन नाम में चला जाएगा ना। अब देखो उसके बाद आ जाओ डॉटर, डॉटर भी क्या है, बेटी। जब कोई लड़की जाएगी मम्मी में, मान लो उसकी बगल की मामी है, नाम नहीं जानती उसकी, पहली बार गई हो, तो बुलाएगी ना कि डॉटर बेटी इधर आ जाओ, या नानी होगी तो बुलाएगी ना डॉटर इधर आ जाओ, उस कंडीशन में ऐसी बातें हैं। अब देखो बच गया यहाँ पे एक चाइल्डहुड, चाइल्डहुड अरे मेरे बच्चे बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर आप क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सर लिख करके बता दो। देखो साथियों आपको लिखने के लिए एक क्वेश्चन लगवा, बहुत मेहनत साथियों क्वेश्चन स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ, ताकि आपको कोई ऐसा चीज़ हिडन एलिमेंट ना छूट जाए, ताकि आप कहीं गलती ना कर ले। इसलिए सारे चीज़ों को मैं अरेंज करवा रहा हूँ, हम लोग बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी मेहनत करना ये होगा। देखो अभी 130 ही लड़के जुड़े हैं यार, मैं कह रहा हूँ 150 प्लस चाहिए, तभी ये मार्कर, समझो ना ये मार्कर दिख रहा हो ना, ये मार्कर तभी जा करके कुछ जादू करके दिखाएगा। 150 प्लस चाहिए मैं लाइव में, भाई उस दिन 300 लड़के हुए थे, आज तो 150 प्लस होने ही चाहिए। ठीक है आ जाओ, 150 प्लस होने ही चाहिए रियल में, समझ रहे हो ना साथियों। तो हम बता रहे थे यहाँ पे देखो, बॉय बॉय गर्ल, देखो लिख करके ही बता रहे साथियों, इतनी चीज़ें मैं मेहनत करूँ आपके लिए। सन और डॉटर, देखो ये जो थे बॉय गर्ल सन डॉटर, ये किस में जाएंगे, कॉमन नाउन में जाएंगे साथियों, कॉमन नाउन में। ये बात याद रखो, एकदम गांठ में दिमाग में बैठ लो, बॉय नाम नहीं जान रहे हो ना, अननोन है। आपके गांव में कोई अगर ऐसा व्यक्ति आ जाए, मान लो मेरा दोस्त है वो आ गया, उसके नाम नहीं जानते, कहोगे ना कि दिस बॉय हु इज द फ्रेंड ऑफ शशि, या वही लड़का जो शशि का दोस्त है, बोलोगे ना। तो यहाँ पे बॉय क्या, अननोन है, आप इसके बारे में नाम नहीं जानते उस लड़के के बारे में, तो वो कंडीशन में कॉमन नाउन है। गर्ल भी वैसे ही है, सन भी वैसे ही है, रिलेशन का सामान्य नाम है, और डॉटर के समान। देखो मैं अलग अलग तरीके से मैं थिंकिंग सोचवा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला कि कोई बच्चा भी जुड़ जाए ना इसमें, एक बरस का बच्चा भी हो ना, बढ़िया तरीके से देखेगा, वो इंग्लिश सीख जाएगा। एक बरस का बच्चा कहते हैं ना, 6 महीने के बच्चे भी ये को सुन सुन के समझे ना सीख जाएगा। बस अर्थ करना ये पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको साथियों, विदाउट ध्यान दिए, विदाउट कंसंट्रेशन किए नहीं सीख पाओगे साथियों। यहाँ तक बड़े बड़े जो होंगे ना सर, वो भी नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दे दोगे ना साथियों, मैं बोल रहा हूँ ना जो बता रहा हूँ, इंग्लिश सीखने से आपको वो कहते हैं ना, वो भी नहीं रोक पाएंगे बड़े बड़े चीज़ों को, जो डर होता है ना, डर को निकालने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। डर नहीं रहेंगे नाउन में, नाउन को यूँ करोगे, यूँ चुटकियों में सॉल्व करोगे। ये बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सॉन डॉटर, किसी बात नहीं कॉमन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल्डहुड। क्या हो जाएंगे साथियों, चाइल्डहुड, ठीक है, CHILDHOOD। अब ये देखो प्रोनाउंसिएशन में मत जाना चाहते, थोड़े बहुत कंसेप्ट बताने के चक्कर में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, इसके ऊपर नहीं जाना, इसकी भी स्पोकन की भी क्लास लेंगे तब मेरे सुन लेना मैं कैसे बातें करता हूँ, तो इस पर नहीं जाना है आपको। ठीक है आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, चौथे नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके साथियों, बहुत मज़ेदार है, और यहाँ भी कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, एक सेकंड रुक जाना साथियों, लाइन पर बने रहो, तो साथियों एक सेकंड रुक जाना थोड़ा। चलो हमने आगे आप चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या है साथियों चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, हो गया
तीसरे नंबर क्वेश्चंस किए थे, डॉक्टर तक हो गया था, चौथे नंबर क्वेश्चंस आ जाओ, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चंस क्या करें, थोड़ा बहुत साथी वो टेक्निकली से हो जाते हैं, कुछ कोई इशू नहीं है। देखो चौथे नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बुक पेपर पेन एंड स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मैं इस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्क्रीन पर आपको लग रहे होंगे सारी चीज, वहाँ पर टेक्निकल से काम करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन लगाते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कह रहा है आपका बुक है, पेपर है, पेन है, स्टूडेंट है। अब मुझे बताओ इनमें से डिफरेंट कौन सा है, सभी कोई कमेंट करके मुझे बताओ इसमें से डिफरेंट कौन है। गम चुटकियों में बनाओगे, चुटकियों में ऐसा कुछ सिखा दूंगा, चुटकियों में बनेंगे सारे, ये सारे जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं चार नंबर चुटकियों में समझ जाओगे। बुक पेपर पेन एंड स्टूडेंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। अब देखो बुक भाई, भारतीय भवन की भी बुक ही बोलोगे, एनसीईआरटी की भी बुक ही बोलोगे, सीबीएसई वाले जो बुक होंगे उनको बुक ही बोलोगे ना। तो कॉमन नाउन है, किसी चीज का, किसी वस्तु का सामान्य नाम है। ये जो बुक है ना, ये बुक बुक ये दिखाई दे रहा है, जो बुक है ना ये सामान्य नाम है। इसके बाद देखो पेपर, अब मुझे बताओ ना पेपर के लिए मुझे कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे। अब देखो आप इतने बड़े चीज को पेपर ही बोलोगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। देखो इतने बड़े चीज का पेपर हो इसे पेपर ही बोलोगे, इतने छोटा चीज भी हो, इतने छोटा भी हो तो उसे पेपर ही बोलोगे, क्योंकि ना पेपर फटा हुआ है, पेपर फट के गिर गया। तो पेपर का कोई सेप साइज नहीं होता और ये अनकाउंटेबल में रखा जाता है पेपर को, ठीक है। पेपर का सेप साइज नहीं होता, अनकाउंटेबल रखा जाता है, यानी कि मटेरियल का पार्ट होता है, ठीक है। जो पेपर होता है मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका बुक हो गया, बुक क्या हो गया साथियों आपका, ये कॉमन नाउन हो गया। और यहाँ पे जो था आपका साथियों एक क्या है, पेपर, पेपर क्या है आपके साथियों, मटेरियल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे घेरा बना कर रख लेते हैं, मटेरियल नाउन है पेपर, और बुक आपका कॉमन नाउन। अब आगे पढ़ते हैं, पेन भाई रेड कलर, लिंगराइजर का पेन दे दो, एग्नी का पेन दे दो, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में पेन की है। तो पेन एक क्या है, किसी वस्तु का सामान्य नाम है, किसी लिखने वाला चीज का सामान्य नाम है पेन। इसलिए पेन भी आपका किस में चला जाएगा साथियों, कॉमन में चला जाएगा। तो आपका पेन है ना, वो भी देखो पेन वन ही, अब पेन, पेन मतलब एक दर्द भी होता है, एक पेन, देखो थोड़ा सा बोलते एक सलेबर की मतलब पेन, पेन पेन दर्द पेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेन का यूज करते हैं हम साथियों पेन, तो ये है किसी वस्तु का सामान्य नाम है, इसलिए पेन जो हो जाएगा कॉमन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे कॉमन लिखा हूँ, कॉमन में चला जाएगा पेन। अब देखो पेन हो गया, अब बच रहा है स्टूडेंट साथियों, बच क्या रहा है साथियों, स्टूडेंट। देखो मैंने बताया इसके पहले की वीडियो लेक्चर में, जिस भाई ने, जिस हमारे प्यारे बच्चे ने देखा होगा, स्टूडेंट को संग्रह को एक जगह बैठा देते हैं तो क्लास बन जाता है, यानी कि स्टूडेंट किसी भी चीज़ का सामान्य नाम, जैसे मैं बैग ले लूँगा, लड़का लड़की कोई भी हो बैग लेकर के जाएगा, आप बोलोगे ना कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट 6 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, या तो 20 साल का भी हो, उसे भी स्टूडेंट, ऐसा थोड़ी ना उसे अलग चीज़ बोलेंगे, उसे लिजेंड बोलेंगे, नहीं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोल सकते, उसे क्वालिटी को दर्शा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ही बोलेंगे, वो कभी दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। स्टूडेंट भी जो होगा आपका कॉमन नाउन, सॉरी स्टूडेंट भी क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन में ही जाएगा। अब बच कौन रहा है, अकेले पेपर में महाराज बच जा रहे हैं, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा ये पेपर ही होगा। बताओ साथियों मजा आ रहा है कि नहीं साथियों, पेपर इसका आंसर हो जाएगा, पेपर। देखो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा पेपर हो जाएगा। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं साथियों, आप सबको पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा हो सभी को फटाक से ना शेयर करो, 200 पहुंच चुके हैं हम लोग, 200 पहुंच चुके हैं, स्टेशन को शेयर करो एकदम तहलका मचा दो, सभी को सीखने चाहिए। ये बुक आपका कॉमन हो गया, पेन भी कॉमन हो गया, स्टूडेंट भी कॉमन हो गया, बस कौन जा रहा है पेपर है। तो पेपर आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा ना साथियों। पेपर का कोई सेप साइज नहीं होता, पहली बात, पेपर छोटा वाला भी उसे पेपर बोलेंगे, बड़ा हो पेपर बोलेंगे, 16 पेज का हो पेपर ही बोलेंगे। समझ रहे हो ना साथियों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पेपर आपका मटेरियल नाउन में जाते ही बात रखना। टेक्निकलजी थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए फटाक से, आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद लग गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, पांचवा नंबर क्वेश्चन, मैंगो एप्पल जूस ऑरेंज मिल्क। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं ना, आने वाले बुक में कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे समझने की प्रयास कर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा मैंगो एप्पल जूस ऑरेंज मिल्क, यहाँ पे दो हो जाएंगे साथियों, दो डिफरेंट वाले हो जाएंगे, लेकिन एक ही छाड़ नहीं है कि हाँ है तो हम लोग इसमें जूस कर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझो, पांचवा नंबर का है, पांचवा नंबर में कह रहा है मैंगो, अब सभी को पता है फल फूल
सब्जियों इत्यादि के सामान्य नाम को, क्या सामान्य नाम को लोग बोलते हैं कॉमन नाम, ये बताओ इसका सामान्य नाम हुआ कि फल का सामान्य नाम मैंगो है, मैंगो आपको कॉमन में जाएगा कि नहीं सचो, आप कॉन्सेप्ट सीखो, मैंगो सामान्य में है, जब सामान्य नाम है किसी फल का सामान्य नाम है, जनरल नाम है, बताओ। अब मैंगो में मालदे आम कहते हैं ना, तो वो प्रॉपर होगा साथियों, मालदे जो हो जाएगा ना वो प्रॉपर हो जाएगा। सिपिया साथियों आम का नाम बहुत याद है मुझे, अब हो तो सिपिया आम होते हैं ना, वो भी आपको प्रॉपर में चले जाएंगे। इस तरह से जो आम का वैरायटी होगा प्रॉपर में जाएंगे, ये खास नाम हो गया ना, उस आम में से खास आम है कौन सिपिया, तो आम में से एक यूनिक आम है मालदे, मालदे की तरह कोई दूसरा आम नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो ना साथियों, मालदे की तरह दूसरा कोई आम नहीं हो सकता, जो मालदे हो जाएगा सिपिया हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मैंगो बोला है तो ये किसी फल के सामान्य नाम है, छोटा वाला भी होगा मैंगो बोलेंगे, सिपिया भी होगा मैंगो ही बोलेंगे, जनरल में बोलना उसका नाम नहीं जानते हैं तो बहुत सारा मिक्स आम होगा हमें नहीं नाम पता है तो मैंगो ही बोलेंगे ना, तो मैंगो आपका साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंगो, मैंगो आपको हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे कॉमन रख लेते हैं, आ जाओ मैंगो हो जाएगा आपको कह सकते हो कॉमन। अब आ जाओ अब अगला पढ़ते हैं एप्पल, इस पर लिखा हुआ एप्पल, एप्पल भी तो सामान्य नाम है ना, कश्मीरी से होता है, एक बालू बालू टाइप का सेव होता है, मुझे नहीं पता एक कच कच मतलब काटो होगा तो थोड़ा अजीब टेस्ट लगता है, वो भी सेव ही होता है, सेव भी आपको साथियों किस में जाएगा कॉमन में जाएगा। और साथियों देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, सभी कोई सेशन को लाइक नहीं कर रहा साथियों, मज़ा नहीं आएगा जब तक सेशन को लाइक नहीं करोगे ना, मुझे एनर्जी नहीं आएगा, और जब मुझे एनर्जी नहीं आएगा साथियों फिर बताओ आपको कैसे पढ़ पाओगे बढ़िया से, तो एनर्जी मुझे अंदर लाओ और मुझे लगे कि हाँ बताना चाहिए इनको और कुछ सिखाना चाहिए, फटाफट सेशन को शेयर करो ठीक है साथियों, और लाइक तो दबाना ही आपको साथियों, लाइक जरूर आने चाहिए बहुत सारे। एप्पल हो गए, एप्पल के बाद है साथियों जूस, जूस किस किस ने पिया आज कमेंट करके बताओ, जूस भाई जूस कब ने पिया होगा, किसी ने ऑरेंज का पिया होगा, किसी मैंगो का शेक पिया होगा, मैंने तो बनाना का भी पिया है साथियों, मैंगो का भी पिया है, 10 रुपये में पीता था भाई, ज़्यादा महंगा पीता था ठीक है, तो वो जूस होते हैं, जूस क्या होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और एक चीज़ याद रखना लिक्विड लिक्विड फॉर्म में जितने भी पदार्थ होते हैं ना वो मटेरियल नॉर्म में नहीं आते ठीक है, ये जो आपका जूस आ रहा है ना यहाँ पे एक जूस वर्ड आ रहा है, ये किस में जाएंगे मटेरियल में, देखो दो ही तीन अच्छा लिखूंगा समझ जाना मटेरियल ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ ऑरेंज, भाई ऑरेंज का भी लगता है मीठा भी लगता है, अब जनरल में जाएंगे तो कहेंगे ऑरेंज दे दो भाई, ये भी क्या किसी फल का सामान्य नाम, ऑरेंज भी क्या है साथियों फल का सामान्य नाम है, ऑरेंज भी क्या साथियों आपके किसी फल का सामान्य नाम है। इसके बाद बच गया एक साथियों मिल्क, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है साथियों, कंसेप्ट याद करो लिक्विड फॉर्म में होता है मिल्क, आपका साथियों हो जाएगा मटेरियल में, इसमें हो जाएगा मटेरियल में, और इसके करेक्ट आंसर दो ही हो जाएंगे जूस एंड मिल्क, और ये सारे क्या हो जाएंगे कॉमन नाम। बताओ समझ में आ रहा ना साथियों, मैं भी कंसेप्ट बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, तो सभी को थम्सअप वाला जो इमोजी होता है सभी को फटाफट एक इमोजी थम्सअप वाला सेंड करो, देखो बार बार कमेंट नहीं करना है, जब मैं बोलूँ तो कमेंट करना ठीक है, नहीं तो कमेंट की भरमार लग पड़े हैं यहाँ पे साथियों, भाई रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बस बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, साथियों बताओ एक पॉसिबल है एक बार में 200 बच्चों को जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाते, समझ रहे हो ना। और देखो साथियों इसको सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ बताओ कि सर इंग्लिश की बैच शुरू हो चुकी है, और इस सेशन को ना इतनी दबा के शेयर करो, इतनी जगह शेयर करो कि सब बच्चा नाउन से नहीं डरे, नाउन एक ऐसा चैप्टर है ना सबको डरावना लगता है, नाउन से नहीं डरना है, नाउन से फाइट करना है, नाउन के सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। आज ये 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, देखिए 6ठे नंबर क्वेश्चन में क्या है, टेबल डेस्क क्लास रूम एंड चेयर, मेरा टेबल डेस्क क्लास रूम एंड चेयर, आ जाइए यहाँ पे जो आपको साथियों क्या है क्या हुआ है टेबल, क्या दिया सबको टेबल, अब मुझे बताना यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ देखो 6 नंबर क्वेश्चन था टेबल, मैंने लिखा टेबल, मैंने लिखा डेस्क ठीक है, मैंने एक वर्ड लिख लिया रूम ठीक है, आ जाओ मैंने एक वर्ड लिख लिया चेयर, अब मुझे बताना साथियों टेबल, भाई किसी टेबल में भी बहुत सारे टेबल होते हैं, डिजाइन डिजाइन के टेबल होते हैं, तो वो क्या है टेबल का एक जनरल नेम है, किसी वस्तु का जनरल नेम है टेबल, डेस्क भी वैसे ही है, रूम है रूम कोई छोटा होता है बड़ा होता है रूम ही तो बोलते हो, ऐसा थोड़ी है ये भी क्या है जनरल नेम है, अब जो 5 स्टार वाला रूम हो उसे अलग थोड़ी बोलते, रूम ही नहीं कहते भाई यार मुझे रूम वहाँ पर दिलवा दो, रूम ही बोलते हो, जनरल नेम है रूम भी, चेयर
चेयर में भाई एक वो बोलते हैं कैसा चेयर, एक रहीस वाला चेयर होता है भाई, पता नहीं कैसा, अभी लूंगा तुम्हें बता, दिखा भी दूंगा। तो चेयर भी क्या होता है साथियों आपके, कॉमन हॉल में आता है, बच जा रहा है आपका साथियों क्लास। हाँ बच कौन सा रहा है, क्लास। अब देखो क्लास को समझो, मैंने बताया था क्लास कैसे बनता है, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट बहुत सारे हो जाते हैं और उसे किसी एक चीज़ जगह पर रख दिया जाता है, यानी कि स्टूडेंटों को संग्रह क्लास कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे छठी क्लास में ऐसा थोड़ा कि सिर्फ टीचर ही होंगे, वहाँ पर स्टूडेंट होगा ना, और तो वहाँ पर स्टूडेंट होगा ना, वहाँ पढ़ने वाले छात्र होंगे ना, तो ये जो क्लास का निर्माण होता है यानी कलेक्टिव होता है, जो क्लास हो जाएगा साथियों आपका कलेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों कलेक्टिव, और ये जो बाकी थे ये सारे कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा साथियों कॉमन, दिख नहीं रहा होगा साथियों यहाँ पर आ जाओ, ये सारे हो जाएंगे कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे साथियों कलेक्टिव, और इसके आंसर यही होगा कलेक्टिव, क्योंकि डिफरेंट वाला छाटना है, ठीक है। मज़ा आ रहा है साथियों, तो सेशन को शेयर करो, अभी भी बहुत सारा टाइम है, अभी बहुत सारे 14 क्वेश्चन करने हैं, सेशन को बहुत जल्दी शेयर करो और दोस्तों को सभी को बताओ, ठीक है। देखो भाई मैं बताऊं कि इस सेशन को कौन कौन देख सकता है, आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे ना, एक साल का बउआ होते हैं ना, वो भी देखेंगे ना, सेशन से समझ जाएंगे सीख जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा दिए, टेक्निकली बहुत समझदार है, थैंक यू। आज सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो सातवें नंबर कह रहा है कि सिंगर म्यूजिक डांस प्लेयर, और मैंने एक चीज़ बताया था कंसेप्ट के अंत में, ईयर लगा हो यार ओ आर ए आर, वो कॉमन नाउन में जाते हैं, ज़्यादातर कॉमन नाउन के पार्ट्स होते हैं। बताना सिंगर, सिंगर क्या है भाई, किसी प्रोफेशन का नाम है ना, डांसर किसी प्रोफेशन का नाम है, प्लेयर ये सारे किस में आ जाएंगे, सिंगर डांसर प्लेयर सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे कॉमन नाउन में। ये जो आपका वर्ड है सिंगर, सिंगर डांसर प्लेयर, ये सारे जो वर्ड है सिंगर डांसर प्लेयर एक्टर क्रिएटर, भाई क्रिएटर हुआ, मैं जैसे क्रिएटर, टीचर मास्टर, ठीक है, डिजास्टर भाई दूसरी, ठीक है, ये जो वर्ड आते हैं ना ये कॉमन अनको, जिसमें प्रोफेशन की बात हो, भाई सिंगर एक प्रोफेशन है, डांसिंग करना भी एक प्रोफेशन है, प्लेयर भी एक प्रोफेशन है भाई, ठीक है, वो ये सारे जो प्रोफेशन वाले वर्ड होते हैं ना उससे भी साथ ही हम कॉमन नाउन में रखते हैं। अब इसमें बच कौन सा रहा है, एक साथ ही बच रहा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है म्यूजिक, देखो म्यूजिक क्या करते हो साथियों, कान में हेडफोन लगाते हो और फील करते हो ऐसे, तेरी मेरी गल्ला वो गाना आया था ना, तो पता नहीं जी कौन सा, तो म्यूजिक को क्या करते हो फील करते हो भाई, बहुत सारे बच्चे गाना सुनते हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो वो जो म्यूजिक बजती है उसके साथ में जो एक धुन बजता है तो फील करते हो, तो आनंद लेते हो, तो यानी कि जो ये म्यूजिक हो जाएगा आपका साथियों, जो म्यूजिक हो जाएगा ये किस में जाएगा, ये आपका अबस्ट्रेक्ट में जाएगा ना साथियों, ये अबस्ट्रेक्ट नॉन में जाएगा ना, और ये सारे जो बच गए किस में जाएंगे, कॉमन नॉन में जाएंगे साथियों। देखो मजा आ रहा होगा, शेयर करो, सभी को शेयर करो और इसको नोट डाउन करते चलना। देखो साथियों मैंने बताया नहीं, नोट डाउन इसे करना है, समझना है, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगे ना उसे भी नोट डाउन करना है, और इसकी सारी की पीडीएफ फाइल दूंगा, ठीक है साथियों, पीडीएफ फाइल बिल्कुल मिलेंगे। आप टेलीग्राम में जा करके क्या करना है आपको साथियों, टेलीग्राम में जाना है, ज्वाइन करना, इसको नोट डाउन कर लिए ना, आ जाइए, ठीक है, नोट डाउन करते चलना इसके साथियों, ठीक है, क्योंकि इसे लिखोगे और बार बार देखोगे फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे तो फिर कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, वीडियो को दो बार तीन बार सीख लेना, यहाँ से उनको सीख जाओगे फिर मेरा पार हो जाएगी आपकी, आ जाइए। आठवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल्क इंक टी कॉफी ब्रेड एप्पल, अब तो मुझे तो लाइन से दिखाई दे रहे, मिल्क भी आपका है, इंक भी, इंक यहाँ पे है, टी है, कॉफ़ी है, ब्रेड है, ये तो सारे देख के ही पता लग रहा है साथी, खाने वाले चीज़ है, और जो खाने वाला चीज़ होता है देखो साथी वाला में भी बहुत सारे कॉमन होता है, ठीक है, इस चीज़ को निर्माण किया गया हो, जैसे मिल्क, मिल्क भी क्या होते हैं साथियों, मिल्क से दही दूध बनाते हो साथियों, तौल नाप करके देते हो ना, समझ लो ना, मिल्क क्या लिक्विड फॉर्म में होता है ना, देखो जो तीन तरीके आजमाइश करना, लिक्विड होना चाहिए, नाप तोड़ के देते हो, ठीक है, और कोई चीज़ बनाया जाता हो उस चीज़ से, सेव से क्या बनाओगे साथियों, सेव से क्या बनाओगे बताओ, तो कुछ पहुँच कर सकते नहीं, अब बहुत सारे कहेंगे सर सेव से हम पठादी काट देंगे, अरे यार इससे छोटा सा पार्ट फॉर्म कर रहे हो, लेकिन दूध से दही, दही से मक्खन, समझ रहे हो ना, मैं क्या बताऊँ, दूध से दही, दही से मक्खन, ये चीज़ों का निर्माण करोगे, तो बातों का पूर्ण समझना है। यहाँ पे जो मिल्क इंक टी कॉफ़ी ब्रेड, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, मटेरियल हो जाएंगे, लिख दे रहा हूँ साथ, आ जाओ
मिल्क हो जाएंगे, इंक हो जाएंगे, टी हो जाएंगे, कॉफी सी हो, कॉफी भी हो जाएगा, और क्या है ब्रेड हो जाएंगे। ये जो वर्ड है मिल्क इंक टी कॉफी ब्रेड, ये सारे मटेरियल नाउन होंगे। क्या होंगे साथी? सारे के सारे मटेरियल है, और बेचारे अकेले बच जा रहा है एक चीज, वो है एप्पल। क्या बच रहा है साथियों? एप्पल। और एप्पल जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? एप्पल आपका। अरे साथियों अभी बताया, जल्दी कमेंट करो। मैं ऐसे नहीं साथियों, आपको सीखना है ना, तो बताओ ना एप्पल क्या होगा। मैं जाना तो सबकी कमेंट देख रहा हूँ साथियों, कमेंट नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। देखो पढ़ने के प्रयास करूँ ना बहुत टाइम लग जाएगा। देखो सारे के कमेंट चल रहे हैं, भाई बहुत टाइम लगेंगे। मैं कमेंट सबको देख रहा हूँ, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, सबकी एक्टिविटी पता चल रही है। बहुत सारे बच्चे शरारती कर रहे हैं, कह रहे सर ये रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड भाई रिकॉर्डेड नहीं है साथियों, लाइव चल रहे हैं। सबके नाम नाम लेना चालू करो, 200 लड़के हैं, किस किस के नाम में बताओ, नाम बताओ। एप्पल कमेंट करो, एप्पल क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, प्रिंस ने अच्छे कमेंट किया, जानवी, सब बच्चे कह रहे हैं सर ये कॉमन है क्योंकि समान है नाम है। बिल्कुल सही बताया ना, ये क्योंकि किसी फल का समान है नाम है। फिर क्या बचा रहा बच्चे के लिए? कॉमन। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? एप्पल। इस 8 नंबर का क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा साथी? वो एप्पल हो जाएगा। टेक्निकल जी क्वेश्चन लगा देते हैं 9th नंबर, देखिए टेक्निकल जी से मैं कहता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन लगा देते हो बेस्ट होगा, लगा देते। यस लगा दी। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीचर स्टूडेंट्स प्लस डॉक्टर बॉय, टीचर स्टूडेंट्स प्लस डॉक्टर बॉय। अब देखो टीचर पहले ही बात है कि बॉय समझ लो ना, डॉक्टर टीचर डॉक्टर की सोचना ही नहीं है, प्रोफेशन के नाम आ गया। स्टूडेंट भी देखो एक तरह से प्रोफेशन में आता है, लेकिन इसे नहीं मान के चलेंगे। स्टूडेंट पर बता दिया कॉमन होता है, मैंने हर बार बताया साथियों को, जो स्टूडेंट होता है साथियों आपका कॉमन होता है। आ जाओ ये जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, टीचर है स्टूडेंट है, फिर है आपका साथियों डॉक्टर है, बॉय है। ये देखो टीचर प्रोफेशन का नाम है कॉमन हो जाएगा, स्टूडेंट भाई बताया ना स्टूडेंट लड़का भी सकता, लड़की भी सकता, जनरल नाम है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, ये भी एक आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। डॉक्टर प्रोफेशन का नाम है भाई, और प्रोफेशन के सामान्य नाम को क्या बोलते हैं? डॉक्टर को कॉमन नाम रखते हैं। बॉय अनजान हो गए, सब अलग अलग तरीके से जमाई से कॉमन नाम पहचानने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से। इस तरीके से नहीं पहचान पाओगे ना तो इस तरीके से पहचान, इस तरह से नहीं तो इस तरीके से पहचान, लेकिन पहचानना सीख तो इसलिए अलग अलग तरीके से पहचानना, मतलब अलग अलग तरीके से बॉय के लिए अलग बता दिया, इसके लिए अलग, मान लो फिर इसके चक्कर में पढ़ते तो याद हो जाना चाहिए प्रोफेशन, इस तरीके से पहचान सकते हो। जितने ये सब थे क्या हो जाएंगे साथियों? कॉमन नाम हो जाएंगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा सटीक वो बच जाएगा क्लास, क्योंकि क्लास स्टूडेंटों का समूह संग्रह होता है, और क्लास को हम लोग कलेक्टिव में रखते हैं, किसमें? कलेक्टिव। देखो साथियों मैं रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रटवाना होता तो मैं एक लिख लेता, बच्चे जी ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्लास हो जाएगा। चलो 10वें नंबर में आ जाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊड हो जाएगा 10वें नंबर, ऐसे में रटवा कर चला जाता है। लेकिन नहीं, कंसेप्ट समझो, कैसे होंगे तो होंगे, तो क्यों होंगे साथ, कंसेप्ट को जब आपके माइंड में क्यों आने लगेंगे ना, क्यों बहुत कुछ, और माइंड में क्वेश्चंस आना चाहिए, डाउट्स आने चाहिए, क्योंकि सीखने का पहला जो होता है ना, सीखने का जो पहला सिर होता है क्वेश्चंस आना, बोले अच्छा जी ऐसा होता है तो होता है, कुछ तो रीजन होगा, ये बात तो आना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है साथियों, सभी को लाइक कर दिए होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे प्यारे सभी कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे शरारती भी जुड़ चुके हैं, बस चैटिंग कर रहे हैं, हाय हेलो, एक और बच्चे कमेंट कर रहा है, लड़की कमेंट कर रही थी उसके साथ कमेंट कर रहा है बच्चा, बहुत शरारती है, क्या बताऊँ इसके बारे में, नहीं बोल सकते हैं। आज ये 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि बुक एप्पल नर्स जग ओजी। अब देखो नर्स क्या है प्रोफेशन के नाम है, देखो मैं बताता चलूँगा समझते चलूँ। जग, अरे यार स्टील का भी जग होता है, एल्यूमिनियम का भी जग होता है, प्लास्टिक का भी जग होता है, तो जग जनरल वर्ड है, समझ रहे हो ना, जग को तौल के नहीं बचता, पहले ही बात याद रखना। ये जग हो गए, बुक भी हो गए, एप्पल भी हो गए,
और नर्स प्रोफेशन का नाम है तो कॉमन तो होगा ही। ठीक है, ये जितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जग, बुक, एप्पल, नर्स। एप्पल को तो बता ही चुका हूँ, कितनी बार बताऊँ साथ मुंह दुख गया है। ठीक है, बुक वाला ही बता ही चुका हूँ, जग वाला समझ लो बता ही दिया अभी, और नर्स का प्रोफेशन है। ये सारे जो हो जाएंगे किस कैटेगरी से आएंगे, कॉमन से आ जाएंगे कॉमन आने। और बेचारा अकेले जो बच जा रहा है, कौन सा बच जा रहा है साथी इसमें, तो बच जा रहा है आपका साथी उड, क्या बच रहा है उड, तो जो उड बच जा रहा है साथी ये हो जाएगा मटेरियल, और इसका यही आंसर ये क्या हो जाएगा साथियों, मटेरियल होगा। कौन सा नाम हो जाएगा, मटेरियल। ठीक है, 10 नंबर हो गया, अब चलते 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और सभी को इस वीडियो को दिखाना, ठीक है साथियों, ताकि वो भी कुछ ऐसी मचा दूँ। नोट डाउन कर लिया ना सभी को जी, बहुत सारा अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, अच्छे कमेंट कर रहे हैं, वाह चलिए बढ़िया है बढ़िया। आइए 11वें नंबर क्वेश्चन, और प्यार प्यार से प्यारा प्यारा इमोजी भेजते रहिए, मुझे इमोजी से बहुत प्यार, सब अच्छे लगते हैं इमोजी आते हैं। आइए 11वें नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 11वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, राइस, बनाना। अब देखो एप्पल क्या है, सभी को कमेंट करके बताओ, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना क्या है, किसी फल, फल, सब्जी, सामान्य नाम। देखो बनाना सब्जी में भी आते हैं, ठीक है, बनाना जो कच्चे वाला बनाना उसे काट कर सब्जी बनाया जाती है, उसे वो छान करके सब्जी बनाया जाता है। यार क्या बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बनाना का वो उबाल करके और उसे डाल करके बनाया जाता है, बनाना का सब्जी ही बनता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो उसे सब्जी में भी रखेंगे, नहीं वेजिटेबल्स में भी रखेंगे। ठीक है, और मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, तो यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना जो हो जाएंगे किसी फल, फूल, सब्जी का सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम को जिसमें रखते हैं उसे कॉमन नाम कहते हैं। यानी कि 11वें नंबर में हम जब बात करेंगे किसकी, एप्पल की और मैंगो की और ऑरेंज की और साथियों बनाना, इन चारों की बात करें, अगर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और बनाना की बात करें साथियों, ये सारे जो चारों हैं आपके किस कैटेगरी से लग रहे हैं आपको, कॉमन लगेंगे आपको, क्योंकि कॉमन नाउन ही है। अब आज इसमें बच क्या रहे हैं, अकेले राइस, राइस से क्या बनाते हो, खाने के लिए बनाते हो राइस, राइस को आप तौलते हो, गिन सकते हो, पहले बता, देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा ना, राइस को तो गिन नहीं सकते हो, राइस को आप अनकाउंटेबल रख दो ना, अनकाउंटेबल मटेरियल में आते हैं, ये मिस्टेक हो नहीं सकता है, अलग अलग तरीके सोच भी सकते हो, तो ये जो राइस हो जाएंगे साथियों के मटेरियल नाउन हो जाएंगे मटेरियल, क्या मटेरियल में आ जाएंगे, तो जो आपको राइस दिखाई दे रहा है मटेरियल हो जाएंगे, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, समझ रहे हो। ले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है, और 12 नंबर में कुछ सीखने को मिले, वही क्वेश्चन जो बच्चे ध्यान से देखा होगा इसके पहले का क्वेश्चन, ठीक है, कि पहले का जो क्वेश्चन बनाया होगा और ध्यान से सुन से जो सेशन को देख रहा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत प्यार से बना सकता है, 12 नंबर क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान से बना सकता है। कौन बच्चे बना सकता है, जो बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन को किए होंगे, 7 नंबर जो बच्चे क्वेश्चन किए होंगे वो आसान से बना सकते हैं, ठीक है, 7 नंबर जिसमें मुइजू का बात आया था, देखो पंच, पंच किसके लिए यूज करते हैं, अंगूर के गुच्छे के लिए, जो चीज भी गुच्छा में हो, आर्मी, आर्मी के वो क्या होते हैं, झुंड होते हैं, एक को नहीं बोलते आर्मी, एक को आर्मी नहीं बोलते, पुलिस का भी झुंड होता है साथियों, मतलब ना पुलिस का भी झुंड होता है, आर्मी का भी झुंड होता है, क्राउड, क्राउड मार्केट में तो बहुत सारा क्राउड होता है, मॉब मतलब, यानी कि हम भीड़ का मतलब, यानी कि बहुत सारे लोगों का संग्रह, बस क्या रहा इसमें अकेले म्यूजिक, तो इसका 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो म्यूजिक हो जाएगा, म्यूजिक क्या हो जाएगा, अबस्टेक नाउन हो जाएगा, ठीक है, अबस्टेक नाउन हो जाएगा, और जो बाकी जो बच जा रहा है रेस्ट, कौन कौन बच जा रहा है साथियों आपको, बंच बच जा रहा है, कौन सा बंच, मॉब, बंच, मॉब, आर्मी, और बच जा रहा है मॉब हो गया क्राउड, ये जो बच जा रहे हैं चार, ये आपके हो जाएंगे कलेक्टिव, क्या हो जाएंगे साथियों, कलेक्टिव। देखो यहाँ पे म्यूजिक मैंने बताया ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, म्यूजिक बज रहा होगा बेचारा, फील कर रहा होगा, म्यूजिक क्या फील करते हो साथियों, इसे पकड़ सकते हो म्यूजिक को, नहीं पकड़ सकते कभी भी नहीं साथियों, म्यूजिक को आप फील करते हो, महसूस करते हो, यस पता नहीं जी कौन, तो म्यूजिक को आप फील करते हो। यहाँ पे जो बंच है, मॉब है, आर्मी है, क्राउड है, क्या हो जाएंगे,
कलेक्टिव हो जाएंगे, संग्रह हो जाएंगे, वंश संग्रह होता है साथियों। क्या चीज़ का? अंगूरों का संग्रह है, एक गुच्छा है। वहाँ भी वही संग्रह होता है, आर्मी भी संग्रह ही होता है, क्राउड भी वही होता है। तो 12 नंबर का आंसर ये होगा, लेफ्ट आंसर 12 नंबर की ये होगा, और ये आपका कलेक्टिव हो जाएंगे, ये आपका बिस्टिक। समझ में आ रहा है साथियों? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया फिर से भी वीडियो देखना, बिल्कुल समझोगे। और देखो मैं एक बात बता दूँ सर, अगर अभी तक आप, आपकी उम्र 15 साल होगी, किसी के 17 साल होगी, किसी का 20 भी होगा, किसी की 22 भी होगा, साथियों मुझे बताओ, जब आप 10 साल हो 12 साल में नहीं सीख पाए हो इंग्लिश, तो शशि कुमार आपको एक दिन में इंग्लिश तो नहीं, एक दिन में शशि कुमार जो खा रहा है, शशि पटेल जो खा रहा है, एक दिन में इंग्लिश सिखा सकते हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन रेगुलर वीडियो देखोगे तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ साथियों, यो वन डे एक दिन आएगा तो आप अंग्रेजी सीख जाओगे, अंग्रेजी बोलोगे, आपकी जुबान से अंग्रेजी निकलेंगे, और अंग्रेजी के कहीं भी आप सेंटेंस दिया हो वहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि ये नाउन है, ये नाउन में किसका है, ये आसानी से बता सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होगा? पेशेंस रखना होगा, और दूसरा एक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यस मैं सीख सकता हूँ, और पेशेंस धैर्य बना के रखना होगा, कंटिन्यू मेरे सेशन को देखना होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में हमेशा वीडियो को देखते रहना होगा, तब जा कर सीख पाओगे। क्योंकि बजना चीज़ में बनाने के प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं माला बना रहा हूँ, अब जैसे ही मैंने माला को तोड़ दूंगा, बताओ मैंने यहाँ पे एक माला का गैपिंग छोड़ा, तो माला बन पाएंगे, ये माला जुट पाएंगे? वैसे ही पढ़ाई होता साथियों, अगर एक सीरीज गड़बड़ाते हो, एक सीक्वेंस गड़बड़ाते हो, मेरे देखो बाकी क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे क्लास में देखो ऐसे होता है, पहले दिन इतना सीखोगे, फिर इतना सीखोगे, और जो ये पार्ट है ना यहाँ पे भी यूज होता है, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, ये सारे जो पार्ट पढ़ाए जाते हैं ना, ये पार्ट यहाँ भी काम आते हैं, यहाँ भी ये वाला पार्ट भी काम आता है, ये वाला पार्ट भी यहाँ भी काम आता है, और इन सब का यूज आता है। आप साथियों बताओ, शुरू से अगर वीडियो नहीं देखे होगे कैसे समझ पाओगे, कैसे समझ पाओगे? नहीं आएगा समझ में। बारीकी से एक एक चीज़ को, एक एक लेक्चर को देखना। कहीं कहीं मैं साथियों मैं बता दूँ, फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे साउंड में वो हो रहे थे, तो कोई इशू नहीं है, तो आप सीखने में प्रयास रखो, और हेडफोन लगा कर सुनोगे बढ़िया सुनाई देंगे, ठीक है? चलो ये चीज़ समझ गए ना साथियों, इसका 12 नंबर के म्यूजिक होगा बिस्टेक नाउ, और बंच और मॉक आर्मी क्राउड प्रोजेक्ट कलेक्टिव, और इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर म्यूजिक होगा। सभी को कमेंट करके बताओ, सभी को कमेंट करो। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे एकदम। अब देखो इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, टाइमर लगा करके 30 सेकंड का अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 30 सेकंड का अंदर। और चीज़ एक बात सुनो, महामैराथन कह रहे हो ना, महामैराथन यानी कि महायज्ञ मैराथन लगा सकते हो, एकदम पूरे ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, पूरे ऑब्जेक्टिव जो नाउन की जो पढ़ा रहा हूँ ना सारे जब खत्म हो जाएंगे, तो एक संडे को मैं बता दूंगा महामैराथन क्लासेस आएंगे, जिसमें लगभग 200 प्लस यानी कि 100 लेके चलो टारगेट 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे लगातार, महामैराथन चलेंगे, उसमें भी आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है? तो यहाँ से सीख लिए होगे ना, तो वहाँ पे महामैराथन में क्यों क्यों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सारे बोर्डों का निचोड़ लेकर के आऊँगा, ठीक है? वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसी से रिलेटेड वही क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो व्यक्ति कहता है ना साथियों आपसे यही क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, किसी की क्या हिम्मत है भाई? वो तो बोर्ड एग्जाम एग्जामिनर तय करता ना क्वेश्चन कौन सा आएगा, किसी की ये नहीं है कि वो बता दे कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसी पैटर्न पे आएगा, उसी स्ट्रक्चर पे आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि यही क्वेश्चन से आएगा? नहीं साथियों ऐसा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करना साथियों क्या क्वेश्चन देगा। हम एग्जामिनर हैं, हम क्वेश्चन सेट कर नहीं, हम एक आपका पढ़ाने वाला है, हम एक मेंटर है, हम आपको वो हथियार दे देंगे और युद्ध आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ क्या करते हैं, हम या राजकुमार सर आपको हथियार देते हैं और आपको युद्ध आपको करना पड़ेगा ना साथियों, तो ये बातों को समझना है। 12 नंबर कंसेप्ट क्लियर हो गए, और आप महामैराथन के लिए तैयार रहना, उस दिन हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, बहुत जल्द बता दूंगा किस कौन सा दिन को होगा, उन सभी चीज़ों को देखते रहना और रिविजन करते रहना, ठीक है? आ जाइए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, अजय 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वही क्वेश्चन सारी चीज़ वही बेस पे आएंगे, क्लास क्राउड टीम प्लेयर एंड फैमिली, समझ लो ना, क्लास क्राउड टीम प्लेयर फैमिली। अब देखो साथ यहाँ पे बताओ, फैमिली में एक लोग का फैमिली बोलेंगे नहीं, फैमिली में चार पांच जैसे पापा मम्मी भाई बहन, इन सारे लोगों को क्या होता है कलेक्शंस होता है, सारे लोगों का कलेक्शंस होता है। देखो टीम में क्या होता है, धोनी भी होता है, विराट कोहली भी होता है, जडेजा भी होता है, पर मैं तो नहीं जानता लेकिन फिर बता दे रहा हूँ, और युवराज सिंह भी खेलते थे, ये सारे क्या थे, इन सारी चीज़ों को मिला करके एक टीम बनाया जाता था, इंडिया का टीम,
ऑस्ट्रेलिया टीम क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़, क्लास में क्या स्टूडेंट होंगे, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई बोधू होगा, कोई गर्ल्स होगा, कोई बॉय होगा, तुम सबके क्या था संग्रह था, बच कौन सा रहा साथी बताओ, प्लेयर, इसमें देखने में एक बच रहा प्लेयर, और प्लेयर किसी भी प्रोफेशन का सामान्य नाम है, प्लेयर क्या है खिलाड़ी, खिलाड़ी यानी किसी भी प्रोफेशन का सामान्य नाम है, यानी कि तेरे नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों प्लेयर, और ये प्लेयर कैसा नाम है कॉमन हो जाएगा साथियों, कैसा हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, मतलब ना ये कॉमन नाउन हो जाएगा, और जो बाकी जो बच जा रहा है आपको रेस्ट में, जो बच जा रेस्ट में कौन बच जा रहा है साथियों आपको क्लास, क्राउड, और कौन बच रहा है टीम एंड फैमिली, ठीक है, ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके कलेक्टिव हो जाएंगे साथियों, क्या हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना ये कलेक्टिव हो जाएंगे, तेरे नंबर के आंसर जो हो जाएगा क्लियर होगा, समझ रहे हो ना, फटाफट कमेंट करो साथियों, फटाफट कमेंट करो, टाइम बहुत हो रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है साथियों, कमेंट करते रहना, आपको आंसर बताना इसको, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ जल्दी करना, किसको मतलब कमेंट भाई, कमेंट आने से समझ में आना चाहिए, बच्चे हमारे सारे एक्टिव है, तो क्या आपने लिखा पुलिस सोल्जर आर्मी कमांडर, देखो पुलिस में क्या होता है ना, तो चौकीदार भी होता है वो भी पुलिस में ही आता है, तो सब इंस्पेक्टर जितने भी सारे वो चीज़ों को संग्रह होता है, पुलिस क्या होता है संग्रह होता है उनकी चीज़ों को जो उनके अंडर में आते हैं, सोल्जर भी वैसा होता है ना, सोल्जर सोल्जर का ए सेक्शन बी वाला सी वाला ऐसे भी, आर्मी का भी वैसे होता है वो भी संग्रह ही होता है, लेकिन कमांडर, कमांडर एक सिंगल पीस को बोला जाता है, ठीक है, तो कमांडर यहाँ पे इसका आंसर 14 नंबर को हो जाएगा कमांडर, साथियों क्या हो जाएंगे साथियों कमांडर इसका आंसर हो जाएंगे, और यहाँ पे समझने का प्रयास करना, बाकी जो बच जा रहे हो सारे कलेक्टिव हो जाएगा, कमांडर क्या हो जाएगा साथियों कमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो बच जा रहे हैं जितने रेस्ट बच जा रहे हैं ना वो सारे आपके क्या हो जाएंगे साथियों क्या हो जाएंगे कलेक्टिव हो जाएंगे, पुलिस भी संग्रह है कलेक्टिव हो जाएगा, सोल्जर भी आर्मी भी, चलो इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है, चलो कर लिए होंगे, और करना भी चाहिए आपको, और नोट्स बनाना चाहती हूँ इसका, तो नोट्स बनाना फ्यूचर, इन फ्यूचर यू हैव टू यूज इट, आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसे आप यूज कर सकते हो, फ्यूचर में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ सब चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था ना मैं भी आप ही की तरह था, मैं बातों को मैं कहता यार ये चलो क्या नोट डाउन करना है, एक छोटी मोटी चीज़ क्या मतलब लिखना, लेकिन साथियों जब आप थोड़े से उच्च लेवल पर जाओगे ना, जब बेसिक चीज़ें खोजनी पड़ते हैं ना, आप बेसिक के लिए आप इधर उधर भटकने लगते हो, माइंड काम करना बंद हो जाता है, मैं कहाँ से करूँ क्या करूँ, वो चीज़ आपको ना हो के लिए आपको साथियों करना क्या पड़ेगा, अभी से नोट डाउन करना, चलो 15 नंबर क्वेश्चन लग चुके हैं, कह रहा है बोतल बोतल ऐसा है, देखते हैं साथियों 15 नंबर क्वेश्चन, डबल टी है एक चीज़ छूट गया, चलो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में एक डबल टी छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा बी ओ डबल टी एल ई बोतल कप वाई, अब देखो बोतल भी क्या है कचकारा वाला भी हो बोतल भी बोलेंगे, स्टील का हो बोतल ही बोलेंगे, जैसे स्टील में क्या आता है मिल्सन का आता है, मिल्सन का एक पानी पीने के लिए आता है, ठीक है उससे ही बोलेंगे, फाइबर का भी हो आता है जो साइकिल लगा के पीट रखते हैं तो उसे भी कचकारा ही बोलते हैं, प्लास्टिक ही बोलते हैं, तो बोतल क्या हो जाएगा जनरल नेम है, कप भी जनरल है, वाय भी जनरल है, यानी कि कॉमन नाउन हो गया, ये सबको क्या बोलेंगे साथियों कॉमन नाउन बोलेंगे। अब इसके बाद आ जाओ बच जा रहा है एक वाइन, वाइन मतलब शराब होता है साथियों, ये जिंदगी में नहीं करना, बहुत बेकार चीज़ें होती है बता रहा हूँ, देखो वाइन एक लिक्विड में होता है, लिक्विड मैंने बताया अब स्टेट में जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वाइन हो जाएगा, और जो वाइन होगा वो आपका क्या हो जाएगा मटेरियल हो जाएगा, लिक्विड होता है उसे मटेरियल में रखते हैं, समझ रहे हो ना, आज जो 16 नंबर इसे ही बता दो आपको, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि डे मंथ ईयर संडे बॉल, देखो डे किसी किसी भी दिन का सामान्य नाम है, किसी मंथ में डे आते हैं सामान्य नाम है, या वीक में भी आते हैं, मंथ क्या है किसी साल का सामान्य नाम है, साल में मंथ आते ना जनवरी फरवरी, जनवरी का सामान्य नाम क्या है मंथ, फरवरी का भी मंथ, देखो ऐसे मंथ क्या हो जाएंगे किसी मंथ किसी दिन का किसी तो सामान्य नाम है, डे हो गया समझो डे मंथ, क्योंकि मेरे मुँह थक गया ना ज़्यादा, मैंने क्लास में लंबे ले लिया, पानी भी नहीं पी पाया, ईयर भी यहाँ पे और एक बॉल, समझना ये बॉल ईयर मंथ डे क्या सामान्य नाम है, लेकिन इस दिन में एक आता होगा मंडे, इस दिन में आता होगा एक मंडे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन दिन सामान्य नाम है, मंथ मंथ में एक जनवरी आता होगा,
मंथ में एक जनवरी भी आता होगा, फरवरी, इस मंथ का कुछ खास नाम होगा तो प्रॉपर होगा, लेकिन ये मंथ अपने आप में जनरल है। ईयर, ईयर में 2021 चल रहा है ना, 2021 प्रॉपर होगा, लेकिन यहाँ पे ईयर है जनरल होगा। बॉल, बॉल जो कुछ नाम होगा वो प्रॉपर होगा, लेकिन बॉल यहाँ पे कॉमन है। ये सारे जो थे बॉल, डे, मंथ, ईयर, ये सारे क्या थे, कॉमन थे। इसके आंसर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संडे, क्योंकि संडे क्या है, किसी दिन का प्रॉपर नाम है। ठीक है, संडे क्या हो जाएगा साथी आपका, ये हो जाएगा प्रॉपर नाम, और यही इसका 16 नंबर का आंसर यही होगा, संडे। समझ गए साथी, समझ रहे हो ना, संडे होगा, हट गया, देख लो फटाफट देख लो। चलो अभी को इसे नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन कर लिए ना, आ जाओ थोड़ा इसे रब कर लो। और साथियों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हो ना, अभी भी कमेंट करो टेलीग्राम ज्वाइन किए हो कि नहीं। साथियों पीडीएफ मिलेंगे, सबके पीडीएफ मिलेंगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल मिलेंगे पीडीएफ साथियों, घबराना नहीं आपको। सारी चीज़ पे वर्क हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, बहुत जोरों शोर से काम हो रहा है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो टीम है सारे लोग बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, और साथियों आपकी सपोर्ट रही तो सब कुछ बेहतर तरीके से हो पाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गए आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो 17 नंबर कह रहा है कि डेथ फियर मॉप गुडनेस। देखो डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु को देखते नहीं हो साथियों, फील करते हो कि अगला बंदी मर चुका है। फियर, डर एक अंदर से महसूस आता है, इंटरनल एक फीलिंग होता है, डर को देखते नहीं। मॉब, भीड़ को देख सकते हो। गुडनेस, अच्छाई दिखती नहीं है, लगती है कहाँ अच्छा व्यक्ति है। यहाँ पे जो डेट समझना, डेथ फियर और क्या है, गुडनेस और क्या है, बस ये जो डेथ फियर गुडनेस जो है ना, ये आपके हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नोट। कैसा हो जाएंगे साथियों, अब्स्ट्रैक्ट, ये जो तीनों हैं क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉब। मॉब मतलब साथियों होता है भीड़, क्या होता है भीड़, और ये हो जाएगा आपका साथियों कलेक्टिव, और इसका सही आंसर यही होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये मॉब ही होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉब। आज ये 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत जल्दी कर देंगे इसको भी, सभी को इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही रामबान है ये जो डेथ फियर गुडनेस एक होते हैं, और जो मॉब है कलेक्टिव है भीड़, ये किस संग्रह को दर्शा रहा है। आज जो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और सब्जेक्ट फ्रेंडशिप। देखो फिजिक्स जो साइंस एंड आर्ट्स के जो नाम होते हैं उसे अब्स्ट्रैक्ट में रखते हैं, तो फिजिक्स आपका आर्ट्स, फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रेंडशिप। ये जो है ना ये सब आपको किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपको साथियों अब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है, कैटेगरी में आ जाएंगे ये सारे अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। लेकिन जो आपके इसमें बच जा रहे हैं कौन सा है, एक सब्जेक्ट, क्या बच रहा है साथियों, सब्जेक्ट, क्या बच रहा है, सब्जेक्ट। देखो ऊपर वाला थोड़ा मिटा दूँ ताकि आप समझ पाओगे बढ़िया तरीके से, हम हो रहे हैं साथियों बहुत जल्दी आपके सामने वो भी आएगा, रजिस्टर पर हाथ से मिला छोड़ेंगे हम लोग बहुत जल्द। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रेंडशिप ये आपका अब्स्ट्रैक्ट, और बच रहा कौन सा, एक सब्जेक्ट, तो वहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हो जाएगा, सब्जेक्ट फिजिक्स भी होता है, मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होता है, सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी भी होता है, हिंदी लैंग्वेज भी सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट यानी किसी चीज का सामान्य नाम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हिंदी, हिंदी को जब हम पढ़ेंगे तो क्या है सब्जेक्ट रूप में करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है जनरल नेम है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट जो हो जाएगा था तो कॉमन नाउन हो जाएगा, समझ गए। चलिए इस नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन करो, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे होंगे वो भी करने की प्रयास करते हैं, ठीक है साथियों, आ जाओ क्वेश्चन चेंज कर दीजिए सर, जल्दी कीजिए सर, जल्दी जल्दी कीजिए यार सर। चलिए लगा दिया आपके सामने क्वेश्चन, आ गया 19 नंबर क्वेश्चन, देखते कह रहा 19 नंबर क्वेश्चन, कार पेट्रोल ड्राइव ड्राइवर रोड बुक। देखो ड्राइवर ईयर आ गया, प्रोफेशन की बात आ गया, इससे कॉमन रखेंगे, देखो देखते ही पता कर लोगे ड्राइवर, कार, कार में भाई बेंच, मर्सिडीज, BMW ये प्रॉपर होगा, लेकिन कार जनरल फॉर्म में बोला, कार भी कॉमन नाम हो जाए, ड्राइवर हो गया, कार हो गया, रोड, रोड कच्ची वालों को भी बोलते हैं, पक्की वालों को भी, रोड, रोड एक जनरल नेम है।
रोड के बाद आ गया आपको साथ ही बुक वाओ के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ। अब इसमें बच कौन सा रहा है, पेट्रोल, कौन सा बच रहा है साथियों, पेट्रोल। ऐसे ही आपको छाट करके बनाना, देखो पहले छाट करके देखो, एक एक पार्ट को अलग करो, फिर इसको जैसा छाटो कि बच क्या रहा है, पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिक्विड वालों को हम किस में रखते हैं साथियों, मटेरियल में। अब देखो ड्राइवर, कार, रोड, बुक, ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साथियों, कॉमन नाउन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। आज तो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 20 नंबर का हेल्थ वेल्थ पेन डॉक्टर, पेन देखो हेल्थ, हेल्थ को नहीं देखते हो सिर्फ महसूस करते हो, वेल्थ को भी महसूस ही करते हो साथियों, ठीक है। और पेन, पेन को भी महसूस करते हो, ओह माय वेलीज पेन, मतलब मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब बच जा रहा है इसमें कौन सा, डॉक्टर, एक बच रहा है वर्ड डॉक्टर। डॉक्टर देखते ही पता चल रहा है कि प्रोफेशन का नाम है, प्रोफेशन का नाम क्या होता है, कॉमन नाउन होता है साथियों, साथियों कॉमन नाउन। अब और जो ऊपर हम बच गए, पेन, हेल्थ, वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, पेन, ये सारे जो हो जाएंगे साथियों, क्या हो जाएंगे साथियों, जल्दी बताओ, ये हो जाएंगे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जिससे हम सिर्फ महसूस करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है ना साथियों, ऐसा तो नहीं ना आप दूसरा कुछ पढ़ लिए होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं साथियों। ये थे हमारे कुछ एक्सरसाइज 3 के 20 क्वेश्चंस, और मैं आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से सेशन को एंजॉय किया होगा,